तो यार आज हम लोग करेंगे दैट इज इन का वन शॉट करेंगे ठीक है तो इन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सबको आज की कहानी में आज के सेशन में हम लोग समअप करेंगे इन इक्वालिटी एंड देन उसके बाद मॉडुलस एंड उसके बाद मैक्सिम मिनिमा जिसमें कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है उन सब चीजों को भी समअप करेंगे वन बाय वन ठीक है तो इसी सेंस में आपके वन शॉट चल रहे हैं और कल हम लोगों ने किया था एवरेज का वन शॉट आई होप कि कल एवरेज के फंडे आप सबके क्लियर हो गए होंगे राइट right? सो डमी एंडर को रमन ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी डाउट है कुछ भी पूछना है वहां करके आप पूछ सकते हो ठीक है सर वन शॉट और पीवाई क्यू मर्ज कर दो हाँ पीवाई क्यूज मैंने करा रखे हैं उसका मैं बता आ, कुछ एक चैप्टर है जिनके मैंने पीवाई क्यू नहीं कराए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं कि भाई आने वाले टाइम पे करा दूंगा मैं जल्दी ही ऑब्वियसली ठीक है एग्जाम टाइम से पहले पहले करा दूंगा मैं और बाकी कुछ चैप्टर के पीवाई क्यूज मैंने करा रखे हैं तो वो आप देख सकते हैं जैसे कि कल हम लोगों ने एवरेज का वन शॉट किया था ठीक है तो एवरेज का जो वन शॉट मैंने रखा था कल तो मेरा जैसे सजेशन भी था उसके बाद कि आप लोग उसके बाद एवरेज के सारे PYQs मैंने करा रखे हैं ठीक है एवरेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने आप सबको करा रखे हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर तो वो आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा लिंक अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा लिंक ठीक है चलो शुरू करें बिल्कुल सौम्या कर सकते हो आप ठीक है चलो अब जरा बात को समझते हैं सबसे पहले तो पॉइंट ही आता है चलो अभी शुरू करें ना पढ़ना गुड आफ्टरनून शान चलो देखो अब मेरी बात को सुनना देखो सबसे पहले पॉइंट क्या है ये सुननाक्टी का मतलब क्या होता है ठीक है इन मींस व्हाट पहले तो ये समझना हमें कि इक्वालिटी का बेसिकली मतलब क्या है देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो आप यहां पर खड़े हो ठीक है आप यहां पर खड़े हो राइट और ये एक यूपी है मान लो उत्तर प्रदेश यूपी तो यहां पर आपको जाना है ओके okay. अब पॉइंट यह है कि यार अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो पांच यूनिट है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज यूनिट है तो अगर मैं कहता हूं कि आपको यूपी जाना है राइट right, और आप यहां पे खड़े हो और जो डिस्टेंस है तो अगर आप डिस्टेंस चलोगे पांच यूनिट अगर आप डिस्टेंस पांच यूनिट चलते हो तो फिर आप यूपी में एंटर हो चुके हो अगर आप डिस्टेंस चलते हो कितना दैट इज फाइव यूनिट तो आप कहीं ना कहीं यूपी में एंटर हो चुके हो बट डिस्टेंस चलोगे छह यूनिट तो भी आप यूपी में हो अगर आप डिस्टेंस चलोगे डिस्टेंसोगे तो भी आप यूपी में हो अगर आप लीनियर तो के के मूव कर रहे हो तो अगर आपका जो डिस्टेंस है वो फाइव के इक्वल या उससे बड़ा है एंड टेन के इक्वल या उससे छोटा है तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दौरान आप कहा यूपी में हो तो कहने का मतलब यह होता है कि कुछ इक्वेशन होती है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है कुछ कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जैसे कि डी इक्वल टू फाइव तो डी इक्वल टू फाइव मतलब पांच यूनिट चलना है पांच यूनिट का डिस्टेंस चलना और फिर आपको जहां पहुंचना है पहुंच गए लेकिन अब मुद्दा यह है कि अगर आपको यूपी जाना है तो यूपी जाने का मतलब है कि आप अगर पांच यूनिट चलोगे तो भी आप यूपी में आ चुके हो छह चलोगे तो भी यूपी में आ चुके हो मतलब अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है अगर तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो वहां पर एक एग्जैक्ट रिजल्ट आता है दैट इज राइट जैसे कि यूपी का एंट्रेंस गेट तो डी इक्वल टू पांच लेकिन अगर यूपी जाना है मुझे अब यूपी में कहा जाना इतना बड़ा यूपी है राइट टोटल पांच डिस्टेंस तक का है तो अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ग्रेटर देन फाइव से लेकर के लेस देन टेन तक तो ये क्या है दिस इज इक्वेशन ऊपर जो मैंने लिखा 5, ये है डी इक्वल टू फाइव यह इक्वेशन है और जहां मैंने लिखा है डी ग्रेटर देन देन एंड लेस तो दिस इज इन इक्वालिटी क्या ये बात समझ आई है आप सभी बच्चों को एक बार चैट के थ्रू बताएंगे हाँ जी एक बार चैट के थ्रू बताना पॉइंट क्लियर है कि पहले तो का मतलब क्या होता है ठीक है ये बेसिक सा मीनिंग इन इक्वालिटी का सर ऐसा भी कोई फीचर होना चाहिए कि लाइव क्लास को 1.5x पे देख लें ठीक है तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा ठीक है तो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं तो वो वन पॉइंट फाइव एक्स पर चलेगा ठीक है जी आगे बढ़ते हैं अब मेरी बात को सुनना देखो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे बात नहीं करेंगे बट हां समझ लेते हैं कि इन इक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है मेरी छोटी दो चार छोटी मोटी बातें उनको आप पहले फटाफट से सुन लेना अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है दैट इज एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक मैंने इनइक्वालिटी लिखी है तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो तो सिंपल है कि सर जैसे ये 7 है, जैसे मेन क्या है ध्यान देना, एक्स आपका x आपका वेरिएबल है, x क्या है आपका यहां पर वेरिएबल क्या है? दैट इज एक्स है तो आप इसको सिंपल ऐसे ध्यान जैसे x है. अब जैसे x के साथ नंबर सेवन प्लस में प्लस को वहां भेजोगे इन के साइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी प्लस माइनस मतलब LHS, पे अगर आप plus, minus, करते हो इन क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं आती यानी फाइव माइनस सेवन होगा तो थ्री एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू अब x का जो कॉफिशियंट है दैट इज थ्री आप थ्री को वहां भेज दो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बाई थ्री हो जाएगी सिंपल सी कहानी है मतलब द थिंग इज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लेकिन पॉइंट ये निकल के आता है क्या कि अगर मान लो मैंने लिखा है सेवन माइनस थ्री एक्स एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव अब आप इस सेवन को वहां पे शिफ्ट करो अभी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सेवन को वहां पर शिफ्ट किया फाइव माइनस सेवन हो गया यानी माइनस थ्री एक्स ग्रेटर टू माइनस टू हो गया आप तीन को वहां शिफ्ट कर दो तो माइनस एक्स रह गया आप तीन को वहां शिफ्ट कर दोगे माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा बट अब एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर आपका जो वेरिएबल है अगर आपका वेरिएबल देखो एक्स क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव में यहां पर तो जब आप इस माइनस के साइन को शिफ्ट करोगे यानी कि जो एक्स का कॉफिशेंट होता है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में अगर आप नेगेटिव टर्म को एक्स के मल्टीपल में जो नेगेटिव है उसको शिफ्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा ये जो इन का साइन है ना ये चेंज हो जाएगा अगर आपने माइनस को यहां भेजा और ये बन जाएगा टू बाय थ्री हो जाएगा क्या ये बात क्लियर है सबको छोटा सा में, में सी अगर कोई भी ऐसा मैंने लाइक like, साइन डाल रखा है ठीक है अब यहां मैंने लिखा है थ्री एक्स प्लस फाइव और अपॉन में एक्स लिखा हुआ है मैंने थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स लिखा है एंड दैट इज इक्वल टू सेवन लिखा है अगर तो आप ये कर रहे हो कि सर देखो x को मैंने वहां भेजा तो ये थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ग्रेटर देन थ्री एक्स प्लस फाइव ग्रेटर टू सेवन एक्स हो जाएगा तो ये लिखना गलत है ये लिखना गलत है क्यों गलत है क्योंकि जब आपने x को यहां पे शिफ्ट किया जब आपने x को यहां पर शिफ्ट किया तो x जो है वो पॉजिटिव है या x नेगेटिव है इसके बारे में हमें नहीं पता x पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके बारे में आपको नहीं पता तो दैट्स वाई आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स एक, एक वेरिएबल है ना अब वेरिएबल पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो मुझे नहीं पता है तो ऐसे लिखना गलत तो हो जाएगा इस बात का ध्यान रखना क्लियर तो ऐसे में आप या तो दो केसेस बनाओ या तो आप ऐसे में क्या करो दो केसेस बनाओ दो केसेस क्या यहां पर आप बोलोगे सर मान लेते हैं फर्स्ट केस फर्स्ट केस आप बनाओ जिसमें कि आप ये कंसीडर कर लो कि सर एक्स ना पॉजिटिव है एक्स जो है वो पॉजिटिव है तो आप लिख दो थ्री एक्स प्लस फाइव एंड ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन एक्स लिख दो क्योंकि आपने बोला पॉजिटिव है तो फिर शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है साइन चेंज नहीं होगा अगर तो पॉजिटिव है तो ये सिंपल क्या बनेगा आपका दैट इज यहां पे 5 होगा इधर फोर एक्स हो जाएगा यानी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू फाइव बाई फोर हो जाएगी और सेकेंड केस बना दो क्या कि सर जो एक्स है ना वो नेगेटिव है सेकेंड अगर एक्स मेरा नेगेटिव है तो थ्री एक्स प्लस फाइव जब आपने लिखा और अगर आप कहते हो कि एक्स आपका नेगेटिव है तो अब जब आप एक्स को शिफ्ट करोगे तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा इन इक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा और आपके जो X की निकल के वो कहीं, कहीं क्या निकल के आएगी वो 5 by 4 हो जाएगी. क्या ये बात समझ आई सभी बच्चों को है क्या कि सर, कभी भी ना एक चीज ध्यान रखनी है जब आप दोनों साइड प्लस माइनस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इन इक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त यह ध्यान देना है कि यार जिस चीज को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं मतलब जो वेरिएबल वाला पार्ट है जो वेरिएबल वाला पार्ट है अगर आप उसको लेफ्ट राइट right कर रहे हो लेफ्ट राइट लेके जा रहे हो एज अ मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड तो उसका साइन मैटर करता है अगर उसका साइन पॉजिटिव होगा इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर साइन नेगेटिव होगा तो इन का साइन चेंज हो जाएगा क्या यह बात समझ आई सभी बच्चों को मैं दोबारा रिपीट करता हूं प्लस माइनस से, right के सेंस में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड के सेंस में ले जा रहे हो शिफ्ट कर रहे हो एल से आर मल्टीप्लाई या डिवाइड के सेंस में शिफ्ट कर रहे हो किसको वेरिएबल को तो वहां पर साइन मैटर करता है अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा और अगर साइन नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज होगा बस ये बात आपको ध्यान रखनी है देने? अब कुछ क्वेश्चन देखो अभी जो टाइम है ना देखो अगर तो आपने कुछ खास पढ़ा नहीं है यह बात सभी बच्चे ध्यान रखना अगर अभी आपने जैसे इनइक्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रखा

जिसे चैप्टर की जो नॉलेज है चैप्टर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो फिर इस टाइम पर वो कोई भी चैप्टर क्योंकि अब टाइम कम है तो आप बहुत ज्यादा टाइम एक ही चैप्टर को नहीं दे सकते तो उसको मेरा कहना है कि यार वन शॉट कर लो जो मैं करा रहा हूं वो वन शॉट कर लो और पी वाई कर लो इतना काफी है इतना काफी क्यों क्योंकि जब आपको इस वक्त आता ही कुछ नहीं है अगर आपको इनइालिटी में कुछ भी नहीं पता तो तो वैसे भी बहुत बेकार स्टेज में हो ना तो थोड़ी सी स्टेज इंप्रूव हो जाएगी सेकंड क्या होता है कि कुछ बच्चों के ना बेसिक्स अच्छे होते हैं कुछ बच्चों के ना क्वांट्स के फंडे थोड़े से अच्छे होते हैं तो अगर वो इस टाइम पे वन शॉट और पीवाई क्यू भी करेंगे ना तो भी वो चैप्टर की नॉलेज तो उन्हें जाएगी वो एग्जाम में डील कर लेते हैं क्लियर है बात सभी को यह पॉइंट है वन शॉट का अब एक काम करते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं शुरू करें अब मैं आपके सामने ना कुछ एक क्वेश्चन रखता हूं अब क्वेश्चन के थ्रू बातों को समझेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी ठीक है अब क्वेश्चन के थ्रू बातों को समझते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना आपके फंडे क्लियर होते रहेंगे बस थोड़ा पेशेंस रखना थोड़ा सब्र रखना आराम से हर एक बात को सुनते हुए चलना जितने क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में कराने वो सारे क्वेश्चन करने के बाद इन में कुछ नहीं बचेगा आपको सारी चीजें क्लियर होंगी ठीक है इसका ध्यान रखना तो फिलहाल में हम लोग शुरू करते हैं और आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे एक सेकंड दो मुझे बस ओके सो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई द गिवन इन इक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या है? वो देखो इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इसका बताओ आपको क्या बताना है आपको बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वालिटी एक्स की वैल्यू बताओ जो इस इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है आप सबके हिसाब से संजना आते हैं काफी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बाकी सौम्या अभी ना बस इतना सुन लो कि नेगेटिव होगा तो साइन चेंज होगा बाकी अभी जब क्वेश्चंस करोगे ना कोई बच्चा ज्यादा हैडक मतलब अरे क्या कहना चाह रहे हो सर नेगेटिव होगा साइन अभी जैसे ऐसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बस जैसे ऐसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन टू एक्स स्क्स वन ग्रेटर देन जीरो द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज पर एक्स की देखो इनइक्वालिटी जब भी लिखी होती है ना तो कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आता एक रेंज आती है आंसर की कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता एक प्रॉपर रेंज आती है की तो यहां पर द पॉइंट इज कि एक्स की किन किन वैल्यूज पर परिटी ट्रू है तो आप क्या बोलोगे बात को ध्यान से सुनना आप सभी बच्चे मुझे कहोगे कि सर देखो जब आप सॉल्यूशन पे गए आप कहोगे कि सर देखो एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव टर्म यस और नो भाई एक्स पॉजिटिव टर्म होती है जैसे कि एक्स कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लेकिन आप एक बात समझो अगर आप पांच के ऊपर स्क्वायर डालते हो पच्चीस आंसर आएगा 5 पे स्क्वायर डालोगे तो भी पच्चीस आंसर आएगा तो एक्स टर्म होती है तो एक्स पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है पॉजिटिव है ऐसे अब अगेन स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है पॉजिटिव टर्म में टू मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव रहेगा उसमें वन ऐड रखोगे पॉजिटिव रहेगा तो ये भी एक पॉजिटिव टर्म है अगर आप पॉजिटिव टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव टर्म को तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन सो आप इसमें एक्स की जगह कुछ भी रख दो ये ये जो दोवालिटी है ना ये ऑलरेडी ट्रू है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है और दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर ग्रेटर देन जीरो आना है यानी यहां पर एक्स की वैल्यू होगी ऑल रियल नंबर सारे के सारे रियल नंबर पर ये इन ट्रू है क्या ये बात समझ आई सभी को yes यहां पर सारे रियल नंबर पे इन ट्रू है सारे रियल नंबर पे चाहे आप कोई भी नेगेटिव रियल नंबर लो पॉजिटिव रियल नंबर लो सब पर यह इन ट्रू है हाँ अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये लिख देता अब आप यह सोचो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में अगर मान लो मैं ये लिख देता दैट इज दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सेवन

रियल नंबर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस इन को ट्रू प्रूफ कर दे नो सोल्यूशन ठीक है इसका आंसर क्या होगा नो सोल्यूशन यहां पर आंसर क्या था ऑल रियल नंबर यहां पर आंसर है नो no सोल्यूशन आया समझ में सभी को राइट right. आगे की कहानी सुनना और सुनो अभी तो है काफी क्वेश्चन है मजा आएगा ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं चलो ये तो सिंपल था एक क्वेश्चन और बताना फिर ना मैं आपको बताऊंगा कि इन सॉल्व कैसे की जाती है बस आप एक काम करो जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं ना उस सीक्वेंस में पढ़ते चले जाओ तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी बीच बीच में से चीजें नहीं पकड़ेंगे तो पहले मैंने आपको एक एक, एक ऐसी इनिक्वालिटी कराई जिसे आप सिर्फ देख के आंसर बता सकते हो देखो कुछ इन इक्वालिटी ऐसी आती है एग्जाम में मेरी बात को सुनना कुछ इन इक्वालिटी एग्जाम में ऐसी आती है जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती कोई भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन मतलब मैंने क्या बोला कुछ इन इन इक्वालिटी एग्जाम में ऐसी आती हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती सिर्फ आप ऑब्जर्व करके आंसर बता सकते हो ऑब्जर्व करके कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल था कि सर पहला भी पॉजिटिव है अगला भी पॉजिटिव है जब दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर ऑब्वियसली ग्रेटर देन आना है तो ऑल रियल नंबर या अगर लेस देन जीरो नो सॉल्यूशन एक क्वेश्चन मैं और देता हूं ये बताने के लिए कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के खेल होते हैं ठीक है ऑब्जर्व करने वाला खेल है जिनमें एक और क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन यही है दैट इज सॉल्व सॉल्व फोर एक्स एक्स के लिए सॉल्व करना एनी देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री और यहां पर मैंने लिखा टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सही रहेगा लिखना न, 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 न। ये काम करो ग्रेटर देन जीरो रखते हैं सिर्फ सिर्फ ग्रेटर देन रखते हैं ठीक है ये क्वेश्चन है मेरा के के मेरावालिटी मैंने लिखी है एक्स स्क्वाइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू में टू एक्स प्लस फाइव का होल देन जीरो तो आप ये बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए तो पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिनमें सौम्य so, यही सब है यही काइंड kind ऑफ of एक देखो एक होता है रेंज से ये भी मतलब होता है मतलब रेंज को ना कई बार दो जगह यूज करते हैं दो तरीके में वो दो सेंस में यूज करते हैं वो लोग <coughs> नहीं ऑल रियल नंबर आंसर नहीं है इसका ऑल रियल नंबर इसका आंसर नहीं है और देखो विद रीजन हर बात को समझना देखो इन में क्या होता है सौम्य सौ फिलहाल इतना समझो जैसे इक्वेशन में क्या होता है ना जब भी कोई इक्वेशन लिखी होती है तो इक्वेश में ना एक्स के एग्जैक्ट आंसर आते हैं जैसे एक्स की वैल्यू टू एंड थ्री आ गई है ना ऐसे होता है लेकिन जो इन होती है ना इन वहां पर ना आंसर की एक रेंज आती है एक्स की ना एक प्रॉपर रेंज आती है जैसे एक्स इज ग्रेटर देन टू एक्स की वैल्यू दो से लेकर के पांच तक होगी ऐसे करके एक प्रॉपर रेंज आती है आंसर की ठीक है चल अब मैं बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से मेरी बात को सुनना ध्यान से मेरी बात को सुनना देखो सबसे पहले मुझे एक छोटी सी बात ये बता दो आप सबसे पहले ना मुझे एक छोटी सी बात आप ये बताओ मैं गया सॉल्यूशन पे ये जो क्वाड्रेटिक है x2 3x plus 3 जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना ये जो इनइक्वालिटी मैंने लिखी है x2 3x 3 इन इक्वालिटी का क्या मिडिल टर्म स्प्लिट होगा जवाब है नहीं सर Into करने पे थ्री लाने टर्म स्प्लिट तो हो नहीं रहा नहीं हो रहा ना अच्छा एक बात बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट पता है ना इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि आपने बस वो होता है ना कि भाई रूट वगैरह निकालने की इसके रियल रूट होंगे या नहीं होंगे वगैरह वगैरह ठीक है

अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका थ्री आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब मतलब एकस नहीं क्यों एकस क्योंकि इसके एग्जिस्ट नहीं करते माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री है इसके जो रूट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे रियल रूट ठीक है

तो आंसर जो होता है आंसर आंसर कौन बताता है वाई एक्सिस जैसे एक्स एक्सिस क्या बताती है कि क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है और पूरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा पूरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा वो बताती है वाई एक्सिस अगर ये अपवर्ड पैरा बोला है तो इसके जो भी आंसर है अगर ये अपवर्ड पैरा बोला है तो इसके जो भी आंसर आएंगे उस दौरान देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ घूम रहा है जो आपका पैरा बोला है

विद रीजन क्लियर है बात विद रीजन ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि ऐसी रैंडम तीन चार नंबर रख दो और देख लो कि क्या आंसर आ रहा है नहीं विद रीजन समझ आया कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा राइट right. अच्छा इस पूरे पे तो स्क्वायर डला हुआ है ये जो 2x एक्स प्लस है इस पूरे पे डला हुआ है स्क्वायर अगर इस पूरे पे स्क्वायर डला है तो ये भी पॉजिटिव आंसर ही आएगा ये भी आंसर पॉजिटिव ही आना है राइट right. तो कहने का मतलब है जब पॉजिटिव में पॉजिटिव इंटू करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा मतलब ग्रेटर देन जीरो आएगा लेकिन 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 एक बात बताओ कोई एक्स की वैल्यू ऐसी भी तो होगी जिसपे आंसर इक्वल टू जीरो आ जाएगा जैसे कि अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री को इक्वल टू जीरो डालोगे तो यहां से तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू आएगी नहीं यहां से तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आने वाली लेकिन अगर आप 2x एक्स प्लस के होल स्क्वायर को इक्वल टू जीरो डालोगे तो यहां से आपके x की वैल्यू माइनस फाइव अपॉन टू आएगी यानी अगर आपने इसमें x की जगह माइनस फाइव अपॉन टू डाला तो आंसर जीरो आ जाएगा तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी ऑल रियल नंबर x की वैल्यू क्या होगी ऑल रियल नंबर कैपिटल R का मतलब होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऐसे ना ब्रेसिस में लिखते हैं एक चीज ध्यान रखना कभी भी कोई वैल्यू अगर आपको ऐसे दिखानी है जैसे इसका आंसर क्या है कि ऑल रियल नंबर आप कोई भी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट एक्सेप्ट तो उसको मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं कैपिटल आर मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट अगर आपको कोई नंबर हटाने हैं तो जो भी नंबर हटाने हैं उसको ब्रेसेस में लिखते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं ब्रेसेस कहते हैं आप उसे हमेशा ब्रेसेस में लिखते हो तो ब्रेसेस कितना माइनस फाइव बाई टू तो इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस फाइव बाई टू आया समझ में नहीं सॉल्व तो करना ही नहीं है सत्यम सॉल्व तो करना ही नहीं वो तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि सत्यम देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री है अब ये क्या है ये पॉजिटिव है आपने पूछा सर क्यों पॉजिटिव है अगर आप पूछना चाहते हो कि सर ये पॉजिटिव क्यों है तो वही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री है देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो कुछ भी इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है मतलब इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे है ना इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते मतलब ये एक्सिस को टच नहीं करेगा मतलब और सेकंड ये अपवर्ड पैरा बोला होगा एक तो ये अपवर्ड पैरा बोला होगा दूसरा ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो यहीं से तो आपने कंक्लूजन निकाला कि यार इसके आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो वो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कुछ बच्चे इसी चीज को थोड़ा सा डायरेक्ट सोच लेते हैं तो यहां पर पता है कि इसके ध्यान से सुन लो कोई बात नहीं अनुभव से एक्सक्र माइनस थ्री एक्स प्लस कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा क्योंकि स्क्वायर है, है? तो तो डाला ये भी पॉजिटिव आंसर देगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही आना ग्रेटर है, है तो जी सारे रियल नंबर पे बात बन जाएगी लेकिन लेकिन एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो किसी पे भी नहीं आएगा पे. पे तो प्रभित लेकिन उसकी जरूरत नहीं है प्रभित अभी मैंने अभी ना मैं वही बता रहा हूं प्रभित मैं कैटेगरी के हमेशा पढ़ा रहा होता हूं तो मैंने क्या बताया प्रभित सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जिन इन इक्वालिटी में कैलकुलेशन नहीं करनी होती सिर्फ ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना होता है ऑब्जर्व करके आंसर आ जाता है बिल्कुल मुस्कान क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो अपवर्ड पैरा बोला था तो पहले जो दो क्वेश्चन है ना आप सभी बच्चों समझो कि मैं जब भी पढ़ाता हूं सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहा होता हूं कि पहले मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए जिनमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आंसर आता है कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती ठीक है अभी मैं उन सब पे आऊंगा जो बात हो अच्छा अभी कुछ बच्चे कह भी सकते हैं यार हो सकता है अभी कुछ बच्चों के मन में सवाल आए कि सर ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें तो आपने सीधा बोला था देखो पॉजिटिव 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 है positive है और मतलब ग्रेटर देन आपने बोल दिया ऑल रियल नंबर सर यहां तो आपने चेक ही नहीं किया था यस और नो कि सर यहाँ तो आपने चेक ही नहीं किया था कि आ, कौन सी वैल्यूज पे आंसर जीरो आएगा क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू है नहीं अगर आप ये जानना चाहो कि भाई एक्स की कौन सी वैल्यूज है जिन पर आंसर जीरो आ जाएगा तो अगर आप स्क्वायर प्लस सेवन को इक्वल टू जीरो में आ नहीं सकता ऐसे की वैल्यू माइनस वन बाय टू अगेन विच इज नॉट पॉसिबल तो दैट्स वाई मैंने चेक नहीं किया था मैंने सीधा बोल दिया था ऑल रियल नंबर क्या बात समझ आ गई है सर इनइक्वालिटी समझ नहीं आता तो इसकी मुस्किल मुखुद पहले पढ़ तो लो अभी तो शुरू हुआ है समझ आ जाएगा यार इन इक्वालिटी स्किप मत करो ठीक है बिल्कुल भी स्किप मत करो ठीक है चलो अब बात कर लें कोई डाउट है किसी बच्चों के यार है तो बताना सर हाँ हो गया सर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मेंशन नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमें हाँ बिल्कुल अगर मैं यहां पे इक्वल टू डाल देता ना दीपांकर अगर मैं यहां दीपांकर इक्वल टू डाल देता ना इक्वल टू तो फिर आप सीधा बोलते ऑल रियल नंबर लेकिन मैंने इक्वल टू जीरो मेंशन नहीं किया दैट्स फाइव मुझे वो वैल्यूज हटानी होंगी जिस पर कि जीरो आंसर आ रहा है ठीक है बिल्कुल ब्रेसेज में वही आएगा जिसे आप ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो वैल्यू है उसे ब्रेसेज में डाल दो सर फोर इंटू वन इंटू थ्री कैसे किया कहा मैंने किया है? अच्छा यहां पे तो मैंने वो किया है दिया वो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करते हैं ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके आता है ना डिस्क्रिमिनेंट वहीं किया मैंने चलो अब आगे बढ़े डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो यार पैराबोला या तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा या पैराबोला बोला एक्स एक्सिस को काटते हुए निकलेगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं डन है? अब आते हैं यार next point पे आ, तो ये मैंने जैसे पहले मैंने आपको बताया था यार कुछ चीजें क्वेश्चन तो थे को observe करना था। अब आते हैं, थोड़ा सा तरीका समझते हैं कि यार किसी भी इनिक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है ठीक है अब जरा कुछ और बातें करते हैं देखो जैसे एक बच्चे ने बोला था वेवी, कर्व, वेवी कर्व बना दो, किसी ने तो बोला था जिसने भी बोला था ठीक है हाँ, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा मैं इन के वन शॉट में देखो अब आप ये समझो किसी भी इनक्वालिटी को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं ठीक है आप ऐसे समझ लो स्टेप सॉल्व एंड इन किसी भी इन को सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं ठीक है सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने क्या करना है अगर कोई इनक्वालिटी दी गई है और अगर वो सिंप्लीफाई करनी पड़ रही है पहले सिंपलीफाई करो सिंप्लीफाई करने का मतलब कि कई बार होती है क्वार कुछ इन ऐसी होती है जैसे मान लो मैंने एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू है ना प्लस में थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वन ऐसे लिख रखा है तो पहले इसको सिंपलीफाई करो है ना पहला स्टेप क्या होता है पहले तो होता है भाई पहले आप अपनी इन को सिंप्लीफाई करो राइट जब आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो ठीक है कोशिश ये करो कि सिंप्लीफाई करते वक्त ना फैक्टर फॉर्म क्रिएट करनी है आपने कैसी फॉर्म क्रिएट करनी है फैक्टर फॉर्म आपने क्रिएट करनी है फैक्टर फॉर्म फैक्टर फॉर्म कैसे जैसे ये जो क्वेश्चन दिया था देखो फैक्टर में था कि पहले एक एक्सप्रेशन था ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लाई में दूसरा एक्सप्रेशन था तो फैक्टर फॉर्म में था है ना तो सिंप्लीफाई करना है एंड देन फैक्टर फॉर्म क्रिएट करनी है उसके बाद आपने क्या करना है आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आपने क्या करने हैं आई वुड से कैलकुलेट करने क्रिटिकल पॉइंट निकालने है. और मान लो आपने एक इन को सॉल्व किया और क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट से मेरा मतलब होता है साथ साथ में बता भी देता हूं कि मान लो मैंने कोई इन दी उसको आपने सिंप्लीफाई किया और फैक्टर फॉर्म में आपने उस इन को यह बना दिया जैसे एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस टू एंड ग्रेटर देन जीरो तो क्रिटिकल पॉइंट से मेरा मतलब होता है कि जो भी फैक्टर फॉर्म में जो भी फैक्टर्स आपने लिखे हैं जैसे एक फैक्टर लिखा एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव को इक्वल टू जीरो डालोगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा पांच

एक इंटरवल है ए से बी एक इंटरवल है बी से सी एक इंटरवल है सी से इंफिनिटी तो इनके बीच के नंबर लो जैसे ए से बी के बीच का कोई नंबर ले लेना राइट और उसको इन इक्वालिटी में पुट करके देखना कि ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है और उसके बेसिस पे जज करते हैं तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं कि इस तरह से एक को सॉल्व किया जाता है मैं कुछ एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं कुछ एक आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूं जैसे पहला मैंने क्या बोला सिंप्लीफाई करो देन फैक्टर फॉर्म क्रिएट करो क्रिटिकल पॉइंट निकालो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट डालो एंड देन चेक कर लो। शुरू करें शुरू करें अब एक आधे क्वेश्चन पे आते हैं ना थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं तो फील ज्यादा आता है समझ में आता है बेसिकली ठीक है तो थोड़ा फील ले लेते हैं वो भी जरूरी है चलो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने बोला सॉल्व फोर एक्स देखो क्या लिखा है मैंने टू ब्रैकेट में x माइनस टू का क्यूब और यहां पर x प्लस थ्री का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू देने लिखा तो मैंने आप देखो तो फैक्टर फॉर्म ऑलरेडी लिख दी मतलब ये, वाला ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी मैंने डायरेक्ट क्या करा फैक्टर फॉर्म लिख दी डायरेक्ट फैक्टर फॉर्म लिख दिया मैंने ठीक है अब आपने क्या करना है सबसे पहले आप समझना जैसे मैंने पूरी फॉर्म लिखी आपके सामने तो स्टेप नंबर वन आपने पहले क्या करना है उसको समझते हैं देखो शुरू करूं मैं राइट right, देखो मैं आपको एक सीधा सा फंडा बताऊं उसमें एक ये होता है कि जो मैंने अभी राइट नाउ आपके सामने इन लिखी है है ना तो आप समझना बात को तो आप क्या करोगे यहां पर सबसे पहले आप कहोगे जब आप सॉल्यूशन पे गए आप कहोगे सर x माइनस टू को इक्वल टू जीरो डालो और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो एक तो टू आ गया एक सर आपने ना एक्स प्लस थ्री को भी इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो माइनस थ्री आ गया है ना माइनस थ्री आ गया अब आप एक काम करो सर आ, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए अब आप सर एक नंबर लाइन बनाओ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ठीक है और इस उसपे सर ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकाले कर दो जैसे एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस है एक क्रिटिकल पॉइंट टू है आपका एक माइनस और एक टू है ठीक है अब क्या करो सर आप ना कोई नंबर पिक कर लो इनके बीच का कोई नंबर ले लो जैसे माइनस थ्री से माइनस इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर ले लो से लिया. लिया? लिया. तो 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 हटाओ वेरिएबल पार्ट को पकड़ो इन दो तो वेरिएबल पार्ट को पकड़ो अगर मैंने यहां माइनस फोर डाला तो माइनस सिक्स होगा माइनस सिक्स का, का क्यूब बेसिकली नेगेटिव अगर यहाँ माइनस फोर डाल दूं तो क्योंकि स्क्वायर है ये तो आना ही पॉजिटिव है ठीक है

तो मेरा ये वाला इंटरवल भी क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है आ रहा है करेक्ट अच्छा उसके बाद आप एक और चीज बोलोगे क्या कि सर टू से इंफिनिटी उठाते हैं जगह तीन, तीन, तीन डालो तो सर आंसर ना पॉजिटिव आएगा और सर ये तो खैर रहना पॉजिटिव है इसमें तो दिक्कत ही नहीं गलत हो गया ये गलत हो गया एक और पॉइंट पे आता हूं मैं एक छोटे से पॉइंट और पे आता हूं मैं वो और सुनना लगे हाथ तो आपने यहां मुझे एक बात बोली कि सर इसका जो आंसर है ना इसका जो आंसर है वो टू से लेकर के इंफिनिटी जाएगा वो आंसर आंसर क्या होगा सर से लेकर के कहां तक जाएगा इंफिनिटी जाएगा टू से इंफिनिटी जाएगा लेकिन लेकिन सर यहां पे आंसर ना इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता यहां पर जो आंसर है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता तो क्योंकि सर आंसर इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता तो इसलिए सर आपका आंसर जो आप बोल रहे हो ना माइनस इंफिनिटी से टू एक तो माइनस इन्फिनिटी से टू में क्या करो ओपन अच्छा ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कितने बच्चों को पता है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मैं फटाफट से बताता हूं यार मैं ना फटाफट से बताता हूं देखो अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आप ये कह रहे हो कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू है एंड लेस देन इक्वल टू थ्री है तो इस पे आप लगाते हो क्लोज ब्रैकेट राइट जैसे टू से थ्री तक वैल्यू है लेकिन आप इस पर क्लोज ब्रैकेट लगाओगे और अगर मान लो टू से बड़ा है, नमबर, पर 3 के और उससे है तो आप टू पे ओपन ब्रैकेट डालोगे कि सर दो के इक्वल नहीं लेना उससे बड़ा लेना है बट हाँ तीन के इक्वल या उससे छोटा होगा तो यहां पर आ जाते हैं तो आपने बोला सर आंसर ना माइनस इंफिनिटी से टू होगा टू इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि सर अगर ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये जो सर क्रिटिकल पॉइंट है ना ये वाले अगर सर इन क्रिटिकल पॉइंट को आपने इंक्लूड कर लिया तो आंसर तो जीरो आएगा तो सर क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे तो माइनस इंफिनिटी से टू आंसर होगा एक्सेप्ट कौन सा नंबर छोड़ के एक्सेप्ट थ्री एक्सेप्ट माइनस थ्री क्योंकि माइनस थ्री पे भी इन इक्वालिटी जीरो बनेगी भाई ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं ना तो इन क्रिटिकल पॉइंट पे तो आंसर जीरो आ रहा है तो इसका ध्यान रखना तो माइनस इंफिनिटी से टू एक्सेप्ट माइनस थ्री ये बात आई समझ में अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा ना ऑब्जर्वेशन और अपने दिमाग में लेकर आओ पहले लेकिन ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को बस मुझे ये बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है फिर मैं एक पॉइंट आपको और ऑब्जर्व करवाता हूं इसमें डने सुमित वगैरह जो भी बच्चे हैं ठीक तो है सर टू भी पॉजिटिव हाँ टू तो पॉजिटिव आया हाँ तभी तो मैंने ओपन ब्रैकेट डाला है अंकित तभी तो ओपन ब्रैकेट डाला है टू पे मैंने कि टू को इंक्लूड नहीं कर रहा मैंने क्या लिखा है माइनस इंफिनिटी से टू तक आंसर होगा और ओपन ब्रैकेट डाला है मैंने मतलब मैं टू को इंक्लूड नहीं कर रहा टू को इंक्लूड नहीं कर रहा मैं तो मैंने मेरे आंसर में क्या बोल रहा हूं माइनस इंफिनिटी से टू तक लेकिन विदाउट टू इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है राइट right. लेकिन अब आप, आप कहोगे सर माइनस इंफिनिटी से टू के बीच के नंबर आप ले रहे हो पर जब आप सर बीच के नंबर ले रहे हो तो उस बीच में तो माइनस थ्री भी आ रहा है तो दैट्स मैंने माइनस थ्री को हटा दिया ब्रेसेस लगा के ठीक है डन है समझ गए नहीं 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 इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है क्योंकि इन्फिनिटी है ना इन्फिनिटी है तो ओपन ब्रैकेट ही रहेगा हमेशा आऊंगा 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 कुछ मैं उस उस भी भी जो डिनोमिनेटर होता है ना उस पे भी अब कुछ मेरी एक बात सुनो आप बच्चे आप सभी बच्चे एक बात ये बताओ मुझे ठीक है इन्फिनिटी यार कुछ नहीं इंटरवल्स चेक करने माइनस थ्री से माइनस इंफिनिटी सारा वैलिड था ना इसलिए अब आप ना मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ ध्यान से सुनना अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना एक बात मुझे ये बताओ राइट right? एक बात मुझे ये बताओ हम लोग क्या करते हैं ध्यान से मेरी बात को सुनना हम लोग क्या करते हैं हम लोग हमेशा जो inequality होती है उसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं इक्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं यानी एक ब्रैकेट होगा एक और ब्रैकेट होगा एक और, और ब्रैकेट होगा ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे है ना और हम बस यही चेक करेंगे कि भाई ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है क्या है एक बात देखो पॉजिटिव को अगर आप पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करते हो आंसर पॉजिटिव आता है अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव में मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है नेगेटिव आता है आंसर नेगेटिव आता है तो कहने का मतलब मेरा यह है कि भाई पॉजिटिव से आंसर पॉजिटिव बनता है नेगेटिव से नेगेटिव बनता है मतलब पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर अगर आप किसी में मल्टीप्लाई करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं डालता पॉजिटिव पॉजिटिव में इंटू होगा पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव को नेगेटिव से इंटू करोगे नेगेटिव आएगा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा मानते सभी बच्चे बात राइट right. तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को ये जो मैंने क्वेश्चन दिया इसी में आप एक छोटा सा पॉइंट ये भी बोल सकते हो क्या ध्यान से सुनना ध्यान से मेरी बात सुनना यहां पर मैंने क्या लिखा टू ब्रैकेट में एक्स माइनस टू का क्यू और एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर लेस देन जीरो ठीक डन अब आप ना इसको ऐसे रीड करो देखो सॉल्व नहीं करना है ऐसे सॉल्व मत करना अपने मन में इस बात को जरा ऐसे रीड करो किस तरह रीड करो कि यार टू एक्स माइनस टू का क्यूब है ना एक्स माइनस टू का क्यूब एक एक्स माइनस टू साइड करो एक्स माइनस टू का स्क्वायर और एक्स प्लस का स्क्वायर एंड लेस देन जीरो ये दोनों नंबर पॉजिटिव है ये दोनों नंबर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है राइट ये दोनों पॉजिटिव है तो ये तो इन इक्वालिटी पर कोई फर्क डालेंगे नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है इनको ले जाओ जीरो की साइड इनको जीरो की साइड ले जाओ यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना दोनों एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर अगर मैं जीरो के डिवाइड में ले जाऊं इनको तो आंसर जीरो बन जाएगा आंसर क्या बनेगा जीरो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इन इक्वालिटी पर कोई फर्क डालेंगे ही नहीं नहीं डालेंगे ना फर्क फर्क यार ये बात समझ में या उससे भी बेहतर आप ऐसे समझा करो चीज को उससे भी बेहतर आप इसको ऐसे समझो कि आपके सामने अगर कभी कोई एक्सप्रेशन इस तरह का लिखा हुआ है अगर आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह का लिखा हुआ है सबसे पहले तो इसको ना ऐसे करो कि टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर एंड जीरो आप सिंपल बताए क्या आप सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकाला करो एक्स माइनस टू का बस आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकालना है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म है ये दोनों टर्म क्या है

कि अगर मैंने टू से छोटा नंबर डाला टू से छोटा नंबर टू से माइनस इंफिनिटी से टू के बीच का नंबर लो जैसे जीरो ले लो अगर आप यहां जीरो डाल दो तो एक्स माइनस टू जीरो माइनस टू मतलब नेगिटिव, नेगिटिव मतलब जीरो से छोटा नंबर आ रहा है ये ट्रू है ये फॉल्स है क्योंकि अगर एक्स से बड़ा नंबर लोगे जैसे कि तीन तो अगर आप एक्स माइनस ये ना टू मैंने क्या बोला सिर्फ चेक किसको को करना एक्स माइनस टू को चेक करना है क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है और ये तो कॉन्स्टेंट है तो यहां पर अगर आप थ्री डालोगे थ्री माइनस टू मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो नहीं सकता लेस देन जीरो इंटरवल करेक्ट है ये गलत है तो आपका आंसर क्या हुआ आपका आंसर हुआ माइनस से टू आपका इसलिए टू आप को इंक्लूड नहीं करोगे ओपन ब्रैकेट आएगा पर, पर आप कैलकुलेशन में भले इनको मत लो जो एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर है एक्स माइनस टू का स्क्वायर है इनको में मत लो कंसीडर ही मत करो कैलकुलेशन आप सिर्फ x माइनस टू के हिसाब से करो पर क्रिटिकल पॉइंट देख लेना अगर यहां पर लेस देन जीरो है ना अगर मैंने लिखा लेस देन जीरो तो आपको बेसिकली वो पॉइंट हटाने जिस पे इन इक्वालिटी जीरो आंसर देती है तो इसलिए आप ये जरूर चेक कर लेना कि x प्लस थ्री जीरो कब बनेगा माइनस थ्री पे बनेगा तो इसमें से माइनस हटा जरूर देना समझ गए आप सभी बच्चे मैंने क्या बोला क्या ही बात आई समझ में नहीं नहीं होंगे विनीत आपने विनीत क्या ध्यान रखना है बस आपने क्या ध्यान रखना विनीत कि अगर अगर इस क्वेश्चन में लिखा है लेस देन इक्वल टू जीरो तो तो टेंशन तो ही नहीं है अगर लिखा है लेस देन इक्वल टू जीरो तो तो टेंशन ही नहीं है है ना बिल्कुल मैं बताता हूं थ्री हटाने वाली बात मैं दोबारा बताता हूं ठीक है देखो मेरी बात को सुनना पहले बताओ यहां तक समझ आ गया सभी बच्चों को यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी कि जो मैंने बोला जो मैंने यहां पर बोला कि x जो है x की वैल्यू होगी माइनस इंफिनिटी से टू लेकिन मैं टू को इंक्लूड नहीं करूंगा टू को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि टू इज अ क्रिटिकल पॉइंट टू एक क्रिटिकल पॉइंट है उस पर आंसर जीरो आएगा तो इसलिए मैं टू को इंक्लूड नहीं करूंगा नहीं करूंगा आगे सुनना फिर मैंने लगे हाथ एक बात और बोली क्या अगर तो इनइक्वालिटी में है लेस देन इक्वल टू जीरो

x माइनस टू का क्रिटिकल पॉइंट तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो टू यहां से तो आप ऑलरेडी टू निकाल चुके हो हाँ x प्लस थ्री का क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला था वो निकाल लो कि किस प्लस थ्री इक्वल टू जीरो आएगी तो उसका बस आप ध्यान रखना कि यहां पर माइनस थ्री एक नंबर हटा देना माइनस थ्री क्योंकि माइनस थ्री पे आंसर जीरो आ जाएगा बात क्लियर सभी बच्चों को 11th की बातें याद आ गई डन है? क्लियर आगे बढ़े अब देखो सेम क्या करना है अब जैसे मान लो मैंने लिख के दिया मैंने कहा x माइनस फाइव की पावर नाइन ठीक है एक्स प्लस थ्री की पावर लेट से मैंने एट दे दिया ठीक है लेट से मैंने क्या दे रखा है एट दे रखा है और यहां पर मैंने लिख दिया टू एक्स प्लस फाइव की पावर सेवनटीन लिख दिया मैंने और मैंने कहा दैट शुड बी लेस देन जीरो सॉल्व फॉर एक्स ठीक है सॉल्व फॉर एक्स तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको सिंपल क्या करना है यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन पे गए तो आप सिंपल ये रखो कि सर x माइनस फाइव की पावर नाइन है तो सर x माइनस फाइव उठाओ सिर्फ और x माइनस फाइव की पावर जो एट है उससे तो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि x माइनस फाइव की पावर एट तो पॉजिटिव आंसर देगा सर एक्स प्लस थ्री की पावर एट इससे तो आंसर ही पॉजिटिव आना है सर टू एक्स प्लस ये सेवनटीन है ना तो सिर्फ टू एक्स प्लस फाइव को पकड़ो और बाकी का जो टू एक्स प्लस फाइव है ना इस पर सिक्सटीन डाल के साइड कर दो तो मुझे सर क्रिटिकल पॉइंट किसके निकालने हैं क्योंकि सर ये पॉजिटिव है ये सब तो पॉजिटिव आंसर हैं तो इनसे तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना तो सर मैं इनके क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा ठीक है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा अगर आप x माइनस फाइव को इक्वल टू जीरो डालोगे x की वैल्यू पाँच आएगी तो यहां पर आप पांच ले लो अगर आप टू एक्स प्लस फाइव को इक्वल टू जीरो डालोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू आएगी तो यहां पर कहीं ले लो माइनस का फाइव बाई टू ले लो राइट अब आप चेक कर लो जरा और चेक किसे करोगे सिर्फ इन दो नंबर को चेक करना दैट इज एक्स माइनस फाइव चेक सिर्फ इनको करना है एक्स माइनस फाइव और टू एक्स प्लस फाइव को ये सब तो पॉजिटिव है ये तो कोई फर्क ही नहीं डालेंगे ठीक है तो इनके बीच का कोई नंबर ले लेता हूं मैं पहले तो इनके बीच का नंबर जीरो ले लो एक्स की वैल्यू जीरो ले लो फाइव नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होगा पॉजिटिव में नेगेटिव इनटू करोगे आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो ये तो करेक्ट है माइनस फाइव इससे छोटा नंबर जाना है तो कितना लू माइनस टू पॉइंट फाइव है ना माइनस थ्री ले लो माइनस थ्री ले दो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट आंसर आएगा यहाँ पर माइनस थ्री डालूंगा तो यहाँ से भी मेरा आंसर नेगेटिव ही आएगा लाइक माइनस वन ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा गलत है ये इंटरवल गलत है पांच से बड़ा नंबर ले लो जैसे कि सात ले लो अगर यहाँ सात डालोगे पॉजिटिव यहाँ सात डालोगे पॉजिटिव ये भी गलत है तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है तो आप कहोगे सर मेरा जो आंसर है आपका आंसर क्या आ रहा है आपका जो इंटरवल है वो करेक्ट है किस पे तो यहां से आपका आंसर बन रहा है ये ये आपका आंसर बन रहा है लेकिन ऑब्वियसली पांच और देखो इसपे ना ऐसे बड़ा सा ही ऐसे सर्कल डालो ये जो सर्कल होता है ना ये जो सर्कल देखो सर्कल को मैंने डार्क नहीं किया है तो अगर मैंने सर्कल को डार्क नहीं किया इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आंसर जो है माइनस फाइव बाई टू से फाइव तक होगा विद ओपन ब्रैकेट विद ओपन ब्रैकेट लेकिन लेकिन अब क्रिटिकल पॉइंट पे जाएंगे तो यहां पर एक अलग सा फैक्टर आपको एक्स प्लस थ्री दिख रहा था तो एक्स प्लस थ्री का क्रिटिकल एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री का क्रिटिकल पॉइंट आएगा माइनस थ्री लेकिन एक बात देखो माइनस थ्री तो यहां पे कहीं होगा ना वो तो वैसे भी काउंट नहीं हो रहा है वो तो वैसे भी आंसर में काउंट नहीं हो रहा आपके एक्स की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू से फाइव तक है तो यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था एक्स प्लस थ्री को अगर इक्वल टू जीरो डालोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आएगी तो माइनस थ्री तो वैसे भी इस इंटरवल के बीच में नहीं है तो टेंशन ही नहीं है यही आंसर है कराऊंगा जुबराज वो सब मैं कराऊंगा ठीक है सर चलो जरा कंफ्यूजन देख लेते हैं कुछ आप क्या करो सर बट कन्फ्यूजन ये है कि टू एक्स प्लस फाइव भी जीरो के डिनोमिनेटर में जाएगा तो जीरो आएगा फिर वी नीड टू डू वर्क ओनली ऑन वन इक्वेशन अच्छा आप इन सबको हाँ भेज दो जीरो के एक भेजना है तो राइट right. लेकिन ये नहीं यार वैसे पता है क्या जीरो के ऐसे जैसे ये नंबर है ना ये जैसे वेरिएबल वाला पार्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसका ऑलरेडी एक एक्स माइनस फाइव ले लिया है जैसे था ना एक्स माइनस फाइव की पावर नाइन है अब आप ऑलरेडी एक्स माइनस एक फाइव एक ले चुके हो ना तो बाकी का जो एक्स माइनस फाइव की पावर एट है वैसे तो उसे जीरो जाओ ऐसे वेरिएबल को खत्म नहीं करते हैं ठीक है बट स्टिल क्योंकि इसमें से X -5 वाला पार्ट आ चुका है कैलकुलेशन के हिस्से में तो ये पॉजिटिव है देखो इन, इधर ना कंक्लूजन सिर्फ ये है कंक्लूजन सिर्फ ये है हमारा कि ना एक चीज को समझना मैं कनेक्ट करना थोड़ा समझने की कोशिश करना जैसे यहां पर गया कि एक्स माइनस फाइव की पावर नाइन है तो इसमें से एक एक्स माइनस फाइव आपने रखा और बाकी एक्स माइनस फाइव की पावर जो एट है अगर आप देखो क्वेश्चन में इसका कोई रोल ही नहीं था ये जो चीज है ना इसका कोई रोल नहीं हुआ पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसे 2x plus 5 की पावर 17 है एक 2x एक्स प्लस थ्री की पावर 8 का रोल है x प्लस थ्री की पावर 8 का रोल इस क्वेश्चन में है क्यों क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो इसको उधर मत भेज देना इन दोनों को अगर आप भेजना चाहते हो जीरो के पॉइंट में भेज दो इनको भेज दो ये सब पॉजिटिव टर्म है तो किन को भेज सकते हो अगर आपको इन दोनों को भेजना है तो इनको आप भेज दो क्योंकि इनका होना ना होना बराबर है राइट नाउ इक्वेशन में तो इन दोनों को अगर आप जीरो के अपॉन में भेजना चाहते हो भेज दो लेकिन ऐसे हिस्से ऐसी वैल्यूज जो अभी आंसर डिसाइड करवाएंगी क्या आएगा मतलब वो वेरिएबल जिनके बेसिस पे आंसर कैलकुलेट होने वाला है उनको आप जीरो के अपॉन में नहीं भेज सकते ठीक है कुछ है बात क्लियर हाँ जी ये समझ आ गया आगे बढ़े चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन समझते हैं तो यहां ये पार्ट समझ आ गया ना जो मैं कैलकुलेशन का पार्ट कह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान रखना चलो एक क्वेश्चन और आते हैं ठीक है अब एक आते हैं डिनोमिनेटर पे पकड़ते हैं जरा बात को उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं ऐसी देखो होता क्या है कि कभी भी ना लॉजिकली क्या होता है वो सुनना एक कहता है ना कि देखो हर चीज का ना एक थोड़े लॉजिक होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे सॉल्व किया जाएगा अब जैसे ना मान लो फॉर एक्साम्पल मैंने आपके सामने लिखा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूं जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा है थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सपोज मैंने ऐसे लिख दिया अब मैंने कहा सॉल्व फॉर एक्स ठीक है सॉल्व वो तो यार मॉड्यूल्स तो मैं शाम को कराऊंगा तब तो मॉड्यूलस वाले कराऊंगा मैं सॉल्व फॉर एक्स ठीक है प्रभित माइनस थ्री को एक्सेप्ट नहीं नहीं इसलिए नहीं करेंगे प्रभित जो इसका आंसर निकल के आया ना अच्छा एक बात और बता दो ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर है ना कि ये जो नंबर लाइन पे ऐसे लिखा जाता है जैसे कि मान लो एक्स इज ग्रेटर देन फाइव एंड लेस देन मान लो एट है तो इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एक्स जो है एक्स की वैल्यू पांच के इक्वल और उससे बड़ी है और आठ के इक्वल नहीं है बट छोटी लिखा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जब नंबर लाइन पे दिखाना होता है तो हम लोग तो लो क्या करते हैं कि ये जो दिख रहा है फाइव और एट तो फाइव पे एक सर्कल डालते हैं एट पर एक सर्कल डालते हैं क्योंकि हम फाइव को इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए सर्कल को हम डार्क कर देते हैं क्योंकि पांच हम इंक्लूड कर रहे हैं आठ हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं दैट्स हम 8 पे 8 पे एट जो सर्कल बनाया छोटा सा उसको मैं डार्क नहीं करूंगा और बाकी पूरी नंबर को लाइन को मैं डार्क कर दूंगा क्या ये बात क्लियर है सभी को यह बात पता है ना सबको कि नंबर लाइन पे भी हम लोग जब प्रेजेंट करते हैं तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उन पे दो छोटे छोटे सर्कल बनाते हैं ठीक है दो छोटे छोटे से सर्कल बनाते हैं पांच को क्योंकि आपको इंक्लूड करना है दैट्स वाले सर्कल को आप डार्क करते हो आठ को इंक्लूड नहीं कर करना तो आठ वाले सर्कल को आप डार्क नहीं करते हो तो इसलिए जब मैंने यहां पर भी देखो जब मैंने नंबर लाइन बनाई तो मैंने फाइव और माइनस फाइव बाय टू पे दो सर्कल डाले पर उनको डार्क नहीं किया क्यों नहीं डार्क किया क्योंकि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे दैट्स वाइब पांच और माइनस फाइव बाय टू पे जो सर्कल है उनको मैंने डार्क नहीं किया है ठीक है और दूसरा पॉइंट है कि भाई तो तो इंटरवल में, तो में है ही नहीं माइनस फाइव बाई टू से फाइव तो माइनस थ्री तो इंटरवल में है ही नहीं दैट मैंने माइनस थ्री नहीं लिखा ठीक है जिस भी बच्चे ने पूछा था प्रभित प्रभित समझ आ गया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ तो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था देखो अब यहां इस क्वेश्चन में क्या है देखो लॉजिक तो यही है सॉल्व करने का लॉजिक सुन लेना लॉजिक ये है सॉल्व करने का ऐसे क्वेश्चंस को कि देखो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू है तो एक्स प्लस टू को आप ऐसे नहीं लिख सकते मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते थ्री एक्स प्लस फाइव एंड जीरो के साथ आपने एक्स प्लस टू को इंटू करके ऐसे जीरो बोल दिया है ना कि आपने इसको जीरो बोला गलत है क्योंकि एक्स प्लस टू पॉजिटिव है या नेगेटिव है यह मुझे नहीं पता एक्स प्लस टू मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मुझे नहीं पता तो ऐसे लिखना तो गलत हो जाएगा ठीक है तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं हम लोग ऐसे में एक्स प्लस टू को ना ये जो एक्स प्लस टू है इसको पॉजिटिव बनाते हैं कैसे बनाते हैं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे ना एक्स प्लस टू से इंटू कर देते हैं एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं तो अब इससे क्या होता है कि ये हो गया एक्स प्लस टू ये हो गया थ्री एक्स प्लस फाइव और अब नीचे क्या आ गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आ गया एंड ग्रेटर देन जीरो

तो कभी भी ऐसी कोई इन बच्चे को दिखती है ना तो हमेशा क्या करता है जो डिनोमिनेटर टर्म है ना उन्हें ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर देता है और ऐसे लिख देता है है उसके उसके बाद बाद तो आपको आपको पता ही क्या करना क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें को इक्वल टू जीरो डालोगे एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस आएगा थ्री एक्स को इक्वल टू जीरो डालोगे तो माइनस फाइव अपॉन थ्री माइनस फाइव अपॉन थ्री थोड़ा आगे आएगा यहां पर आएगा माइनस फाइव अपॉन थ्री फिर आप कुछ निकाल लो पॉइंट पॉइंट जो भी निकाल लें डन है फिर आप ऐसे क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू चेक कर लेते हो चेक कर लेंगे एक बार माइनस टू से छोटा नंबर जैसे एक्स की वैल्यू जीरो ले लो अगर मैं जीरो डालूंगा पाँच आएगा दो आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव सही है माइनस टू और माइनस फाइव बाई थ्री के बीच का नंबर माइनस फाइव बाई थ्री कितना हो जाता है ये मेरा वन पॉइंट सिक्स ना वन पॉइंट एट लेते हैं माइनस का वन पॉइंट एट लेते हैं अगर मैं माइनस वन पॉइंट एट लूंगा तो माइनस का फाइव पॉइंट फोर नेगेटिव आंसर आएगा यहाँ से आंसर पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव तो ये इंटरवल गलत है माइनस फाइव बाय थ्री से बड़ा अच्छा मैंने जीरो गलत लिया ना यहाँ मैंने जीरो गलत लिया माइनस टू से पीछे की तरफ तो जीरो कैसे आएगा नेगेटिव आना चाहिए कुछ माइनस चार ले लेता हूँ माइनस चार पर दोनों नेगेटिव हाँ इंटरवल तो करेक्ट है ऐसे ही ये वाला इंटरवल भी करेक्ट है तो आपका आंसर क्या होगा अप टू इंफिनिटी अप टू इन्फिनिटी आपका आंसर होगा कि सर देखो टू पे सर्कल डालो टू पे सर्कल डालो माइनस फाइव बाय थ्री पे सर्कल डालो क्या मैं इन सर्कल को डार्क करूंगा क्या मैं इन सर्कल को डार्क करूंगा आप कहोगे हाँ सर क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आप इन सर्कल को सर डार्क भी कर दो राइट right? डार्क कर दो और फिर कह दो कि देखो ये सारा का सारा आंसर ट्रू है ऐसे सर फाइव बाय थ्री को भी डार्क कर दो और ये सारा आंसर ट्रू है तो सर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी दैट इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू विथ क्लोज ब्रैकेट यूनियन माइनस फाइव बाय थ्री से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट यह आंसर होगा अच्छा इसे हम लोग यूनियन कहते हैं ये जो सिंबल मैंने लिखा ना इसको हम लोग कहते हैं यूनियन ठीक है ये भी ध्यान रखना यूनियन का मतलब होता है और ठीक है ये जो सिंबल है ना ये वाला सिंबल ये है यूनियन ठीक है यूनियन का मतलब होता है और मतलब ये या फिर ये समझ गए बात सभी बच्चे तो इस क्वेश्चन के थ्रू बस मैं एक आइडिया देना चाह रहा था आपको एक बेसिक सी बात का चलो अब आगे बढ़ते हैं सर बट माइनस टू डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा हम्म अच्छा पॉइंट है तुषार गुड तुषार अच्छा uh, पॉइंट है हाँ तो सही तो है वन पर हो रहा है तो वन इसी इंटरवल में आ जाएगा ना सर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है ना ऑल्टरनेट प्लस साइन नहीं इसमें क्या होता है ना विवेक आ, विवेक इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखो क्या मैं आपको बता देता हूं जैसे ये वाला देखो कि ये जो मैंने चेक किया था ये वाला अब चलो इसमें तो मैंने एक लॉजिक ये बता दिया था कि यार आपको सिर्फ एक्स माइनस टू देखना है लेकिन अगर आप देखो यहां पे ये वाला इंटरवल करेक्ट था ये वाला दो लगातार इंटरवल करेक्ट था ये वाला इंटरवल गलत हो गया था तो कई बार ये भी हो सकता है कि मान लो आपका दिमाग नहीं चला इस चीज पे कि यार यहाँ पर क्यूब है यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली टर्म तो पॉजिटिव होती है मुझे सिर्फ एक्स माइनस टू चेक करना है अगर आपका ये दिमाग नहीं चला और आप इंडिविजुअल इंटरवल निकाल के शुरू हो गए है ना इंडिविजुअल इंटरवल तो कभी इस पर मत जाना कि एक सही एक गलत एक सही एक गलत कई बार ऐसे दो लगातार वाले भी सही हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़े हाँ जी आगे बढ़े चलो एक क्वेश्चन आप देखना यार एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन मेरा ये है लास्ट तो यार था question, वो तो एक एग्जाम्पल देने के लिए था क्वेश्चन ये है मेन क्वेश्चन ट्राई करना फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री लेस देन माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन ठीक है सॉल्व फोर एक्स एक्स की वैल्यू पे आपको इसको सॉल्व करना है ठीक है ये मैंने एक इनक्वालिटी लिखी है आपको एक्स की वैल्यू पे इसे सॉल्व करना है आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए हम्म बढ़िया है क्वेश्चन एक बार ट्राई करना ये एक मैंने लिखी है फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू नहीं है लेस देन माइनस थ्री अपॉन माइनस टू एक्सक्लूड होगा तुषार उसमें माइनस टू एक्सक्लूड कर दोगे आप क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है ना ठीक है नहीं नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया था वो टू एक्सक्लूड होगा इसका आंसर बताओ फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री और चलो आगे आंसर आ गया जुबराज आपका कहना माइनस इंफिनिटी से वन बाय टू ऑटोनेशन माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री और माइनस वन बाय टू से वन चलो देखें यहां पर जब आप गए सॉल्यूशन पे तो जब आप गए सोल्यूशन पे आपका कहना ये होगा कि सर देखो यहां पर फाइव अपॉन में एक्स प्लस थ्री है इसको उठा के यहां ले आते हैं सर तो ये हो जाएगा प्लस थ्री अपॉन में एक्स माइनस वन एंड उल्टा लिख दिया मैंने जीरो ठीक है सिंप्लीफाई अगर मैं करूं इसे तो ये कितना हो जाएगा मेरा दैट इज फाइव एक्स माइनस फाइव और ये थ्री एक्स प्लस थ्री थ्री नाइन तो फाइव और थ्री ये माइनस थ्री है ना कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने नहीं सही लिखा है ठीक है तो कितना हो गया मेरा दैट इज पाँच और तीन आठ हो गया और ये चार हो गया एट एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा एट एक्स प्लस फोर हो जाएगा फोर कॉमन निकाल लेता हूँ टू एक्स प्लस वन रहेगा ठीक है तो ऐसे जब मैं लेफ्ट राइट -right करूंगा तो ये हो जाएगा फोर इन टू में टू एक्स प्लस वन अपॉन में क्या आएगा एक्स प्लस थ्री और यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वन एंड लेस देन जीरो तो ऐसे में मैंने क्या बताया था अभी आप सबको जस्ट बताया मैंने कि कभी भी ऐसा डिनोमिनेटर आता है तो ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस थ्री एक्स माइनस वन और यहाँ पर भी x प्लस थ्री और x माइनस वन ठीक है अब ये क्या बन गया फोर के साथ टू एक्स प्लस वन हो गया और x माइनस वन हो गया और x प्लस थ्री हो गया लेस देन जीरो क्यों क्योंकि ये जो x प्लस देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा गया एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर x माइनस वन का स्क्वायर स्क्वायर है दोनों पॉजिटिव हैं जीरो के इक्वल ले जाके जीरो कर दो अब एक नंबर लाइन बना लो अब आप एक काम करो यहाँ पर बनाओ एक नंबर लाइन और नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट लो टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन को अगर आप इक्वल टू जीरो माइनस वन बाय टू और मेरा ये माइनस इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी है एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया माइनस का थ्री एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरा माइनस वन बाय टू और एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरा दैट इज वन ठीक है अब वन बाय वन चेक कर लेते हैं फटाफट से खत्म करते हैं माइनस इन्फिनिटी से अगर मैं बात करूं हाँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री से माइनस इन्फिनिटी कोई भी नंबर माइनस पांच ले लेता हूं अगर मैं माइनस पांच डालूंगा मेरा आंसर नेगेटिव आएगा यहां माइनस पांच नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा ओवरऑल आंसर नेगेटिव आना है ठीक है जो कि करेक्ट है क्योंकि आंसर लेस देन जीरो आना चाहिए था नेगेटिव ही आएगा माइनस थ्री से माइनस वन बाय टू के बीच का नंबर लेता हूं जैसे माइनस टू ले लेता हूं

ये सर्कल्स को डार्क मत करना डार्क इसलिए मत करना क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं है तो एक तो आपका ये वाला इंटरवल करेक्ट है एक तो आपका ये वाला इंटरवल करेक्ट है एक आपका ये वाला इंटरवल करेक्ट है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी दैट इज माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री और फिर यूनियन कहां से कहां तक माइनस वन बाई टू से वन तक लेकिन पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे क्या ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को एक बार चैट के थ्रू बताना समझ आ गया रमीज तुषार जो भी बच्चे हैं नहीं विदुर विदुर क्योंकि आ, मैंने बताया था ना आप इसे इक्वल टू जीरो क्योंकि साइन डिसाइडिंग नहीं है ना पॉजिटिव या नेगेटिव तो दैट्स से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिसाइड हो गया कि स्क्वायर होंगे तो आप डायरेक्ट आंसर कर देते हो ठीक है चलो आगे बढ़े फिर एक क्वेश्चन आप लोग करना ट्राई एक और क्वेश्चन है वही है सेम की सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर एक्स इक्वेशन क्या देखो एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस लेस देन इक्वल टू जीरो ठीक है आपको एक्स की वैल्यू पे इसका आंसर बताना क्या आएगा इसको ट्राई करो एक अरे दिया सिंपल है ऐसा नहीं है देखो दिया सीधी सी बात सी, आप हर जगह देखो ना दिया क्या कर रहे हैं बस फैक्टर फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं मैं ठीक है सिंपल सा है कोई बात नहीं दिया यहां से सुन लो एक क्वेश्चन अब ये कराऊंगा ना ध्यान से सुनना बात को ए बना दिया आराम से लेके बैठना दोबारा से देखना हर एक चीज को ठीक है समझ आ जाएगा बड़ी बात नहीं होती इतना बस एक ही बात ध्यान रखो दिया कि कभी भी ना चलो जब तक बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि बस एक बात आप ध्यान रखें कि कभी भी जब आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो जैसे कि यू नो ऊपर अगर लिखा थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स है बस ये ध्यान रखो कि कभी भी जो वेरिएबल होता है ना अगर किसी भी वेरिएबल को आपने जैसे साइड चेंज किया यू नो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में ले गए ठीक है है जैसे लेस देन लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी वेरिएबल वाला पार्ट है उसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जा रहे हो लेकिन एज अ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मतलब क्या मेरा कहने का मतलब मेरा ये है दिव्या कहने का दिया कि जैसे ये लिखा है अब जैसे मान लो मैं थ्री एक्स को यहाँ ले जाता हूँ तो थ्री एक्स को मैं यहाँ ले गया तो प्लस माइनस के सेंस में ले जा रहा हूँ ना कि देखो यहाँ पॉजिटिव है वहां नेगेटिव हो गया है ना प्लस माइनस के सेंस में ले जा रहा हूँ लेकिन अब मान लो कहीं पर लिखा हुआ है जैसे यू मल्टीप्लाई नो एक्स को लाके तो यहाँ डिवाइड कर, you know, ला कर दिया तो कभी भी अगर आप एक वेरिएबल वाले पार्ट को साइड चेंज करते हो यू नो लेफ्ट से राइट हैंड साइड पर ले जा हो एज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो इन दैट केस इन का साइन चेंज हो जाता है अगर तो पॉजिटिव वेरिएबल को आप शिफ्ट कर रहे हो से RHS में ले जा रहे हो पॉजिटिव वेरिएबल को ठीक है पॉजिटिव वेरिएबल को तो इन का साइन चेंज नहीं होगा लेकिन नेगेटिव वेरिएबल को ले जा रहे हो तो साइन चेंज होगा राइट तो बस इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है अब ध्यान से सुनो दिया बहुत ईजी होता है ठीक है फोकस करो बस अब जैसे ये क्वेश्चन है चलो आगे सबका आंसर अब मैं सॉल्व करवाता हूं आप सब छोड़ो अब जैसे क्वेश्चन आपने दिया देखा आप ये समझ गए कि चलो इतना तो आपको क्लिक हो जाएगा कि सर ऊपर नीचे इक्वेशन को करना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है 9 का ना? और ये X2 5 का मतलब ये बेसिकली क्या बन गया आपका एक्स माइनस नाइन और ये हो गया एक्स प्लस और अपॉन में क्या आ गया आपका एक्स माइनस फाइव और ये हो गया एक्स प्लस फाइव

जैसे यहां पर मैंने लिखा ना एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस में x -5, x -5. आपको तो अभी जो एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फाइव है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं पता आपको मतलब एक्स स्क्साइव एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फाइव से आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा इसके बारे में आपको नहीं पता जैसे एक बात आप सभी बच्चे सुनना एक बात आप सभी बच्चे सुनना है यहां पर इनफैक्ट एक काम करो इसको ऐसे करो एक और एक और चीज सुनो एक अच्छा सा पॉइंट आया बोलते बोलते ध्यान में देखो यहां पर अगर आप एक चीज देखो एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस है ना आप बच्चे मुझे बताओ क्या आप ये बता सकते हो एक्स स्क् माइनस ट्वेंटी फाइव की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कुछ भी हो सकती है कि सर नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या हमेशा नेगेटिव आएगा या सर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है आप बताना कैन नॉट से सर कुछ नहीं कह सकते पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है सर तो जब ऐसा लगता है कुछ भी आ सकता है तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैं सर इसको ले जाके मान लो आपने इसको वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया मान लेते कर दिया आपने मल्टीप्लाई और ये x, minus, x 25, 0 से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन गया पर अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि लेस देन इक्वल टू जीरो या एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा मतलब कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा क्योंकि अगर तो ये पॉजिटिव होता अगर तो ये पॉजिटिव होता तो साइन चेंज नहीं होता पर अगर ये नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा तो ये कैसे डिसाइड करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अच्छा एक और बात मुझे ये बता दो एक छोटी सी बात ये बताना लेकिन अगर एक बात बताऊं अगर यहां मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस तो अब

लेस देन इक्वल टू जीरो अगर एक्स प्लस पच्चीस होता तो फिर आप उसको जीरो के इक्वल ले जाके जीरो कर दो और सीधा बोलो कि सर ये inequality ये है X square minus less than equal to zero है स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समझ गए सभी बच्चे पर हां अगर ये पता होता तो इन दैट केस आप ऐसा करते लेकिन अभी तो नहीं पता ठीक है तो अब क्या करेंगे यहां पर दिया समझना तो अब आप यहां पर आगे कि सर बात तो सही है पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं पता तो एक काम करो दिया इसमें ना ऊपर नीचे एक्स स्क् माइनस पच्चीस से मल्टीप्लाई कर दो मतलब जो डिनोमिनेटर है ना उसको पॉजिटिव बना दो तो ऊपर क्या बचा एक्स स्क् माइनस पच्चीस नीचे क्या एक्स स्क्स एट्टी एक वन और यहाँ क्या एक्स स्क्तर माइनस पच्चीस और पूरे का होल स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस पूरे पे होल स्क्वायर अब आप ये क्या हो गई रिया कि सॉरी दिया एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस का जो स्क्वायर है एक पॉजिटिव नंबर है ये क्या है एक पॉजिटिव नंबर है अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसको आप जीरो के इक्वल ले जाके जीरो कर सकते हो और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देना तो एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस पच्चीस पाँच का स्क्वायर होता है तो दिस विल बी एक्स माइनस पाँच एक्स प्लस पाँच एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी वन एट्टी वन नाइन का स्क्वायर होता है एक्स माइनस नाइन और एक्स प्लस नाइन ठीक है एंड लेस देन इक्वल टू जीरो अब आपने क्या करा अब आपने एक नंबर लाइन बनाई उस नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और कुछ पॉइंट ले लिए ठीक है यहां तक क्लियर हो गया अभी हाँ जी सभी को सत्यम सुमित वगैरह जो भी बच्चे हैं रिया दिया सबको समझ आया यहां तक अब समझ आया थोड़ा ठीक है तो ये करना होता है तो मैंने देखो आ, दिया स्टार्टिंग में क्या बोला था जब मैं कह रहा था इनक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले इन को सिंप्लीफाई करना होता है और फैक्टर फॉर्म बनानी होती है सबसे पहले सिंप्लीफाई करो फिर फैक्टर फॉर्म बनाओ फैक्टर फॉर्म बना दिया आपने आपने सिंप्लीफाई करके क्या करा फैक्टर फॉर्म बना दी तो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन आपने क्या किया है? स्टेप नंबर वन आपने सिंप्लीफाई किया यहां पर आपने क्या किया दो स्टेप के अंदर आपने सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन को simplify किया स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप फैक्टर फॉर्म तो ये आपने बना दी फैक्टर फॉर्म ठीक है फैक्टर फॉर्म मतलब ऐसे मल्टीप्लाई में होना चाहिए सब कुछ ठीक है एक्स माइनस फिर क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है जो भी फैक्टर्स है ना उनको इक्वल टू जीरो डालो जैसे एक्स माइनस पांच को इक्वल टू जीरो डालो एक्स की वैल्यू पांच आ गई एक्स प्लस पांच को इक्वल टू जीरो डालो एक्स की वैल्यू क्या 5 आ गई माइनस पांच आ गई x माइनस नाइन को इक्वल टू जीरो डालो x की वैल्यू क्या आ गई नाइन आ गई x प्लस नाइन को इक्वल टू जीरो डालो x की वैल्यू क्या आगे माइने तो ऐसे करके क्रिटिकल पॉइंट ऑब्वियसली मन में निकालने अब आपने मन में सोच लिया सारे क्रिटिकल पॉइंट सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट माइनस नाइन है तो यहाँ पर माइनस नाइन ले लिया फिर आपने क्या करा माइनस फाइव ले लिया फिर आपने क्या करा पांच लिया और फिर आपने क्या करा नौ ले लिया अब करना क्या होता है ये समझना एक इंटरवल है आपका माइनस नाइन से माइनस इन्फिनिटी

अगर यहां पर आपने माइनस टेन लिखा माइनस टेन प्लस फाइव यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा माइनस टेन माइनस नेगेटिव आएगा यहां से भी आंसर नेगेटिव नेगेटिव आएगा अगर आप चार नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा पर क्या आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए नहीं सर आंसर होना चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो तो ये इंटरवल गलत है आपका फिर ऐसे आप माइनस पांच से माइनस छह दस के बीच का कोई नंबर ले लो जैसे कि आपने माइनस सिक्स ले लिया अगर आप यहाँ माइनस सिक्स लोगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा जैसे एक्स की जगह माइनस सिक्स लिखा नेगेटिव यहाँ माइनस सिक्स लिखा नेगेटिव यहाँ पर माइनस सिक्स लिखा क्या आएगा नेगेटिव यहां पर माइनस सिक्स लिखा क्या आएगा पॉजिटिव तो ओवरऑल आंसर आएगा क्या आपका नेगेटिव आंसर आएगा मतलब ये इंटरवल करेक्ट है फिर ऐसे माइनस से 5 के बीच में एक्स की जगह जीरो ले लिया जीरो लोगे जीरो माइनस फाइव नेगेटिव जीरो प्लस फाइव पॉजिटिव जीरो माइनस नाइन नेगेटिव जीरो प्लस नाइन पॉजिटिव ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ रहा है इंटरवल गलत है क्योंकि इंटरवल लेस देन जीरो होना चाहिए फिर ऐसे पांच से नौ के बीच का नंबर ले लो जैसे कि छह ले लिया ऐसे वन बाय वन चेक करना है ये होगा, ये गलत होगा। तो ये करेक्ट है ये इंटरवल करेक्ट है ये, ये इंटरवल करेक्ट है और माइनस नाइन और माइनस पांच इंक्लूड होंगे मतलब क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि आंसर लेस देन इक्वल टू जीरो माइनस पांच विद क्लोज ब्रैकेट यूनियन पांच से लेकर के नौ विद क्लोज ब्रैकेट अभी समझ आ गया सभी बच्चों को कर लो तुषार कर सकते हो बस मैं ये कह रहा हूं तुषार कि कई बार क्या होता है ना सिली मिस्टेक ना हो जाए बस मैं ये नहीं चाहता ठीक है बस मैं चाहता हूं सिली मिस्टेक ना हो जाए ठीक है ये वाला पॉइंट है बस हाँ पांच इंक्लूड नहीं होगा ओपन ब्रैकेट आएगा पांच पे क्या कर रहा हूं मैं इंक्लूड नहीं होगा यार ये ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट आएगा पांच में क्योंकि डिनोमिनेटर में था ना समझ गए सभी बच्चे ठीक है हाँ यहां दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आएगा चलो आगे बढ़े क्योंकि ये डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा ना यहां में है ना ये एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस में था एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस जो है वो डिनोमिनेटर में था तो इसलिए जो इसके क्रिटिकल पॉइंट आए ना एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस के जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे दैट इज पांच और माइनस पांच उसको इंक्लूड मत करना ठीक है नहीं माइनस नाइन के पहले क्लोज मतलब मैं बता देता हूँ हटाओ इसको देखो कहने का मतलब ये है जो आपके आंसर्स आएंगे ना जो आपके आंसर्स होंगे वो होंगे कि सर x की वैल्यू होगी माइनस नाइन इंक्लूड होगा बट सर माइनस पांच इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना इसके क्रिटिकल पॉइंट आप कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में जीरो आ नहीं सकता तो इसीलिए इसका एक और क्रिटिकल पॉइंट पांच आया था वो भी इंक्लूड नहीं करना है हा बट नाइन इंक्लूड होगा नाइन इंक्लूड हो सकता चलो आगे बढ़ते सर नंबर लाइन का क्रिटिकल पॉइंट एक बार बुझा दीजिए कुछ नहीं यार नंबर लाइन के क्रिटिकल पॉइंट जो भी बस इक्वल टू जीरो डाल दो जो भी फैक्टर आते हैं इनको इक्वल टू जीरो डाल के एक्स की वैल्यूज निकाल लो उनको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर दो और बस इंटरवल्स चेक करते जो हर इंटरवल के बीच का एक एक नंबर इन इक्वालिटी में पुट करो चेक कर लो ठीक है बाकी यार ऑल्टरनेट भी आप लिख सकते हो बट ये है कि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऑल्टरनेट चलता नहीं है अब चलो कुछ बढ़िया सा आपको सिखाता हूँ मैं ठीक है अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ रैशनल ऑफ अ रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ अ रैशनल एक्सप्रेशन तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना बेसिकली आपके सामने क्या होता है एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया जाता है एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया जाता है ठीक है ये क्वेश्चन काफी आ, अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से और उसमें दो ती, तीन तीन बातें हैं बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि या तो आपसे रेंज पूछता है देखो रेंज का मतलब आप सब बच्चों को पता है ना रेंज का मतलब पता है और एक होता है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछना रेंज का मतलब पता है सभी को हाँ या मैं दोबारा बता देता हूं एक बार और स्टिल आपको रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैंने आपके सामने कोई भी एक इक्वेशन लिखी है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्स थ्री एक्स प्लस फाइव लिख दिया मैंने एक्स स्क्वास प्लस फाइव तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है जैसे x की जगह आपने इसमें पांच डाला तो पांच डाला पांच डालने पे आंसर क्या आएगा पांच का स्क्वायर पच्चीस हो, हो जाएगा पांच हो जाएगा ये कितना हो जाएगा फोर्टी हो गया है ना फोर्टी क्यों हो हाँ फोर्टी फाइव हो गया, गया पच्चीस हो गया और ये पंद्रह चालीस फोर्टी फाइव हो गया तो ये जो फोर्टी फाइव आया ना तो जो भी आपका पूरा का पूरा, पूरा एक्सप्रेशन होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते थे वाई बोलते हैं जो पूरा का पूरा हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको हम वाई बोलते हैं तो जो वैल्यूज आती है जैसे एक्स की जगह कुछ पुट करोगे तो जो आंसर आया जैसे 45 आंसर आया तो 45 फाइव इज अ पार्ट ऑफ रेंज तो रेंज का मतलब होता है कि भाई इसके आंसर क्या-क्या आ सकते जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन है अब मैंने एक किसी एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया और मैंने आपसे पूछा बताओ उसकी रेंज क्या है रेंज का मतलब उसका आंसर कहां से कहां तक आ सकता है अब मान लो कोई रैशनल एक्सप्रेशन है और आप कहते हो सर इस रैशनल एक्सप्रेशन की जो रेंज आ रही है इसकी जो रेंज आ रही है लेट से आपने कह दिया सर इसकी रेंज ना माइनस टेन से लेकर के एटीन तक आ रही है माइनस टेन से एटीन तो माइनस टेन से एटीन का मतलब है कि सर जो इस रैशनल इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा ना वो माइनस दस से लेकर के अट्ठारह तक होगा मतलब सर इस रैशनल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम आंसर अट्ठारह होगा और मिनिमम आंसर माइनस का दस होगा तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछ लेता है या तो पूरे के पूरे आंसर की रेंज पूछता है कि भाई कहां से कहां तक आंसर आएगा या फिर कहता है मैक्सिमम आंसर बताओ मिनिमम आंसर बताओ समझ गए आप सभी बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं राइट right. तो अब एक काम करते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो फील आएगा आपको करना एक बार आप इसे अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ठीक है तो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स कोई भी एक रियल वैल्यू एक्स पर आपके सामने मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा आपको उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या आएगी राइट right? आपको बताना है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये एक्सप्रेशन है आपका ठीक है इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है आपके ऑप्शन है माइनस वन बाय सिक्स वन बाय थ्री टू बाय नाइन या फिर वन सिद्धांत रेंज और डोमेन में डिफरेंस ये होता है सिद्धांत जैसे होता गया ना सिद्धांत देखो मेरी बात को सुनना अगर सिद्धांत मैंने एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा जैसे मान लो मैंने एक्स प्लस लिख दिया है ना ये एक एक्सप्रेशन है अब जब आप ये बोलते हो सिद्धांत की यार अब जैसे सिद्धांत आप इसमें कोई वैल्यू डालोगे जैसे आपने मान लो एक्स की जगह इसमें इसमें वैल्यू पुट पुट करी 1, तो जब आप इसमें 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा दैट इज वन प्लस फाइव आंसर आएगा सिक्स लेकिन एक बात समझो सिद्धांत जैसे मैंने बोला वन प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स है ना तो यहाँ पर कुछ होना भी तो चाहिए ना सिद्धांत यहाँ पर यहाँ पर कुछ लिखना भी तो चाहिए मुझे इधर की साइड यहाँ की साइड कुछ लिखना चाहिए ना मुझे

आपने इसमें एक्स की जगह टू पुट किया आपके वाई की वैल्यू क्या आएगी जैसे वाई की वन पुट करने पर वाई की वैल्यू सिक्स आ गई टू पुट करने पर वाई की वैल्यू सेवन आ गई है ना एक्स की वैल्यू आपने हंड्रेड पुट कर दी वाई की वैल्यू एक आ गई आपने एक्स की जगह इसमें माइनस टू लिख दिया राइट तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू प्लस फाइव यानी वाई की वैल्यू थ्री आ जाएगी तो कहने का मतलब आप इसमें एक्स की जगह पुट क्या एक्स मतलब आप इसमें पुट क्या कर रहे हो क्या क्या वैल्यूज पुट कर रहे हो जैसे आपने वन पुट किया टू पुट किया हंड्रेड पुट किया तो आपके आंसर क्या आ रहे हैं तो जो आपके आंसर आए हैं वो आंसर क्या क्या आए हैं उसी को हम वाई बोलते हैं वाई मतलब कि आंसर क्या क्या आए हैं तो आप एक बार आपका आंसर सिक्स आया एक बार सेवन आया एक बार हंड्रेड आया एक बार आपका आंसर थ्री भी आया जब आपने माइनस टू पुट किया तो आप जो वैल्यूज पुट करते हो ना वो डोमेन होता है तो जैसे वन टू हंड्रेड माइनस टू ये सब क्या है इज अ पार्ट इज अ पार्ट ऑफ डोमेन ये सब डोमेन के पार्ट है कि आप क्या क्या वैल्यूज एक्स की जगह पुट कर सकते हो दैट इज डोमेन राइट right. अब आपके आंसर्स क्या क्या है जब आपने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करके आंसर क्या सिक्स सेवन हंड्रेड थ्री तो ये सब क्या है इज अ पार्ट ऑफ रेंज इज अ पार्ट ऑफ रेंज की जी आंसर क्या क्या आ सकते हैं राइट right है जी बात क्लियर हुई बात सभी को क्या कह रहा हूं मैं शिवा जय वगैरह समझ आ गया ना कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है डोमेन मतलब जो आप वैल्यूज पुट करते हो रेंज मतलब जो आंसर्स आते हैं ठीक है अब बात को सुनना अब आप लोग बात को सुनना देखो, तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया था आंसर हालांकि सभी बच्चों का गलत है कोई बात नहीं समझते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है अब एक और चीज समझना ये जो आप लोगों ने कई क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करे जैसे मैंने पे बोला कि सॉल्व फॉर एक्स जरा दो मिनट के लिए प्लीज मेरी बात को आप लोग सुनना ध्यान से जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि का और फिर रियल नंबर फाइव बाई टू ये जो आपने निकाला ये डोमेन निकाला ये आपने क्या निकाला ये आपने इस एक्सप्रेशन का क्या निकाला डोमेन डोमेन मतलब कि आप क्या क्या एक्स की जगह इसमें पुट कर सकते हो आप x की जगह इस इनक्वालिटी में जो जो पुट कर सकते हो वही तो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस फाइव बाई टू अगर मैं पूछू तो ये? ये x की वैल्यूज है मैंने कहा x की वैल्यू मतलब क्या कि मतलब आंसर है ये एक्स की जगह हम ये, ये यूज कर सकते हैं आप कहोगे हाँ सर इसका मतलब है सर आप एक्स की जगह ये सारे नंबर इस इनक्वालिटी में यूज कर सकते हो इन इक्वालिटी को ट्रू रखने के लिए आप एक्स की जगह ये ये नंबर पुट कर सकते हो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस फाइव बाई टू तो ये क्या निकला है ये डोमेन निकला है ये क्या निकला डोमेन निकला तो अभी तक आपने जितने भी आंसर निकाले वो सब डोमेन निकाले आपने जैसे सोल्व फोर एक्स इक्वालिटी के लिए आपने एक्स का ये आंसर बताया तो आप क्या बता रहे हो आप एक्स की वो वैल्यूज बता रहे हो जो आप इस इन में पुट कर सकते हो कि सर माइनस इन्फिनिटी टू टू में इस इन में डाल सकता हूं माइनस छोड़ के माइनस इन्फिनिटी से टू तक मैं कुछ भी इस इक्वालिटी में पुट कर सकता हूं तो मतलब ये आपने क्या बताया ये आपने डोमेन बताया कि मैं जगह क्या क्या लिख सकता हूं इसके अंदर ये सब डोमेन है कि ये ये लिख सकता हूं है ना सब कुछ नहीं लिख सकता माइनस इन्फिनिटी से टू तक लिख सकता हूं तीन छोड़ के समझ गए तो ये सब आपने डोमेन बताया जितने भी क्वेश्चन किया आपने अभी तक जहां जहां मैं लिखा सोल्व फोर एक्स सोल्व फोर एक्स आप हर जगह सिर्फ डोमेन बता रहे थे आगे बात समझ में जय वगैरह जो भी बच्चे हैं अब मैंने आपसे क्या पूछ लिया लेकिन अब मैंने आपसे पूछ लिया रेंज मैंने कहा रेंज बताओ अब रेंज का मतलब क्या होता है ठीक है अब रेंज मतलब क्या अब मैंने कहा भाई डोमेन छोड़ो मैंने कहा रेंज बताओ इसकी तो मैंने आपको क्या बताया रेंज मतलब क्या होता है लिखा ये लिखा हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं वाई बोल देते हैं

रेंज एक मिनट हां तो आप ये बोलोगे सर वाई इज द रेंज वाई क्या है यहां पे? वाई इज द रेंज ऑफ फंक्शन कि सर वाई जो है वो फंक्शन की रेंज है तो आप जब जाओगे सॉल्यूशन पे आप जब गए सोल्यूशन पे तो आपने क्या बोला कि सर इक्वल टू स्क्वायर प्लस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के जो जो आंसर आ सकते हैं जो भी पॉसिबल आंसर हैं दैट इज वाई क्लियर सभी बच्चों को मैंने क्या बोला राइट दैट इज वाई अब इसको हटा दो तो अब मुझे क्या बताना अब मैं क्या करूंगा ना मुझे बेसिकली की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है मतलब अब आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन को अब आप इस क्वेश्चन को पता क्या बोल सकते हो कि सर ये जो इनिक्वालिटी है ना यहां पर सब है अब मुझे ना वाई की वैल्यूज बतानी है लाइक दिस बताने की सोल्व फोर वाई सर अब मुझे ना वाई के लिए सॉल्व करना है कि वाई के क्या क्या आंसर निकल सकते हैं क्योंकि सर वाई के जो भी पॉसिबल आंसर होंगे ना जो वाई की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी सुनना यहां पर y क्या है y इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की रेंज है y इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की रेंज है तो y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो कहीं ना कहीं इस फंक्शन की रेंज होंगी y की पॉसिबल वैल्यू फंक्शन की रेंज ही होगी क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है उसको मैंने y बोल दिया अब y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं वो क्या होंगी एक्सप्रेशन की रेंज होंगी कि भाई ये ये रेंज हो सकती है तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले तो क्वेश्चन को समझना कैलकुलेशन बाद की बात है कैलकुलेशन तो अभी मैं कर दूंगा तो पहले समझना कि जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको मैंने वाई बोला और अब मेन टास्क क्या की पॉसिबल वैल्यूज बताना अब वो कैसे बताएंगे जरा वो सुन लो ठीक है अब ये कैसे निकालेंगे वो सुनना देखो ध्यान से सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नो no डाउट इसमें कोई दो राय क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये देखो यहां पर आप क्या करोगे पहले इसको ना लेफ्ट राइट सॉल्व कर लो आप लोग जैसे कि आपने इसको ना थोड़ा सॉल्व किया तो एक क्या हो जाएगा मेरा दैट इज वाई एक्स स्क् माइनस वाई एक्स प्लस वाईल टू एक्स स्क्स प्लस वन ठीक फिर आप क्या करो यहां पर अब आप यहां पे क्या करोगे ध्यान से सुनना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जैसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म पकड़ो ये री एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये री एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस एक्स स्क्वायर को यहां लाओगे और मान लो आपने कॉमन निकाल लिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई माइनस वन

और उसके बाद बच के आ गया अब उसके बाद बच गया आपके पास और -1 गया। तो like y और माइनस वन बच गया तो दिस कैन बी रिटर्न एज लाइक y और माइनस वन है ना हम्म तो ये हो जाएगा आपका प्लस वाई माइनस वन एंड दैट इज इक्वल टू जीरो समझ आई बात सभी बच्चों को ठीक है तो उसी चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसी को एक्स को यहाँ लाऊंगा वाई माइनस वन का स्क्वायर हो गया अच्छा एक्स को मैं यहाँ लेकर आऊंगा तो अगर मैं, मैं माइनस का एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ तो माइनस वाई प्लस वन और यहां पर एक्स आ जाएगा

ये y -1, y -1 से होगा तो दिस विल बी वाई का स्क्वायर और माइनस का वाई माइनस का वाई मतलब का ठीक है इसको हटाओ और यहां से क्या होगा ओपन कर लेना तो हो जाएगा वाई ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी तो टू ए बी करूंगा तो टू टू 4y फोर वाई हो जाएगा और ये माइनस का फोर वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एट वाई और ये माइनस का फोर दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो कितना हो गया माइनस का थ्री वाई स्क्वायर हो गया आठ और चार ही हो गया बारह वाई हो गया और ये हो जाएगा मेरा दैट इज़ माइनस का तीन इक्वल टू ज़ीरो माइनस तीन कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा सॉरी इक्वल टू क्यों लिख रहा हूँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर माइनस थ्री अगर मैं कॉमन निकालता हूँ यार तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा और आठ और चार बारह वाई था ना हाँ और ये हो जाएगा माइनस का फोर वाई हो जाएगा और ये प्लस में वन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो हुई है कुछ तो मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है टू ए स्क्वायर प्लस बी टू टू वाई होगा ना ये ये 2y होगा चलो पहले ये बताओ यहां तक समझ तो आया ना सभी को पहले एक बार मैं चैट देख लूं यार एक बार चैट के थ्रू बताना यहां तक क्लियर तो है ना ये पैटर्न समझ आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं वो छोड़ो ये पैटर्न, वो कैलकुलेशन अभी मैं ठीक करता हूं ये बताओ पैटर्न समझ आ रहा है मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं थॉट प्रोसेस क्लियर है ना सबको राइट right. तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना बस आप ठीक है चलो अब मैं जरूरत से ज्यादा नहीं लिखता हूँ फिर इसको हटाउट बस ये जरूरी है कि सर ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है इसको आपने वाई ले लिया अब जब आपने इसको वाई ले लिया फिर आपने क्या करा उसको और ऐसे आपने भी करना है देखो सिंपल सी बात हमने करनी क्या है कि आपको जो भी रैशनल एक्सप्रेशन देगा ना उसको इक्वल टू वाई लेना और पूरी इक्वेशन को सिंपलीफाई करना वाई की वैल्यू निकालनी होगी बेसिकली एंड ट्रस्ट मी क्वाड्रेटिक पे ही जाएगा क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे ही जाता है हमेशा ये क्वाड्रेटिक के ट्रैक पे पहुंच गया अब उसके बाद बी स्क्वायर माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो होगा तो आप जब माइनस में वाई प्लस वन का होल स्क्वायर करोगे ठीक है माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस फोर ए करूंगा तो फोर और ये ए हो जाएगा और सी अच्छा सी में भी सेम ही लिखा वाई माइनस वन और इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा मेरा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली और ये फोर के साथ का करूंगा तो एक्स बी स्क्स टू ए बी होता है तो ए स्क्त बीस ए बी वाई जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क् माइनस में टू ए बी तो माइनस का टू वाई एंड दैट इज इक्वल टू जीरो हो गया और प्लस में 1, ये minus का square हो गया और में वन ये माइनस का फोर वाई स्क्र हो गया माइनस तो का फोर हो गया प्लस में एट वाई एंड दैट इज इक्वल टू जीरो तो माइनस का ग्रेटर ग्रेटर देन देन सॉरी इक्वल टू आएगा हर जगह ग्रेटर देन क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन तो माइनस का थ्री वाई गया और ये आठ और ये दो कितना हो गया? हो गया गया दैट इज और कुछ खास ये माइनस का थ्री हो जाएगा माइनस का थ्री हाँ राइट लेस देन इक्वल टू तो जीरो राइट ना माइनस का थ्री वाई स्क्वायर आठ दो दस हो गया और ये माइनस का थ्री हो गया आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो माइनस ले जाके वहां जीरो कर दो थ्री तो वाई स्क्वायर माइनस का टेन वाई और ये प्लस में थ्री

तो जब आप इसके फैक्टर करोगे थ्री वाई माइनस वन हो जाएगा और ये वाई माइनस थ्री एंड इक्वल टू जीरो वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो डालोगे एक क्रिटिकल पॉइंट थ्री थ्री वाई माइनस वन को इक्वल टू जीरो डालोगे एक क्रिटिकल पॉइंट वन बाय थ्री आएगा बीच के नंबर उठा लेते हैं कोई से भी राइट वन बाय थ्री से पीछे नंबर ले लो जैसे मान लो आपने जीरो ले लिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने आ,

आप सीधी सी बात है एक्सप्रेशन को इक्वल टू वाई लिखते हो और कोई भी बच्चा प्लीज चैट में ये मत लिखना कि सर मैं एग्जाम में इतना लिखूंगा अगेन मैं सेम लाइन क्योंकि बार बार रिपीट करता हूं कि आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में लिख रहा होता हूं ठीक है लेकिन ये क्वेश्चन यार एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप जरूर ध्यान रखना इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार तो कहां यार इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करके क्या मैं इसमें डिफरेंशिएट करोगे क्वेश्चन रूल लगाओगे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर पर नाइन और वन आएगा ना कहा पे नाइन वन आएगा हाँ नहीं मिलोनी उसमें फिर ये थ्री वाई भी तो है ये फैक्टर ये बनेंगे ना मिलोनी थ्री वाई स्क्वायर माइनस का 9y वाई माइनस में वाई और प्लस में थ्री ऐसे बनेगा ना फिर आप थ्री वाई कॉमन निकालोगे तो वाई माइनस थ्री बचेगा यहां से वन कॉमन माइनस वन कॉमन निकालोगे तो फिर वाई माइनस थ्री बचेगा तो एक ब्रैकेट बचेगा वाई माइनस थ्री एक ब्रैकेट बचेगा थ्री वाई माइनस वन ठीक है वो तो मिडल टर्म स्प्लिट है डन है चलो नेक्स्ट पे आते हैं एक और क्वेश्चन देखना है एक ना ऐसा सा एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं और देता हूँ यार उसको ट्राई करो एंड यार जैसे मैं बता रहा हूँ हो सके तो प्लीज़ उसी पैटर्न को फॉलो करो और वैसे करो सॉल्व एक मिनट देना मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ ठीक है अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे जिसमें आपको वही है रेंज बतानी है ठीक है ये एक फंक्शन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने दैट इज फंक्शन है मेरा एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू और एक्स प्लस फोर ठीक है इस फंक्शन की आपको बतानी है कि रेंज क्या होगी इसकी रेंज क्या होगी ये आपको बताना है राइट right. और बस दैट्स इट रेंज बतानी है आपको बता दो फटाफट से वही है कि मतलब एक रैशनल फंक्शन देके रेंज पूछ लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग ट्राई करें नहीं होता है तो मैं कराता हूँ टीटा फॉर्म रखते है में रखते हैं क्वेश्चन को जरूरत नहीं यार सत्य डिफरेंशिएट वगैरह में मत जाओ क्वेश्चन रूल लगेगा फिर वो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक पे पहुंच जाएगा बाकी मर्जी आपकी है कुछ चीजों के एक प्रॉपर प्रोसेस होते हैं उसी को फॉलो कर लो ठीक है क्योंकि डिफ्रेंशिएट करोगे फिर वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे अब उस पर क्योंकि जहाँ तक अब क्वाड्रेटिक बन गई तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं अब दो क्रिटिकल पॉइंट में किस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर आएगा किसमें मिनिमम आंसर आएगा वो दोनों भी आपको चेक करने पड़ेंगे तो बाकी मर्जी आपकी अरे याद नहीं देवांश तभी तो एक और क्वेश्चन दिया है अभी हाथ सेट हो जाएगा इतना ध्यान रखो यार देवांश कुछ नहीं होता ऐसे रैशनल फंक्शन होता है उनको वाई बोला जाता है और फिर सिंपलीफाई करो और कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक के ट्रैक पे क्वेश्चन पहुंच जाता है क्वाड्रेटिक पहुंच जाएगा और फिर क्वाड्रेटिक में ही रखो और यहां पर मैं स्पेशली मेंशन भी कर देता हूं कि यहां पर एक्स जो है वो रियल नंबर है एक्स जो है वो रियल नंबर एक्स इज अ रियल नंबर वीडियो को लाइक कर दिया ना सबने हाँ अरे एक सौ आठ बनते देख रहे हो और एक सौ आठ लाइक है चलो अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे बाकी मर्जी आपकी है जी जरा मम्मी फोन दो अपना यार लाओ फोन दो लाइक करना है वीडियो को मुझे पड़ोस पड़ोस से भी लाइक कर देना फोन ले लेके जैसे मेरे यहाँ पे वो इस बाइक वाला उसके मैं पास में बाइक ठीक कराने ले जाता हूँ उस दिन मैं गया कहता भैया अपना फ़ोन दिखाना मैंने कहा ये लो फटाफट से अपना चैनल खोला सब्सक्राइब कर दिया मैंने <laughs> कहा ये क्या था कह रहा सब्सक्राइब किया ये मेरा चैनल है इस पर आप देखना मैंने कहा जरूर भाई तू मुझे बोल देता मैं खुद ही सब्सक्राइब कर देता सर डिस्क्रिमिनेट का बहुत प्रॉब्लम है बहुत ही दिक्कत है क्योंकि सर जोमेट्री मैंसोरेशन भी करना है यार हाँ गेम मैनियक ओके गे, पहले गेम छोड़ खेलना बंद करना पड़ेगा ठीक है हो सकता है गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करते हूँ भाई साहब बट कोई नहीं मजाक कर रहा हो मुद्दे की बात यह है कि देखो टफ तो है यार अभी लास्ट के बीस पच्चीस दिन में यही चलता रहता है कि अभी आप इनिकवालिटी एक तो ये बड़ा पंगा है अभी आप इनक्वालिटी पढ़ रहे हो ना तो इन इक्वालिटी पढ़ रहे हैं पर बच्चे का इन इक्वालिटी के साथ साथ बैकग्राउंड में फोकस किस पे है जमेट्री मैंसूरेशन वो उनमें उलझा पड़ा है कि जमेट्री का कैसे करूंगा तो ये सबके साथ चलता है ठीक है आपको ही नहीं कह रहा मैं स्पेशली गेम मैनिए बहुत से बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा फोकस रहो और जो जैसे मैंने पहले भी बोला है थोड़ा एक प्लान बनाओ कि यार इस पांच दिन में ये चैप्टर करना है अगले पांच दिन में ये चैप्टर करना रहे है ना तो पांच पांच दिन के चैप्टर के हिसाब से एक प्रॉपर प्लान बनाओ ताकि जब आप जो पढ़ो आपका फोकस उसी पे हो लाइक like अगर आप पढ़ रहे हो इन और आपके दिमाग में चल रहा है जमेट्री तो आपको पता होना चाहिए जोमेट्री तो मैंने तीन तारीख को पढ़नी है ठीक है तो अभी तो इन पढूं पढ़ू मैं ताकि आप फोकस रहो थोड़ा सा राइट तो इसका थोड़ा सा कार्तिक अभी डर नहीं यार कार्तिक ड्रॉप ईयर में तो यार देखो मैं हर बच्चों को यही कहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी बोल रखा है यार हालांकि कई बार ये बातें है ना कि यार आने अभी एक बात बताओ अगर आप सोचते हो मैं कैट ट्वेंटी थ्री के लिए प्रिपेयर करूंगा कई बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पता है कि उनके दिमाग में आ चुका है कि यार कैट ट्वेंटी टू भाई अब तो बहुत मुश्किल है काम करता हूँ मैं सीरियस होकर पढ़ूंगा कैट ट्वेंटी थ्री के लिए पढ़ूंगा मेरा बस ये कहना है यार अच्छा सोच अच्छी है बट अभी नहीं अभी कैट ट्वेंटी टू पे फोकस करो ठीक है क्योंकि यार एनी वेज ऑफ कैट ट्वेंटी थ्री में कितना टाइम बचा दैट इज कैट ट्वेंटी टू में कितना टाइम है मान लेते पच्चीस दिन बचे कैट ट्वेंटी थ्री में कितना टाइम है एक साल पच्चीस दिन ठीक है तो यार उस एक साल पच्चीस दिन में से भाई पच्चीस दिन कैट ट्वेंटी टू में लगा दो ना ठीक है मान लो अपना माइंड सेट कैट ट्वेंटी थ्री का ही रखो चलो कि यार करूंगा तो कैट ट्वेंटी थ्री क्योंकि प्रैक्टिकली अब नाइनटी फाइव परसेंट प्लस लाना बहुत मुश्किल है मेरा ट्राइड। लेकिन अपनी पूरी, अपनी पूरी पूरी मेहनत कैट 22 पे रखो उससे होगा ये क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ कि यार ये जो अब जब एग्जाम टाइम आता है ना तो यहां पर एक फील आता है पढ़ने का वो फील आपको नहीं आ पाता है अभी आप देख रहे हो यही होता भी अभी कई बच्चे पढ़ते हैं उनको यही फील आता होगा कि यार काश में तीन चार महीने पहले से ऐसे पढ़ाई कर रहा होता तो अब तक तुम्हें तो कहां पर होता राइट right? ये समझो जब एग्जाम टाइम आता है ना जब एग्जाम टाइम नजदीक आ जाता है तो हमारे अपने को थोड़ी ज्यादा किक आती है पढ़ने की ठीक है तो इसको ना ये जो किक है ना ये आपको बाद में नहीं आएगी कार्तिक राइट right? बाद में एज इन कि ये किक आपको दिसंबर अगर आप कैट ट्वेंटी थ्री सोच के बैठ गए ना तो नवंबर में वो किक आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली दिसंबर में भी नहीं मिलेगी जनवरी में भी नहीं मिलेगी राइट right, तो उससे बेटर है, है, है? तो है, तो है अगर आपने ड्रॉप ईयर का सोच लिया है तो कैट ट्वेंटी टू वैसे भी आपका क्लियर नहीं होने वाला ठीक है ड्रॉप ईयर सोच लिया तो, तो बात ही खत्म हो गई तो इसलिए मेरा है और बस पच्चीस दिन मेहनत कर लो राइट अगर तब भी नहीं हो पाता कैट ट्वेंटी अगर नहीं भी हो पाता

क्योंकि अगर आपका कैट ट्वेंटी टू नहीं भी होता है कोई नुकसान नहीं है इन शॉर्ट नुकसान तो कुछ नहीं है ना बीस दिन पढ़ लेंगे अगर ड्रॉप ईयर लिया तो कैट ट्वेंटी टू तो वैसे भी नहीं होने वाला तो बीस दिन एफर्ट मार लो नहीं हुआ अगर कैट ट्वेंटी टू तब भी नहीं हुआ तो इस तरह दिन में आप बहुत कुछ पढ़ लोगे उससे फायदा ही होगा और ऐसे लास्ट टाइम कई बच्चे थे ऐसे लास्ट ईयर भी कई बच्चे ऐसे थे जो ठीक है कहीं इधर उधर पढ़ रहे होंगे लास्ट टाइम में उन्हें यूट्यूब पे मिल गया लास्ट पे यूट्यूब पे वो मेरे से एक डेढ़ महीना पढ़े और ठीक है उनको ये लगा कि पहले नहीं मिले वगैरह वगैरह बट द थिंग इज यार लास्ट के एक डेढ़ महीना जो भी वो पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े उनके भी अच्छे परसेंटेज नहीं आए वो कुछ थे 89, 88 तक तो चलो पहुंच गए थे 90 तक भी पहुंच गए थे बट उन्हें इधर यार मेरे को आई चाहिए मैं ड्रॉप ईयर लूंगा बट जब वो नेक्स्ट ईयर कैट ट्वेंटी के लिए जब उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी मतलब कैट ट्वेंटी में उन्होंने लास्ट के दो महीना उन्हें पता था नहीं होने वाला पर पूरे एफर्ट मारे अच्छे से पढ़ाई करी अब फायदा उनको ये मिला जब उन्होंने कैट ट्वेंटी की तैयारी शुरू की थी ना तो उनके फंडे ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थे उनके बेसिक्स बहुत अच्छे थे तो जब वो कैट ट्वेंटी टू की तैयारी कर रहे थे तो वो शुरुआत से कॉन्फिडेंट फील करते थे खुद में क्योंकि जब वो बाकी बच्चों के बीच में बैठते थे कुछ बच्चे नए आए अभी वो चीज समझ ही रहे हैं और उन्हें पहले से काफी कुछ आता था बच्चों को तो इसलिए कैट ट्वेंटी टू की तैयारी वो बहुत अच्छी कर गए राइट तो इसलिए ध्यान रखना चलो अब जरा आंसर पे आते हैं ठीक है अब जरा आंसर पे आते हैं और बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि यार जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको बाईलाइट करते हैं पहले सिंप्लीफाई कर लो कितना हो जाएगा न्यूमरेटर को कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये थ्री एक्स हो गया ये इतना हो गया कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस का थ्री हो जाएगा ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया ये चार एक्स दो एक्स माइनस कर दू तो कितना आ जाएगा दो एक्स आ जाएगा और माइनस का आठ आ गया एंड दैट इज इक्वल टू वाई लिख दिया मैंने ठीक है फिर इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ लेफ्ट राइट कर देता हूँ वैल्यूज को तो जब मैं इसको लेफ्ट राइट -right करूंगा एक बार देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई ध्यान से देखना एक्स पहले ना एक्स स्क्वायर पर फोकस करो जब आप इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे ध्यान से सुनो एक्स स्क्वायर पर फोकस करो एक्स स्क्वायर को वहां ले गया वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ वाला एक्स स्क्वायर इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालू तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास दैट इज यहाँ पर अगर मान लो मैं जीरो कर देता हूँ तो पहले मैं इधर ले गया एक्स स्क्वायर वाई इसको इधर लाया तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन रखूं तो क्या बचेगा वाई माइनस वन बचेगा ठीक फिर आ जाओ अगले टर्म पे प्लस ये टू एक्स वाई ये टू एक्स इधर आएगा तो टू एक्स वाई और फिर टू एक्स को यहाँ पर लेकर आ जाओ ठीक है तो अगर आप एक्स कॉमन निकालोगे तो टू एक्स वाई मतलब कि टू वाई माइनस टू ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का एट वाई और माइनस थ्री इधर आकर के प्लस थ्री हो जाएगा बात आई समझ में सभी बच्चों को उम्मीद कर सकता हूं मैं राइट right है कोई डाउट शॉट नहीं ना पक्का ठीक है अब जरा निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अब ये बना दिया मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है विल बी ग्रेटर देन तो जीरो। अब इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी होता है तो बी क्या होगा एक्स का कॉफिशियंट मतलब कि टू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर

वाई स्क्वायर और ये माइनस का थ्री और प्लस में एट वाई तो ये हो जाएगा मेरा दैट इज थ्री और एट इलेवन वाई हो गया माइनस का एट वाई स्क्वायर हो गया माइनस का थ्री हो गया राइट एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो ये हो गया मेरा फोर वाई स्क्वायर ये माइनस फोर और माइनस एट ये हो जाएगा बत्तीस और चार छत्तीस तो थर्टी सिक्स वाई स्क्वायर हो गया क्योंकि एट फोर्स थर्टी टू थर्टी टू और फोर थर्टी सिक्स वाई स्क्वायर हो गया और वाई पकड़ लेते हैं यहाँ पे तो माइनस का फोर्टी फोर और माइनस का एट यानी माइनस 52y हो गया और ये हो जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा और 4 16 हो जाएगा ये राइट और प्लस का 16 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चार कॉमन निकाल के उधर भेज दो नाइन तो वाई स्क्त कॉमन निकाल लो चार से डिवाइड कर दो तो फोर नाइन और ये थर्टीन वाई और ये चार एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अब बताओ यहां तक समझ आया सभी बच्चों को हाँ जी यहां तक क्लियर है फैक्टर क्या बनेंगे नाइन फोर जी नाइन फोर ही बन रहे हैं फैक्टर तो फैक्टर जब आप बनाओगे तो फैक्टर इसके दिखेंगे आपको दैट इज नाइन वाई स्क्वायर माइनस में नाइन वाई और माइनस का फोर वाई प्लस में फोर एंड ग्रेटर देन जीरो तो अगर मैं नाइन वाई कॉमन निकाल लेता हूँ तो नाइन वाई माइनस फोर और एक बचेगा आपका दैट इज वाई माइनस वन एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट पे मैं गया तो क्रिटिकल पॉइंट एक आ रहा है मेरा वन और एक आएगा मेरा फोर बाई नाइन राइट एक आएगा वन और एक आएगा मेरा दैट इज फोर बाय नाइन इसके बीच का कोई नंबर उठा लेते हैं पीछे से नंबर उठाते हैं इसके पीछे जीरो आ रहा होगा अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो जीरो पे नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव राइट तो ये इंटरवल कहीं ना कहीं इसका करेक्ट जा रहा है राइट एंड सिमिलरली ये गलत जाएगा ये करेक्ट जाएगा तो ये इंटरवल इसका करेक्ट जा रहा है तो जो इसकी रेंज आ रही है जो इस क्वेश्चन की रेंज आ रही है वो आ रही है माइनस इंफिनिटी से फोर बाय नाइन इंक्लूडेड एंड यूनियन वन से लेकर के इंफिनिटी अब बताओ आया समझ में सभी बच्चों को राइट right. अब मेरा सब चलता है यार जो दिल्ली से होते हैं ना जो दिल्ली से होते हैं वो खिचड़ी होती है उनकी कभी मैं कोई बिहारी वर्ड बोल देता हूं कभी हरियाणी वर्ड बोल देता हूं कभी पंजाबी बोल देता हूं तो जो आप में से दिल्ली से हैं उन्हें पता होगा यहाँ पर ना खिचड़ी होती है लैंग्वेज भी सब मिक्सअप ही चलता है ठीक है खाना पीना भी सब मिक्सअप होता है तो सब मिक्स ही रहती है चीजें समझ आई बात सभी बच्चों को ठीक है नहीं कोई शॉर्ट्रक नहीं है और <laughs> कोई शॉर्ट्रक नहीं है भाई कहने का मतलब यार कुछ चीज़ों के मेथड होते हैं ठीक है कि इसको हम वाई लेंगे फिर क्वाड्रेटिक देखो सिंपल सी बात ध्यान रखो कि अगर कोई रैशनल फंक्शन मेरे सामने आ गया पहले मैं उसको वाई लूँगा फिर मैं जो भी पहले मैं उसको वाई लूँगा फिर सॉल्व कर कर आके उसको इक्वल टू जीरो डाल के देन मैं ऐसे करके जैसे वाई लूँगा फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक बनेगी डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो वगैरह वगैरह ठीक है

तो मैं ना एक सेशन रखूंगा ऐसे मैक्सिमा मिनिमा का ऐसे मैक्सिमा मिनिमा वन शॉट तो उसमें मैं आपको क्या करूंगा कि जितने भी होते हैं ना जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन भी मैं रिपीट करूंगा जो जो भी लास्ट लास्ट कराया ना उस टाइप का वाला रिपीट करूंगा जिसमें अभी जो अभी जस्ट मैंने कराया ठीक है थीके? तो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन जिनमें मैक्सिम मिनिमा का फंडा यूज हो जाता है ठीक है स्पेशली जैसे अभी लास्ट कराया कुछ होता है जिनमें ए एम जीएम का कॉन्सेप्ट यूज होता है कुछ होता है जिनमें जिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि एक्स प्लस वन बायस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू तो मैं सिंगल सेशन रखूंगा और उसमें सारी बात करूंगा सिंगल सेशन में वरना होता क्या है ना कि थोड़ा यहां पढ़ा दो थोड़ा वहां पढ़ा दो थोड़ा इसमें पढ़ा दो तो उससे कंफ्यूजन होती है सो so दैट बच्चे को ये पता रहे कि जब वो सेशन लेने आएगा कि यार आज के सेशन में सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन पे बात होगी जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट बातें कर लेंगे ये चीज है डन है परीक्षा सेट थ्योरी लास्ट में करना लास्ट में मैं जेनवली बता रहा हूं बिल्कुल लास्ट में सेट थ्योरी वगैरह उठाना ठीक है चलो एक छोटा सा चीज एक छोटा सा पॉइंट यार मैं आपको और बताता हूँ और सिखाता हूँ ठीक है क्योंकि जरूरी है क्वाड्रेटिक में ये इन सब चीज़ों की ना जरूरत पड़ती है लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन फील आएगा आप लोगों को करने के बाद कि हाँ कुछ बढ़िया था ठीक है एक ये क्वेश्चन ट्राई करना एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर कैन हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर कैन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज कैन एक्स टेक दैट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी एक इनक्वालिटी है इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ये आपको बताना है ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कितनी वैल्यूज एक्स की हो सकती हैं एक बार मुझे चैट के थ्रू बताना मॉड्यूल जब मैं पढ़ाऊंगा ना मॉड्यूल शाम को रखा है मैंने सेशन तब मैं कराऊंगा इसका कोई पार्ट वन भी है क्या सर नहीं पैशनेट बाय हार्ट मैंने पहले सोचा था कि इनिक्वालिटी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके पढ़ाऊंगा फिर मैंने सोचा छोड़ यार वन शॉट रखते हैं ठीक है एक ही दिन में पढ़ा दूंगा जिसको जब देखना होगा वो तब देख लेगा रिकॉर्डिंग देखनी वगैरह वगैरह उस हिसाब से देख लेगा ठीक है एक मिनट रुकना। नहीं वो तो रेंज में ही नहीं थे ना एक बच्चे ने बोला ना कि सर दिव्यांश के टू और माइनस फोर तो रेंज में ही नहीं है टू और माइनस फोर तो रेंज अगर होते तो मैं माइनस करता टू और माइनस फोर जो रेंज है ना उस रेंज के अंदर थे ही नहीं दैट्स वाइट

चलो आंसर बताना है क्या आया कुछ बच्चों कहना का कहना है वशिष्ठ आपका कहना 47 आया है प्रशांत का कहना है 30 आएगा अक्षत का कहना है 46 एंड 45 42 बहुत बढ़िया आ, काफी बच्चों के आंसर गलत है व्हिच इज गुड ठीक है चलो मैं बता दूं मजाक कर रहा हूं मुद्दे पे आते हैं ठीक है मुद्दे पे आते हैं और एक बार समझना बात को अच्छा क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया इसमें कोई दो राय नहीं है थोड़े बहुत पॉइंट निकालते हैं थोड़े बहुत कंक्लूजन निकालते हैं इक्वालिटी को देख के देखो ये इन इक्वालिटी को देख के मैं पहला कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं फर्स्ट कंक्लूजन तो मैं ये निकाल सकता हूं कि यार नंबर लिखा है x माइनस एट एक्स माइनस टेन एक्स माइनस ट्वेल्व और लास्ट में लिखा है एक्स माइनस हंड्रेड तो मैं इस इन इक्वालिटी से एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं क्या कि x कैन नॉट बी ग्रेटर देन क्या कंक्लूजन निकालूंगा मैं x कैन नॉट बी x x is not equal to or greater than 101. x की वैल्यू 101 के इक्वल है उससे बड़ी नहीं हो सकती बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों क्योंकि मेरे भाई यहां पर लिखा है एक्स माइनस एट यहां पर लिखा है एक्स माइनस टेन यहां पर लिखा एक्स माइनस बारह ठीक है एक्स माइनस बारह ओके

तो जी अगर मैंने सेवेंटी एट डाला तो आंसर जीरो आ जाएगा तो ये सब आप थोड़ा थॉट प्रोसेस में जाओगे अगर मैं सौ के इक्वल या उससे छोटे नंबर लूंगा लेकिन अगर मैं सौ से बड़े नंबर ले लूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया अब आपको पता क्या लिखा एक्स माइनस एट एक्स माइनस टेन एक्स माइनस बारह और लास्ट में एक्स माइनस हंड्रेड तो अगर आप 105 में से 8 माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा 108 में से 10 माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा 108 में से 100 माइनस करोगे पॉजिटिव यानी सारे आंसर पॉजिटिव ही आएंगे तो अगर आपने 101 के इक्वल या उससे बड़ा नंबर लिया तो ये पूरी की पूरी इन का आंसर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आंसर आना नहीं चाहिए आंसर जीरो से कम यानी कि नेगेटिव आना चाहिए तो पहला कंक्लूजन तो मैंने ये निकाला कि एक्स इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन वन क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई एक बार बताना हां जी क्या ये बात सबको समझ आई है जो भी मैंने बोला कि x की वैल्यू 101 से बड़ी नहीं हो सकती मतलब x की वैल्यू बेसिकली 100 तक ही जाएगी बहुत अच्छे ठीक है यहां तक समझ आ गया चलो पहला पॉइंट तो अपन ने ये कंक्लूजन निकाला दूसरा दूसरा मैंने ये कंक्लूजन निकाला जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बेसिकली यहां पर ये चीज समझ में आ गई क्या फिर मुझे एक पॉइंट ये भी आया कि यार देखो x की जो वैल्यू है ना ये जो x है x की वैल्यू एट नहीं हो सकती x कैन नॉट बी इक्वल टू एट क्योंकि आठ हो गया तो भाई पूरा जीरो बनेगा ऐसे एक्स दस नहीं हो सकता बारह नहीं हो सकता चौदह नहीं हो सकता ऐसे कर, कर, करते कराते हंड्रेड तक नहीं हो सकता मतलब X की वैल्यू क्या होगी मतलब X की वैल्यूज पे मैं कुछ कंक्लूजन निकाल रहा हूँ की वैल्यू पहली बात तो एक से वन हंड्रेड वन से छोटे नंबर होंगे एक्स जो है वो वन हंड्रेड वन से छोटे नंबर होंगे सारे है ना और ये भी कहना गलत है बेसिकली ये कहना है कि भाई एक्स क्या क्या नहीं हो सकता एक्स एक सौ एक के इक्वल है उससे बड़ा नहीं हो सकता एक्स आठ दस बारह चौदह से सौ तक ये नहीं हो सकता मतलब आठ के इक्वल है बड़े नहीं हो सकता। right? अच्छा। और क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं यहाँ पर पहले वो देखते हैं अब मैंने कहा देखो जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और लाइक like सेवन फिर मैंने कहा एट आप लिख नहीं सकते एट आप लिख नहीं सकते आप, आप, आप नाइन लिख सकते हो टेन नहीं लिख सकते इलेवन लिख सकते हो बारह नहीं लिख सकते तेरह लिख सकते हो चौदह नहीं लिखोगे पंद्रह फिर सोलह नहीं सत्रह अट्ठारह नहीं उन्नीस है ना ऐसे चलती रहेंगी वैल्यूज फिर आप कहोगे कि सर देखो इसमें ना एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि सर अगर मान लेते अपन वन लिख रहे हैं अगर सर मैंने वन लिखा तो वन लिखने पर होगा ये सर कि अगर ना हम लोग वन लिख देते हैं तो वन लिखने पर यह होगा कि जो आंसर है ना सर जैसे ये तो हो गया यहां तक तो, तो समझ आ गया अब पॉइंट ये होगा सर अगर मैं एक्स की जगह सपोज वन लिखता हूं तो अगर मैंने वन लिख दिया तो ये आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा x माइनस टेन मतलब आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा जरा नंबर ऑफ टर्म्स देखना कितनी है इवन नंबर ऑफ टर्म्स देखें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एक्स माइनस एट से एक्स माइनस हंड्रेड तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो जरा ये आठ दस बारह से सौ तक ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनी तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं लास्ट टर्म यानी कि हंड्रेड माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि आठ अपॉन में डिफरेंस प्लस वन ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स हंड्रेड माइनस एट अपॉन डिफरेंस प्लस वन तो कितना हो गया फोर्टी सेवन हो गया तो एन की वैल्यू फोर्टी सेवन आ गई मतलब टोटल फोर्टी सेवन नंबर है ये कितनी टर्म्स है ये कितनी टर्म्स आपको दिख रही है टोटल फोर्टी सेवन टर्म्स है ये आठ दस बारह चौदह सोलह करके टोटल फोर्टी सेवन टर्म्स है ये ठीक है अब ये जो फोर्टी सेवन टर्म्स है राइट right नाउ जो आपको दिख रही है सारी की सारी अब इनमें से आपको बताए स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूं आठ दस वगैरह की बात कर रहा हूं मैं अब आप एक बात बताऊं अगर आप x की जगह लेते हो, तो आएगा, आएगा, आएगा? आएगा? कितनी 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 बार ये कितनी बार 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 ये ये सारे के सारे के आएंगे? आएंगे? केवन टाइम्स अगर माइनस 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 को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा तो वन पे भी सेम है वन पर सारे के सारे नेगेटिव होंगे टू के केस में सारे नेगेटिव होंगे थ्री के केस में सारे नेगेटिव होंगे चार में सारे नेगेटिव पांच में छ में सात में यानी एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन सारी वैल्यूज पर मेरी इनिक्वालिटी ट्रू जा रही है पहली बात तो ये निकल के आई कि इन सारी वैल्यूज पर क्योंकि इन सारी वैल्यूज पर मेरी ओवरऑल टर्म सारे के सारे टर्म नेगेटिव होंगी और टोटल फोर्टी सेवन टर्म्स है मल्टीप्लाई होंगी आंसर नेगेटिव ही आएगा तो मेरी ये सारी तो वैल्यूज पॉसिबल हैं पर आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है ये बता दो यहां तक समझ आ गया सबको एक बार ये बता दो वैल्यू तो जो है वो 101 से बड़ी नहीं होगी एक्स की वैल्यू सर आठ दस बारह चौदह सौ नहीं हो सकती मतलब एट और इवन नंबर नहीं हो सकते तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है तो मैंने बोला भाई एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फिर नौ दस ऐसे ऐसे करके वैल्यूज हो सकती है लेकिन उसमें मैंने बोला देखो वन से सेवन तक तो ठीक है कहानी वन से सेवन तक में सारे नंबर नेगेटिव आएंगे और नेगेटिव पे 47 मतलब बात बन जाएगी लेकिन अब 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 आगे आगे सुनना सुनना ना यहां से दिक्कत आना शुरू हो जाएगी अब दिक्कत आना शुरू होगी नाइन इलेवन इन सबसे है ना क्योंकि यहां पर क्या होगा कि नाइन के के अब देखो मैं बताता हूं आपको मैं आपको बताता हूं जैसे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ ना मैं क्योंकि जगह कम है रहा पे या आई थिंक इतने में भी हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ देखो अब अगला पॉइंट मेरा यह है कि अब ना मैं जरा वन बाय वन चेक करूंगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां तक तो समझ में आ गया अब जैसे मैं एक्स की वैल्यू नौ लेता हूँ अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या लेता हूँ दैट इज नौ लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू नौ लेने पर ये जो एक्स माइनस एट है ये जो एक्स माइनस एट है ये तो पॉजिटिव आएगा ये मेरा पॉजिटिव आएगा लेकिन बाकी की यानी फर्स्ट टर्म जो है मेरी फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म मेरी पॉजिटिव आएगी ठीक है और बाकी की जो फोर्टी सब सब क्या आएंगी negative आएंगी नेगेटिव नेगेटिव तो टर्म टर्म में एक पॉजिटिव अगर आप एड करते हो तो ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव आएगा यानी एक्स की वैल्यू नौ नहीं हो सकती अगर मैं एक्स की वैल्यू ग्यारह लेता हूं ध्यान से सुनना एक दो नंबर पे पैटर्न समझ आ जाता है अगर मैं ग्यारह लेता हूं तो ग्यारह लेने पर क्या होगा पहली दो टर्म तो मेरी पॉजिटिव आएंगी पहली दो टर्म फर्स्ट टू टर्म ठीक है पहली दो टर्म मेरी पॉजिटिव आएंगी क्योंकि मैंने ग्यारह लिया तो ग्यारह माइनस आठ पॉजिटिव तो पहली दो टर्म तो खैर मेरी पॉजिटिव आएंगी और बाकी की जो फोर्टी फाइव टर्मस बाकी की टर्म्स वो मेरी नेगेटिव आएंगी तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा इस पर काम मेरा बन गया ग्यारह पे मेरा काम बन गया एंड इसी तरह अगर आप देखो तेरा क्या तेरह पे आपका काम बनेगा नहीं क्योंकि तेरह लिखने पर तीन टर्म पॉजिटिव आएंगी तीन टर्म पॉजिटिव आएंगी लेकिन बाकी की जो फोर्टी फोर टर्म्स है बाकी की फोर्टी फोर टर्म्स वो आपकी नेगेटिव आएंगी तो ये भी आपका यहां पर आंसर पॉजिटिव आएगा ये भी गलत है तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक ठीक है फिर उसके बाद करेक्ट टर्म्स क्या क्या जा रही है ग्यारह पे काम बनेगा जैसे नौ पे काम नहीं बना ग्यारह पे बना तेरह पे काम नहीं बना पंद्रह पे बनेगा सत्रह पे काम नहीं बनेगा उन्नीस पे काम बनेगा तो अब काम किन किन वैल्यूज पे बन रहा है तो अब आपके जो एक्स की वैल्यू है फर्दर कौन कौन सी आ रही है दैट इज ग्यारह पंद्रह उन्नीस यानी देख लो ए पी चल रहा है चार चार के गैप पे और ऐसे लास्ट में क्या आएगा अगर मैंने ग्यारह पंद्रह उन्नीस लिखा तो हंड्रेड तक जाना है और ग्यारह में अगर आप चार चार एड करके जाते हो आप थोड़ा चेक कर लेना ऐसे रफली आइडिया लग जाता है नाइनटी नाइन तक कहानी यानी कि काम बन जाएगा क्योंकि ग्यारह पंद्रह उन्नीस राइट ग्यारह पंद्रह उन्नीस फिर उसके बाद जाएगा तेईस सत्ताईस तो ऐसे चेक करना नाइनटी नाइन तक कहानी पहुंच जाएगी नाइनटी नाइन तक आप सही पहुंच जाओगे तो यहां पर एक्स की पहले तो एक दो तीन चार पांच छह सात पहले तो एक्स की सात वैल्यूज पॉसिबल है यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां से कितनी वैल्यूज पॉसिबल ग्यारह पंद्रह उन्नीस से नाइनटी नाइन तक तो आप कहोगे सर लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस जो कि चार का है और प्लस वन तो ये गया एट्टी एट को चार से डिवाइड करोगे बाईस और एक तेईस तो तेईस टर्म यहां से निकल के आई तो सात और तेईस टोटल थर्टी टर्म पॉसिबल है टोटल थर्टी वैल्यूज पॉसिबल है क्या ये बात आई समझ में हाँ जी क्या ये बात समझ आई आजुबराज ऐसे करते हैं ना वो जो फॉर्मूला होता है ना एपी में फॉर्मूला नहीं होता दैट इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो एल ये माइनस होगा एल माइनस से

हाँ जी डन है समझ आए क्वेश्चन सभी बच्चों को एक बार ये बताना है वो सिस्ट अभी पांच सात क्वेश्चन और रहे डन है समझ गए अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखना एक एक, एक मिनट को पहले एक मिनट रुको पहले मैं सीक्वेंस में चलाता हूँ हाँ एक यार एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लोग देख लेना एक दो ना क्यूबिक पॉलिनोमल वाले क्वेश्चन भी देख लेना

तो आप सबको याद होगा मैंने क्यूबिक जैसे क्यूबिक पॉलिनोमल में लिख देता हूँ तो आप सबको याद है मैंने क्यूबिक पॉलिनोम आपको सॉल्व करना सिखाया था मतलब शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने कैसे क्यूबिक पॉलिनोमल निकालते हैं उसके फैक्टर कैसे करते हैं सुन लेना दोबारा एक बार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जैसे कि आप इसमें एक्स की जगह ना ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ऐसे पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं जैसे आपने इसमें x की जगह वन डाला अच्छा देखो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म है तो वन पे तो आंसर आएगा नहीं जीरो पहले हम हिट एंड ट्रायल करते हैं तो वन पे तो आंसर जीरो आएगा नहीं फिर मैंने माइनस मैं 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 वन रखा यहां अगर मैं माइनस वन रखूं माइनस वन आएगा एक्स स्क्वायर है थर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस वन डालोगे तो थर्टीन आंसर आएगा यहां माइनस वन डालोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का थर्टी टू यहां पर आंसर आएगा प्लस का ट्वेंटी ट्वेंटी और ये थर्टी थ्री हो गया यानी कि इस पे काम बन रहा है एक्स इक्वल टू माइनस वन पे काम बन जाएगा ठीक है

फिर क्या करो ये जो वन दिख रहा है माइनस वन माइनस वन में वन इंटू करो कितना वन फिर उसके बाद क्या करो बारह लिख दिया फिर उसके बाद इस बारह को इस माइनस वन से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस का बारह आएगा यहां पर माइनस बारह लिख दो लिख दिया माइनस बारह एड करो बीस आ गया फिर अब बीस आ गया फिर उसके बाद क्या करो अगेन फिर बीस आ गया ना फिर उसके बाद क्या करना है अगेन हमें यहां पर जो बीस है जो ट्वेंटी है उसमें माइनस वन को इंटू करना माइनस बीस आएगा यहां पे लिखो माइनस बीस आंसर क्या है जीरो आया तो ये जो ये जो कॉफिशियंट आते हैं ना वन बारह और बीस ये क्या होते हैं ये होते हैं कि जब आप ये क्यूबिक पॉलिनामेल है आपके सामने राइट ये क्यूबिक पॉलिनामेल था दैट इज एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वास और प्लस में बीस इसका आपने क्योंकि बताया भाई एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ये पूरा जीरो आंसर बन रहा है तो इसका मतलब माइनस वन को इधर लाओ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ दिस माइनस वन फिर माइनस वन पे ना ये जो आता है ना वन बारह बीस ये क्या होते हैं ये जो आपकी क्वाड्रेटिक होती है ना उसके फैक्टर होते हैं जैसे एक्स स्क्वास बीस है तो बीस क्यों, ये होती है ना क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो उसमें वन क्या है ए की वैल्यू है बारह क्या बी की वैल्यू बीस क्या सी की वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर प्लस बारह प्लस दिस अब जब आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो इंटू करने पे बीस है है ना अब 20 के दो फैक्टर क्या होते हैं इंटू करने पे बीस प्लस करने पे लाना है तो आपने फैक्टर क्या लिखा इसके दैट इज इजी तो ये हो जाएगा और तो इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमल के फैक्टर कर दो एक एक्स एक प्लस वन हो गया एक एक्स एक प्लस टू हो गया और एक्स प्लस टेन हो गया समझ आया सभी बच्चों को कि क्यूबिक पॉलिनामेल के फैक्टर कैसे करने हैं एक बार चैट के थ्रू बताना क्यूबिक पॉलिनामेल के फैक्टर कैसे करते हैं समझ आया हाँ बिल्कुल शिवांश कंप्लीट है डन है क्लियर ना सभी बच्चों को अच्छे से एक आप लोगों को तुम ट्राई करने के लिए कॉफिशियंट वाला पार्ट एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो देखो क्या होता है ध्यान से सुन लेना दोबारा कोई बात नहीं सबसे पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है यार कि आपको जो भी मैंने क्यूबिक पोलिनोम दिया ठीक है ये ये जो है ना मैंने आपको जो क्यूबिक दिया well है ये क्यूबिक पोलिनोम ठीक है आपने करना क्या है सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल कर दो जैसे आपने वन डाल के देखा आंसर जीरो बना नहीं फिर आपने माइनस वन पे देखा आंसर जीरो बन गया फिर आपने क्या करना क्यूबिक पोलिनोम के सारे कॉफिशियंट लिख दो वन थर्टीन थर्टी टू ट्वेंटी और यहां पर अपना माइनस वन लिख दिया

क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस वन पे था माइनस वन right? यहाँ एक्स प्लस लिखा है ना मैंने ये जो आप नीचे ही लिखते हो, 1, 12, 20, ये जो नीचे होते हैं किसके quadratic equation के ए एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी तो ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है सी की वैल्यू है तो ये क्या बना एक्स स्क्स बारह एक्स प्लस बीस फैक्टर करना आंसर ये फैक्टर हो गया इसके मिडिल टर्म स्प्लिट किया और ये प्रॉपर फैक्टर चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो सर अगर क्वेश्चन में लेस देन जीरो हाँ नहीं ये जो फैक्ट माइनस वन नहीं मिलोनी जो यहां पे नंबर आता है जीरो आता x इक्वल टू टू डालने पे इस पूरे के पूरे क्यूबिक का आंसर क्या आ जाता है जीरो तो मैं यहां पे माइनस वन की बजाय टू लिखता तो मैं यहां पे टू लिखता ठीक है मिलोनी आपने क्या बोला लेस देन जीरो तो लास्ट क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू जीरो होता तो तो फिर आप आठ वाट को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है अंकित तो जो अंकित मैंने एट टेन एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन इन सबको नहीं लिया था ना तब आप उनको भी इंक्लूड करते हैं ठीक है <coughs> चलो एक और मैं क्यूबिक पॉलिनोम यार आप लोगों को देता हूं आप लोग ट्राई करना जरा इसका जरा फैक्टर वगैरह करके बताना दैट इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो बताओ जरा इसके middle term. जरा इसके फैक्टर करने एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर राइट क्या लगता है क्या होंगे एक बार करना जरा आ गया आंसर चलो चेक करें एक बार साथ साथ करें देखना यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां पे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जैसे x की जगह फॉर राइट यहां पे मान लेते हैं x की जगह क्या रहूं? पहले one ले लेता हूं अगर मैं वन डालूंगा तो वन माइनस फाइव माइनस टू प्लस चौबीस काम नहीं बनेगा अगर मैं माइनस वन यूज करता हूं तो माइनस वन यूज करने पे ये कितना होगा माइनस वन का क्यों माइनस वन यहाँ पर कितना आएगा माइनस पांच यहाँ कितना आएगा प्लस दो चौबीस नहीं जी काम नहीं बनेगा अगर मैं टू लिखता हूं तो टू लिखने पर टू का क्यूब एट होता है दो का स्क्वायर चार पांच बीस माइनस चार प्लस चौबीस काम बनेगा आ, बीस और चार चौबीस बनेगा और ये बत्तीस नहीं अगेन काम नहीं बना क्या बात है भाई माइनस टू पे चेक कर लेते हैं माइनस टू पर काम बनेगा माइनस टू का क्यूब कितना हो जाता है माइनस का एट हो जाएगा और ये कितना होगा माइनस का ट्वेंटी होगा माइनस टू डालूंगा तो प्लस का फोर होगा और ये मेरा ट्वेंटी फोर होगा यहाँ पे काम बन गया तो जो फैक्टर है वो ये है x इक्वल टू माइनस टू एंड इससे ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ता है इतने में काम बन जाता है 1, minus 1, 2 या minus 2 पे अक्सर काम बन जाता है ठीक है तो यहां, पे देखना। so, यहां पर देखना टू एक्स और प्लस ट्वेंटी फोर का क्योंकि x इक्वल टू माइनस टू पे आंसर जीरो आया था तो x प्लस टू इसका एक फैक्टर बना क्योंकि x इक्वल टू माइनस टू पे जीरो बना था x इक्वल टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू तो माइनस टू को जब यहां पे डालोगे तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो ना तो इसका एक फैक्टर क्या है एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है फिर मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से अगर चले तो सबसे पहले आपने यहां पर क्या लिखा माइनस का टू लिख दिया इसके कॉफिशेंट लिखो वन माइनस फाइव माइनस टू और ट्वेंटी फोर सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप पहले वन को एज इट इज नीचे लिख दो तो वन आ गया फिर आप ये जो वन है इसमें माइनस टू को इंटू करोगे वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू यहाँ पे माइनस टू लिखो ये कितना हो जाएगा माइनस का सेवन फिर माइनस सेवन को माइनस टू से इंटू करो कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 14 यहाँ कितना आ गया आपका बारह फिर बारह को आप दो से इंटू करो चौबीस तो यहाँ पर माइनस का चौबीस आंसर कितना है जीरो तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना वन माइनस सेवन बारह ये आपकी क्वाड्रेटिक के कॉफिशियंट है राइट तो क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्क्वायर काफिशियंट वन एक्स का कॉफिशियंट माइनस सेवन और फिर उसके बाद सी तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस बारह के दो फैक्टर क्या हो जाते हैं फोर थ्री झा ट्वेल्व होता है ना फोर ट्वेल्व तो एक हो जाएगा एक्स माइनस फोर और एक हो जाएगा एक्स माइनस थ्री तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर आई बात समझ में सभी बच्चों को अब बताओ डन है डन है डन है क्लियर है हाँ यार ये पक्का समझ आया ना सभी को अच्छे से ठीक है चलो एक क्वेश्चन आप लोग करना फिर सर टू इंटू क्या लिखा आपने टू इंटू माइनस सेवन माइनस फोर्टीन नहीं टू क्यों माइनस टू है ना यार भाई माइनस टू लिखा है माइनस टू और माइनस सेवन नहीं चार ऑर्डर का नहीं है ऐसा कुछ है ठीक है सर ये टू कैसे है कहां पर टू आपने लिखा कहां पर इसकी बात कर रहे हो श्रेय आप ये वाला एक्स प्लस टू की बात कर रहे हो आप कुछ नहीं देखो श्रेय आप, आप दोनों में से हो सकता कुछ भी पूछ रहे हो कुछ नहीं होता शेयर पहले पूरे क्यूबिक में आप वन डालो वन पे क्या पूरा क्यूबिक जीरो बनेगा नहीं माइनस वन पे पूरा क्यूबिक जीरो बनेगा नहीं टू डालने पे जीरो आएगा नहीं माइनस टू पे आएगा जीरो बिल्कुल आएगा तो किस पे आए जीरो माइनस टू पे जीरो आए क्योंकि जब आपने इसमें माइनस टू डाला ना जब आप इस क्यूबिक में माइनस टू डालोगे तो आंसर जीरो आएगा मतलब एक्स इक्वल टू माइनस टू इसका क्या एक रूट है माइनस टू डालोगे देखो माइनस एट आएगा या माइनस टू डालो माइनस टू का स्क्वायर फोर होता है फोर फाइव ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी या माइनस टू डालो टू इंटू माइनस टू इज प्लस फोर यहां पर चौबीस तो देखो आपका आंसर जीरो आ जाएगा ठीक है श्रेया तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर ये दिख रहा माइनस टू तो ये मैंने बोला माइनस टू कि भाई माइनस टू इसका एक फैक्टर है ठीक है माइनस टू क्या इसका एक फैक्टर है उसके बेसिस पे मैंने किया है माइनस टू तो इसका एक फैक्टर क्या होगा क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस टू पे आंसर जीरो आ रहा है तो एक्स प्लस टू इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि माइनस टू इधर लाओगे तो प्लस टू हो जाएगा तो एक्स प्लस टू इसका एक फैक्टर है लेकिन जब आप यहां लिखोगे तो यहां तो माइनस टू लिखना है चलो एक क्वेश्चन कर लो अब आप लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करो क्वेश्चन मेरा ये है कि सॉल्व सॉल्व एक्स क्यूब माइनस फोर एंड ग्रेटर इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए पता है सबको करना क्या है कि सबसे पहले आपको मिडिल टर्म मतलब इसको फैक्टर फॉर्म में क्रिएट करना है ना factor form में create करना है देना पे जाओगे सर टू माइनस टू साइन होगा नहीं 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 क्योंकि मिलोनी एक्स इक्वल टू माइनस टू पे उसका आंसर जीरो आया था तो उसका फैक्टर क्या बना उसका फैक्टर एक्स प्लस टू बना क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस टू तो रूट है एक्स इक्वल टू माइनस टू क्या है यहां पर अगर मैं बोलू माइनस टू क्या है तो आप बोलो सर माइनस टू क्यूबिक का रूट है और x प्लस टू क्या होगा क्योंकि x इक्वल टू माइनस टू इज द रूट तो माइनस टू को इधर लाओगे x प्लस टू बना x प्लस टू क्या है फैक्टर है एक्स प्लस टू सर उस क्यूबिक का फैक्टर है और माइनस टू उस क्यूबिक का रूट है समझ गए मिलोनी छोटे छोटे शब्दों को पकड़ना है और हमें इन्हीं की क्लैरिटी नहीं होती दैट्स हम कंफ्यूज होते रहते हैं ठीक है माइनस टू रूट है और एक्स प्लस टू उसका फैक्टर है मिल जाते हैं यार आ, अत, कुरी। मिल जाते हैं अगर नहीं मिलते तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट है ठीक है अब होता है यार कई बार कोई बच्चा सोचे ऐसा कि सर ऐसे तो मान लो उसने पहले मैंने वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री मान लो सर सेवन है तो ऐसे सेवन तो तक जाते जाते टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे यार ठीक है उसको लेके परेशान मत हो ओके हो गया सॉल्व हो गया तो आपको बस एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है आंसर बताना है काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी विच इज गुड सबसे पहले फैक्टर देखते हैं यार ठीक है सबसे पहले देखते हैं फैक्टर क्या बनेंगे इसके तो ओके चेक करता हूं x की जगह वन डालता हूं वन पे काम बनेगा वन माइनस पांच प्लस आठ माइनस गया तो ये तो तो बड़ा आसान था, इसमें एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब होगा अब बाकी के फैक्टर निकालते हैं इसके कॉफिशेंटली वन माइनस फाइव एट और माइनस चार और मैंने क्या निकाला था वन वन निकाला मैंने वन ये लिखना तो मैंने क्या बोला पहले वाले को एज इट इज नीचे लिखते हैं वन एज इट इज आएगा फिर ये वाला जो वन है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वन वन जा वन माइनस पांच और वन यानी कि माइनस का चार अब क्या होगा अब ये वाला जो आपका माइनस चार है ये इस वन से इंटू होगा तो माइनस चार इंटू वन फोर। तो यहां पर कितना आ जाएगा फोर आ गया ठीक है अब क्या होगा ये जो फोर है ये इस वन से इंटू होगा फोर वन जा यहां पर जीरो और लास्ट में जीरो आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए आपने फिर सही फैक्टर अब ये वन माइनस फोर और फोर क्या है, ये आपके जो है, उसके है। तो दैट इज एक्सर माइनस का फोर एक्स और प्लस का फोर ये है आपकी जिसके जब आप करोगे, तो ये बेसिकली बनेगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू क्योंकि चार का फैक्टर टू टू जो ऐसे एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू बनेगा तो इसके फैक्टर क्या बने एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू बन गए राइट है जी बात क्लियर सभी बच्चों को हाँ जी कोई डाउट तो नहीं पक्का तो यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पर अगर मैं बात करूं दैट इज ग्रेटर तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं एक्स माइनस वन ठीक है इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं एक्स माइनस वन और क्योंकि एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू बेसिकली एक्स माइनस टू का स्क्वायर हो गया ना यार तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो अब आप एक नंबर लाइन बनाओगे तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है एक्स माइनस टू का स्क्वायर इज अ पॉजिटिव तो इसको तो कैलकुलेशन में लेने की जरूरत ही नहीं है एक्स माइनस टू का स्क्वायर पॉजिटिव तो कैलकुलेशन में मत लो मतलब वन इक्वल टू जीरो बीच का कोई नंबर ले लो बीच का नंबर क्या लू जैसे कि मैं ले लेता हूं इसमें न, 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 यहां से जीरो उठा लेता हूं एक्स इक्वल टू जीरो से उठाता हूं अगर मैं जीरो डालूंगा जीरो माइनस वन यानी नेगेटिव आएगा आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कैलकुलेशन के पॉइंट से इसको इग्नोर करो एक्स माइनस टू के स्क्वायर को इग्नोर करो क्योंकि ये पॉजिटिव है अगर यहां आप 0 डाल तो आंसर नेगेटिव आएगा जबकि आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ये इंटरवल गलत है तो ये वाला इंटरवल करेक्ट जाएगा आपका ये इंटरवल लेकिन अब आप बोलोगे कि सर जो मेरे x की वैल्यू है कि सर जो मेरे x की वैल्यू है वो क्या है दैट इज 1 से लेकर के इंफिनिटी तक है कि सर जो मेरे x की वैल्यू है वो क्या है 1 से लेकर के इंफिनिटी क्या 1 को इंक्लूड करूंगा मैं क्या मैं वन इंक्लूड करूंगा जवाब है नहीं कि सर आप one को include नहीं करोगे क्योंकि greater than zero होना चाहिए बट सर आप से ना एक और क्रिटिकल पॉइंट हटाओ जो कि है टू क्योंकि मैंने क्या बोला जब ग्रेटर होता है ना सिर्फ ग्रेटर टू नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट पे ध्यान दिया करो यानी दो को छोड़ के तो ये एक्स का आंसर होगा एक बार बताएंगे आप सभी बच्चे चैट के थ्रू समझ आए समझ आया ना पक्का फील आ रहा है थोड़ा कि हाई यार इन क्वालिटी सही चल रहा है थोड़ा समझ आ रहा है कैच कर पा रहे हो हर एक बात को ना चलो और बाकी यार अगर किसी बच्चे को लगता है, अगर किसी बच्चे को लगता है सर मैं तो ऐसा सोच ही नहीं पाया मतलब मेरे को नहीं एकदम से क्लिक होता कि यार ये तो पॉजिटिव है इसको मत चेक करो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि सर मैं एकदम से नहीं सोच पाया ये सारी बातें मतलब ऐसे में स्क्वायर वगैरह वाली थॉट पे नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं यार मत जाओ ठीक है मत जाओ आप सिंपल ये रखो कि यार इसके दो क्रिटिकल पॉइंट क्या है वन और टू आएंगे ना आप वन टू ले लो वन और टू आएगा वन टू ले लो सिंपल और इन्फिनिटी माइनस इंफिनिटी वन से पीछे कोई नंबर लो माइनस इंफिनिटी से वन के बीच का नंबर एक्स की वैल्यू जीरो ले लो यहां पर जीरो डालो आंसर नेगेटिव आएगा ये तो रहना ही पॉजिटिव है इसमें तो दिक्कत नहीं ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है इंटरवल गलत है वन से टू के बीच का नंबर लो वन पॉइंट फाइव ले लेते हैं तो वन पॉइंट फाइव में से वन माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा ये तो स्क्वायर है तो ये तो आना ही पॉजिटिव है तो ये इंटरवल करेक्ट है ऐसे ये वाला इंटरवल भी करेक्ट होगा तो फिर आपका कहना होगा सर देखो ये सही जा रहा है है ना ये सही जा रहा है लेकिन सर जो टू है और जो वन है हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे सर जो टू और वन है ना इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है ना तो ऐसे में आप एक आंसर क्या बोलोगे एक आंसर आप ये भी बोल सकते हो क्या कि सर वन से लेकर के टू तक विद ओपन ब्रैकेट यूनियन फिर टू से लेकर के इन्फिनिटी तक या फिर आप ये भी बोल सकते हो डा बात क्लियर सर और कितने समय अच्छा थक गए हैं क्या सारे आगे बढ़े चलो हाँ बस यही काम है मेरा सिंपल भार सिंपल मैनर में चीजें सम अप करा दू मैं चलो और कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं यार ठीक है और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक मिनट देना बस जरा अब एक काम करते हैं अब ना मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं ठीक है चलो अब मैं आप लोग का एक टेस्ट ले लेता हूं ठीक है कुछ पांच सात क्वेश्चन मैं आपको देता हूं चलेगा करें एक टेस्ट ले लूं अब आप लोग का पांच सात क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन मेरा ये है चलो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है आप मुझे बताना क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन देखना एक्स माइनस वन की पावर टेन एक्स प्लस वन की पावर एट एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री और टू एक्स प्लस थ्री की पावर सेवन पूरे क्या अपॉन में x प्लस सिक्स एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू जीरो ठीक है आपके ऑप्शन है आपके ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्स माइनस सिक्स पे क्लोज ब्रैकेट है यूनियन थ्री विद ओपन ब्रैकेट पे ओपन ब्रैकेट है माइनस थ्री बाय टू विद क्लोज ब्रैकेट अगला ऑप्शन माइनस इनफिनिटी से सिक्स विद क्लोज ब्रैकेट यूनियन माइनस थ्री से माइनस टू बाय थ्री विद क्लोज ब्रैकेट अगला ऑप्शन माइनस इनफिनिटी से माइनस थ्री बाय टू विद क्लोज ब्रैकेट यूनियन सिक्स कॉमा इन्फिनिटी यहां पे और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीस जीरो पॉइंट फाइव मिनट बाद अब देखो ढंग से करना है ना पूरा खत्म तो ऑफ दीज ईशान नन ऑफ दीज है कई बच्चों का कहना चलो देख लेते हैं भाई नन ऑफ दीज क्यों देखो सबसे पहली, सबसे पहली बात तो ये निकल के आती है आपको पता है यार इन इक्वालिटी मैंने लिखी है है ना आप सबको पता है कि इस इन को हम लोग कैसे रीड करते हैं हम ऊपर नीचे एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स करेंगे ना कभी भी डिनोमिनेटर में होता है तो हम इन देखो सबसे पहले ना ये समझो कि आप इन में क्या क्या पार्ट लिखोगे उस पर बात करते हैं देखो आप बोलोगे कि सर जो एनी में आप लिख रहे हो पहले तो सर आप x माइनस वन की पावर टेन इसको ध्यान में मत रखो इसकी कोई जरूरत नहीं है सर क्योंकि पॉजिटिव है x माइनस वन की पावर टेन पॉजिटिव है सर इग्नोर करो सर x प्लस वन की पावर एट है सर इग्नोर करो पॉजिटिव है पूरा का पूरा हां क्रिटिकल पॉइंट के चक्कर में देख लेंगे उसमें भी सर देखने की जरूरत क्या है क्रिटिकल पॉइंट पर भी क्या जाने की जरूरत है इक्वल टू का साइन डला हुआ है दिक्कत क्या है ना इक्वल टू का साइन डला हुआ है आगे बढ़ते हैं फिर आपने कहा सर एक्स प्लस कोई जरूरत नहीं है देखने की मैंने कहा ठीक है जी आपने कहा सर एक्स प्लस थ्री का okay. well क्यूब so, है ना तो एक्स प्लस थ्री का क्यूब है ना तो उसमें भी आप सिर्फ एक्स प्लस थ्री देखो सर उसमें भी सिर्फ एक्स प्लस थ्री देखो क्योंकि पावर सेवन है तो सर टू एक्स प्लस थ्री की पावर सिक्स तक तो दिक्कत ही नहीं है आप सिर्फ टू एक्स प्लस थ्री चेक करो सर राइट और सर ये जो एक्स प्लस सिक्स है क्योंकि हम ऊपर नीचे एक्सप्ल सिक्स से इंटू कर देते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए तो सर एक ना आप लगे हाथ एक्स प्लस एक्स भी देख ही लेना जब इतना कर रहे हो तो इतना भी लो राइट चलो जी, कर लेंगे इतना भी अब ये 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 चीज को चेक चेक कब होगी आप इसको चेक करो कि ये लेस जीरो इसकी क्या कहानी है ठीक है तो आपने क्रिटिकल गेम की कहानी अपनी गेम शुरू कर दी ठीक है आपने क्रिटिकल पॉइंट उठाया और शुरू कर दिया तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा दैट इज एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है माइनस mm थ्री -mm -mm -mm, 6, पहले ये वाला लेता हूं, 6. एक आ रहा है 6, एक आएगा मेरा थ्री और यहाँ से क्या आएगा मेरा माइनस का थ्री बाय टू है ना और बाकी ये इन्फिनिटी और ये भी माइनस इंफिनिटी कुछ जरा वैल्यूज वगैरह पुट कर लेते हैं तो माइनस सिक्स से छोटा नंबर जैसे कि एक्स की वैल्यू माइनस सेवन ले लेता हूँ माइनस सेवन डालूंगा नेगेटिव आएगा माइनस सेवन डालूंगा नेगेटिव आएगा माइनस सेवन नेगेटिव 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 सही है इधर आ जाता हूँ माइनस सिक्स और ये तो एक्स की जगह मैं माइनस पांच ले लेता हूँ माइनस पांच लूंगा माइनस फाइव टू एक सेकेंड हम्म माइनस पांच ही आएगा ना हाँ माइनस पांच आएगा तो यहाँ पर अगर मैं माइनस पांच लेता हूँ तो माइनस पांच लेने पर ये क्या आएगा मेरा दैट इज माइनस का टेन ये तो ठीक है ये तो नेगेटिव ही होना है ये नेगेटिव और ये माइनस पांच लेना ये तो पॉजिटिव आ जाएगा है ना तो यहां पर मेरा आंसर तो पॉजिटिव जा रहा है तो माइनस सिक्स से माइनस थ्री तो नहीं हो सकता माइनस सिक्स से माइनस थ्री तो नहीं हो सकता उसके बाद अगर मैं माइनस थ्री से थ्री माइनस थ्री बाई टू के बीच का नंबर देखूं जैसे कि एक काम करते हैं माइनस टू ले लेता हूं अगर मैं माइनस टू लेता हूं तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा माइनस टू लेने पर नेगेटिव आएगा और ये मेरा पॉजिटिव आएगा यानी ये ठीक है ये इंटरवल करेक्ट है और यहाँ से जीरो उठा लो यार अगर जीरो लेता हूँ सबके सब पॉजिटिव सब आ जाएंगे पॉजिटिव 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 है ना सब पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बना तो यहां पर आर तो मेरा जो आंसर निकल के आ रही है ठीक है यहां तक समझ आ गया सभी बच्चों को एक बार चैट के थ्रू बताना क्या यहां तक क्लियर है सबको हाँ जी क्या यहां तक समझ आ गया आऊंगा उांगा बीमस पे आऊंगा बैंक अभी वो क्रिटिकल पॉइंट पे मैं आऊंगा पहले बताओ ये समझ आ गया सबको ठीक है 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 ओके मतलब जो 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 चेक 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 करना होता है। चेक जो करना 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 ना ना देखो होता 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 आपको वो ये चेक करना है मैं इस पर बात करता हूं चेक करना जो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं ना वो सिर्फ ये चेक करो सिर्फ ये चेक करो ठीक है अब एक बात सुनो अब जो मेरा आंसर आया ना अभी तक क्या क्या आंसर आ गया मेरा मेरा आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से माइनस सिक्स तक है लेकिन हाँ सिक्स को इंक्लूड नहीं करूंगा यार क्योंकि डिनोमिनेटर में था ना तो सिक्स इंक्लूड नहीं होगा ओपन ब्रैकेट और माइनस थ्री से माइनस थ्री बाई और ये क्या है मेरा माइनस थ्री से माइनस थ्री बाय टू ये चलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये वैलिड जाएगा मेरा माइनस थ्री से लेकर के माइनस थ्री बाय टू तक में कोई दिक्कत नहीं है ये सही है लेकिन एक बात सुनना अब एक बात सुनना यहां पर दिक्कत पता क्या आती है ना आप एक चीज को समझो आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको आसान बनाने के लिए आप ये कर लेते हो थोड़ी जगह पहले मैं बनाता इधर पहले एक बार चैट में बता दो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी भी बच्चे को समझ आ गया ना जितना सॉल्यूशन अभी मैंने कराया कि आप क्या करते हो ना आप यह देखते हो कि यार मुझे चेक क्या करना है right? कि मुझे चेक क्या करना है? वो देख तो मतलब मतलब एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री नहीं सिर्फ एक्स प्लस थ्री चेक कर लो काफी है और तो टू एक्स प्लस थ्री की पावर सेवन की बजाय चेक कर लो काफी एक्स प्लस सिक्स चेक कर लो काफी है राइट तो ये मुझे चेक करना है लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट है ना क्रिटिकल सबके क्रिटिकल नंबर लाइन बनाई तो नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जितने भी दिख रहे सबके क्रिटिकल पॉइंट ले लो जैसे आपको क्या क्या दिख रहा है पहले तो इन्हीं पे आता हूं मैं एक तो मुझे माइनस दिख रहा था ठीक है एक मुझे क्या दिखा था दैट इज माइनस थ्री था और माइनस सिक्स था सबसे बड़ा तो आई गेस माइनस सिक्स ही होगा उससे फिर माइनस थ्री आ जाएगा फिर एक माइनस का थ्री बाय टू आ रहा था माइनस थ्री बाय टू मतलब वन पॉइंट फाइव और एक ये दो मैंने छोड़ दिए थे तो एक माइनस वन से वन आएगा और एक माइनस वन भी आएगा तो एक माइनस वन भी आएगा और एक वन भी आएगा राइट तो क्रिटिकल पॉइंट तो आपको सारे लेने ना अब जब आप चेक कर रहे होंगे जब आप चेक कर रहे होगे तो जैसे यहां पर आपने x की वैल्यू क्या ले ली लाइक माइनस सेवन पे चेक किया चेक सिर्फ इसको करो उसमें दिक्कत नहीं है चेक सिर्फ इसको करो कि माइनस सेवन अगर आप डालोगे तो माइनस सेवन पे क्या होगा नेगेटिव माइनस सेवन पे नेगेटिव होगा माइनस वन पे नेगेटिव होगा नेगेटिव 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 ओवरऑल आएगा बिल्कुल सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सेकेंड ध्यान रखना जितने क्रिटिकल पॉइंट है ना सब इंक्लूड होंगे सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट सिक्स छे को छोड़ करके सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाएगा इसलिए मैं सबको पहले ही डार्क कर देता हूं पहले से ही मैं सबको डार्क कर देता हूं क्योंकि सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे नेगेटिव आएगा माइनस फोर लिखोगे नेगेटिव आएगा यहां पॉजिटिव तो ये इंटरवल गलत है ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है अच्छा इसकी अगर मैं बात करूं तो आप माइनस का टू ले लो माइनस टू लेने पर पॉजिटिव आंसर आएगा यहां पर आंसर नेगेटिव आएगा यहां पर आंसर पॉजिटिव आएगा ये इंटरवल आपका करेक्ट जा रहा है ठीक है इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप क्या लोगे यार यहां पर माइनस वन और माइनस थ्री पॉइंट माइनस वन पॉइंट फोर ले लो फिर ठीक है माइनस वन पॉइंट फोर लूंगा मेरा ये वाला आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा माइनस पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव आना है तो ये भी गलत हो गया सिमिलरली ये वाला करेक्ट हो जाएगा मेरा ठीक है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जीरो अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होगा ना करेक्ट गलत करेक्ट ऐसे ऐसे चलता रहेगा माइनस वन से वन अगर मैं लेता हूँ तो माइनस वन से वन के केस में क्या बनेगा मेरा दैट इज पॉजिटिव आएगा है ना माइनस वन से वन ज़ीरो ले लेता हूँ इन शॉर्ट जीरो अगर मैं ले लूँ तो जीरो लेने पे क्या आ जाएगा मेरा आंसर थ्री आ जाएगा और मतलब पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव आएगा ये करेक्ट है करेक्ट नहीं हुआ गलत हो गया ना ये तो माइनस वन से वन पे तो गलत हो गया ना माइनस वन से वन मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो ले लेता हूँ तो ज़ीरो लेने पे तो गलत आ रहा है क्योंकि अगर मैं ज़ीरो लेता हूँ तो ज़ीरो प्लस थ्री पॉजिटिव 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 और हूँ राइट 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 ये गलत है ये भी गलत है एंड वन से बड़ा नंबर पांच ये भी गलत आएगा ये सब गलत आ जाएंगे तो मेरा अब आंसर क्या बना तो मेरा आंसर ये बनेगा हाँ तो मेरा आंसर ये बनेगा उसको आप देखना मेरा आंसर ये होगा कि ध्यान से समझना एक्स की वैल्यू क्या आ, निकल के आएगी मेरी ध्यान से देखो एक तो ये इंटरवल करेक्ट था आपका दैट इज एक तो आपका ये वाला इंटरवल करेक्ट था दैट इज माइनस इंफिनिटी से माइनस सिक्स लेकिन माइनस सिक्स इंक्लूड नहीं होगा ओपन ब्रैकेट यूनियन फिर आपका ये वाला इंटरवल करेक्ट है दैट इज माइनस थ्री से माइनस थ्री बाय टू ये करेक्ट है एंड यूनियन यूनियन ब्रेसेस यूनियन डालो और ब्रेसेस डालो ब्रेसेस माइनस वन कॉमा वन ब्रेसेस में क्योंकि जब ब्रेसेस में डालते हो ना देखो जब आप किसी चीज को ब्रेसेस में लिखते हो जैसे x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू है तो अगर आप ब्रेसेस में लिखते हो वन टू तो इसका मतलब है कि मैं कहना चाह रहा हूं एक्स की वैल्यू वन और टू होगी ठीक है तो ब्रेसेस में लिखना आपने दैट इज माइनस वन और वन क्यों क्योंकि माइनस और वन और माइनस वन और वन पे आंसर जीरो आएगा और आंसर जीरो हो सकता है क्योंकि इक्वल टू जीरो भी है ना आया क्वेश्चन समझ में सभी बच्चों को पक्का ना जेनवनली बताना देखो मैं हमेशा ये कहता हूं जब भी आप वन शॉट में आते हो ना तो सीखने के पर्पज पे आओ कि सीखूंगा मैं ऐसे नहीं कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो वाला नहीं आएगा नहीं सीखने पे ध्यान दो अब देखो यहां से हमने एक चीज और क्या सीखी एक चीज ना आ, सभी बच्चे समझना जैसे हमारी आदत क्या होती है हमारी आदत क्या होती है कि कभी भी ऐसे इंटरवल्स बनते हैं ना कभी भी ऐसे इंटरवल बनते हैं हम लोग क्या कहते हैं ये करेक्ट है ये गलत करेक्ट गलत करेक्ट गलत ऐसे कर देते हैं करते हैं ऐसे यस और नो जब इंटरवल्स होते हैं ये करेक्ट है ये गलत है ये करेक्ट है गलत है, ये करेक्ट है, गलत है ये करेक्ट है गलत है करेक्ट ऐसे कर देते हैं अब देख रो गलती हो रही है ना तो इसलिए गलती हो जाएगी देखो ये लाइन से तीनों गलत हो गए तो इसको ध्यान में रखना आप सभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया इंक्लूड किया यूनियन लगाया मैंने यूनियन इंक्लूड किया भाई एक्सेप्ट नहीं किया माइनस वन और प्लस वन पे आंसर क्या बन रहा है माइनस वन और प्लस वन पे आंसर क्या बन रहा है ये ब्रैकेट तब यूज होते हैं जैसे कि मान लो आपको शो करना है कि एक्स की वैल्यू आ, वन से लेकर के सपोज हंड्रेड तक है हंड्रेड तक है मतलब इन शॉर्ट एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर से लेकर नाइनटी नाइन तक हो सकते हैं तो आप इस चीज को ऐसे लिखते हो कि एक्स इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट वन और हंड्रेड पे ओपन ब्रैकेट लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप ये कह रहे हो कि एक्स की वैल्यू टू हो सकती है x की वैल्यू थ्री हो सकती है x की वैल्यू टेन हो सकती है तो आप उसमें ऐसे लिख दो x इज इक्वल टू टू थ्री टेन और उस पर आप डाल दो ब्रेसेस उस पर आप डाल दो ब्रेसेस इसको हम बोलते हैं ब्रेसेस अगर आपने टू थ्री और टेन पे ब्रेसेस डालें इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो एक्स की वैल्यू टू होगी थ्री होगी टेन होगी आप कोई रेंज नहीं बता रहे हो आप एग्जैक्ट वैल्यूज बता रहे हो ठीक है और मैंने संजना वो तो ऑप्शन होंगे ना वो तो ऑप्शन में देखो संजना क्या लिखा है यूनियन लिखा है प्लस लिखा है क्या लिखा है वैसे यूनियन प्रेफर करते हैं वो लोग वो लोग यूनियन लिखना प्रेफर करते हैं यूनियन ठीक है प्लस की बजाय ओके और बाकी एक बच्चे कहना है माइनस वन और वन क्यों ले रहे हो क्योंकि मेरे भाई आंसर इक्वल टू जीरो भी तो आ सकता है देखो इन क्या है लेस देन इक्वल टू जीरो तो जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनपे की आपकी इन का आंसर जीरो आ रहा है जैसे आप इस इन में माइनस डाल दो अगर आपने माइनस वन डाला तो ये वाली जो टर्म दिख रही है ये वाली टर्म ये जीरो बन जाएगी तो ये सारे के सारे न्यूमरेटर को जीरो कर देगी पूरा न्यूमरेटर जीरो कर देगी यानी पूरा का पूरा आंसर जीरो हो जाएगा समझ गए ना राइट right है अंकित चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्यूबिक तो चलो मैंने अभी, अभी कराया आपको क्यूबिक रहने देते हैं क्यूबिक तो अभी भी कराया मैंने एक ये यार बड़ा ही टुच्चा सा क्वेश्चन है लेकिन फटाफट से बताना कि आपको ये बताना है हाउ सॉरी क्वेश्चन मेरा ये है हाउ मैनी सॉल्यूशन हाउ मैनी सॉल्यूशंस डस दिस इन इक्वालिटी डिस इनक्वालिटी एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस सिक्स होल्ड ये इन इक्वालिटी कितने आंसर होल्ड करती है अगर एक्स एक रियल नंबर है एक्स इज रियल नंबर अगर एक्स आपका एक रियल नंबर है तो इन इक्वालिटी कितने आंसर होल्ड करती है क्या इसके दो सोल्यूशन होंगे क्या इसके मैनी सोल्यूशन होंगे मैनी सोल्यूशन क्या इसका सिर्फ ऑनली वन सॉल्यूशन होगा सिर्फ एक सॉल्यूशन या फिर नो no सॉल्यूशन तो आपका जवाब है फटाफट बता दो ये तो पांच सेकंड का आंसर है फटाफट बता दो क्या आंसर होगा इसका बस पंद्रह बीस मिनट की क्लास और है शुभम फिर इकट्ठे ब्रेक ही ब्रेक है फिर नो no सोल्यूशन क्योंकि सर अगर एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है सर एक्स स्क् एक पॉजिटिव नंबर है तो वो लेस देन माइनस सिक्स तो हो ही नहीं सकता नो no सॉल्यूशन ठीक है इसका आंसर क्या होगा नो no सॉल्यूशन बहुत बढ़िया जी एक यार ये वाला बताना मुझे हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिसफाई सेटिस्फाई द कंडीशन कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन कंडीशन क्या है वन थर्टी वन थर्टी एन की पावर फिफ्टी ग्रेटर देन एन की पावर हंड्रेड ग्रेटर देन टू की पावर टू हंड्रेड टू की पावर टू हंड्रेड ठीक है तो ये आपको बताना है टीटा फॉर्म में यह है क्वेश्चन आप बता दो क्या आंसर होना चाहिए जी, क्या आंसर आया इसका तो इसका आंसर आप ये बोल सकते हो मुझे सर मैं आपकी वीडियो अभी स्टार्ट करी है मैं पास्ट से आया हूं इक्वेशन <laughs> है फाइव अपॉन एक्स माइनस थ्री इज लेस देन फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री एक मिनट नमन मैं देखता हूँ पहले मैं इसके बारे में बात करूँ जो क्वेश्चन मैंने दिया है है ना क्योंकि फटाफट सब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि बच्चों का भी थोड़ा टाइम बचे। अच्छा यही है क्वेश्चन मुझे लगा इरेज हो गई पूरी स्क्रीन चलो देखते हैं हाँ सोल्यूशन पे आते हैं एक मिनट में बताता हूँ बाकी आपको आपका डाउट देखो यहाँ पर आपका कहना होगा कि सर देखो ये लिखा है सर वन थर्टी एन की पावर में फिफ्टी है इसको सर आप लिख लो एन स्क्वायर की पावर फिफ्टी कर दो और इसको सर आप टू की पावर फोर की पावर फिफ्टी कर दो है ना पावर कॉमन कर दो ना सबकी देखो पावर फिफ्टी 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 बन रही है तो सर सीधा सा मतलब ये निकल के आया वन थर्टी एन लेस देन एन स्क्वायर लेस देन टू की पावर फोर देखो इस इनक्वालिटी से मतलब ये निकल के आया क्या कहने का मतलब इससे ये निकल के आ रहा है कि अगर x की पावर फाइव लेट से मान लो मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ कि x की पावर फाइव फॉर एग्जाम्पल इज लेस देन y की पावर फाइव तो इसका मतलब होता है कि x इज लेस देन y मतलब साइन चेंज नहीं होगा इन का अगर x की पावर फाइव लेस देन y की पावर फाइव है तो इसका मतलब x इज लेस देन फाइव

तो यहां से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से एन की वैल्यू हो जाएगी लेस देन वन थर्टी एन वन थर्टी एन इज लेस देन एन स्क्वायर तो यहां से क्या आ जाएगा आपका एन इज लेस देन वन थर्टी ओके और यहां से आपका एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू की पावर फोर और आपको पता टू की पावर फोर कैन बी रिटर्न एज चार का स्क्वायर तो एन इज ग्रेटर देन चार तो यहां से दो बातें आ रही है कि एन चार से बड़ा और वन थर्टी से छोटा है एन चार से बड़ा है और 130 से छोटा है तो n की इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो सकती है is, 5, 6, 7 से ले करके, 129 तक इसकी वैल्यूज़ पॉसिबल है ओके okay, जी तो जब आप देखना भाई पांच से एक कितने नंबर हो गए टोटल एक वैल्यूज हो गई बात क्लियर है सभी बच्चों को एक बार चैट के थ्रू बताना ठीक है आपने क्या बोला वशिष्ठ प्लस माइनस नहीं देखना किस में प्लस माइनस नहीं देखना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना किस चीज में टन है? आगे बढ़े देखो कुछ बच्चों को हालांकि ये डाउट आ सकता है मन में थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि कि जैसे वन थर्टी एन और लेस देन एन स्क्वायर था तो कुछ बच्चों का ये हो सकता है कि सर एक बात बताओ अभी तो आपने कहा था ऐसे थोड़ी कट कर देंगे ठीक है जैसे यहां पर एन स्क्वायर और ये एन है अब आप एन को इधर लाके काट रहे हो तो सर एन क्या पता पॉजिटिव है नेगेटिव है ऐसे थोड़ी होता है ना तो वो थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिख दिया बस देखो आप ऐसे समझ लो कि ये मैंने क्या लिखा जैसे एन स्क्वायर है और ये इधर आकर के माइनस हो गया एंड लेस देन जीरो चल रहा है तो अब क्या होगा यहाँ पर एन कॉमन निकालोगे तो एन माइनस वन थर्टी बचेगा राइट तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आएगा यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट जीरो आएगा एक क्रिटिकल पॉइंट वन थर्टी आएगा तो अगर आप चेक भी करते हो तो जैसे मान लो मैं इसके बीच का कोई नंबर ले लेता हूँ जीरो से वन थर्टी के बीच में कोई नंबर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कितना न, 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 दो ले लेता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे दो लूंगा तो दिस शुड बी लेस देन तो दो पे ट्रू जा रही है नई है ना क्योंकि दो लूंगा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा अगर मैं दो से बड़ा नंबर जैसे वन मतलब वन थर्टी से बड़ा नंबर एग्जाम्पल वन थर्टी फाइव लेता हूँ तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे जबकि आंसर लेस देन जीरो होना चाहिए लेस देन जीरो तो ये गलत है ये भी गलत है तो ये इंटरवल करेक्ट है तो जो एन की वैल्यू है इस इनक्वालिटी में एन की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और वन थर्टी से छोटी होगी अब ज्यादा बेटर है हाँ जी अब ज्यादा सही है जिस तरह लिखा मैंने ठीक है नहीं दो चार यार अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं फटाफट से कराता हूँ ठीक है ना अब क्लियर है ना सबको बढ़िया एक और क्वेश्चन पे आता हूँ यार एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन यार वो और कर लो आप लोग एक मिनट रुको कहां गया चलो चलो तब तक इसका आंसर बताओ फटाफट से अच्छा जितनी देर में मैं ऑप्शन लिखूँ आप लोगों ने आंसर बता देना ठीक है क्योंकि कुछ पेन वेन चलाने वाला खेल है नहीं इसमें तो सॉल्व फोर एक्स चैट में फटाफट आंसर बता देना जितनी देर में मैं ऑप्शन लिखूंगा एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री और x एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो तो इसको बस आपके आंसर बताना आपके ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला ऑप्शन है आपका दैट इज माइनस इन्फिनिटी माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी एक्सेप्ट थ्री दूसरा ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू विद क्लोज ब्रैकेट विद क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट फाइव से इन्फिनिटी ठीक है ओके okay. फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ओपन ब्रैकेट यूनियन थ्री से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट माइनस पाँच मतलब पाँच को छोड़ के अगला माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन वन से इन्फिनिटी माइनस टू क्या करेक्ट है मैंने क्या बोला ऑप्शन लिखने तक में आंसर बता देना आपने क्या आंसर है वो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ सी 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 बहुत बढ़िया जी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका बहुत ही अच्छी ठीक है क्योंकि आपने बोला सर सिंपल सी गेम है यहां पर जो आपने लिखा है सर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्लियरली दिख रहे हैं हमें क्या क्या हां तो सर यहां पे क्रिटिकल पॉइंट हमें क्लियरली दिख रहे हैं दैट इज एक क्रिटिकल पॉइंट है इसका माइनस का टू एक क्रिटिकल पॉइंट है सर इसका थ्री और एक क्रिटिकल पॉइंट है पांच और सर ये क्रिटिकल पॉइंट है बट इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम इंक्लूड कर नहीं सकते दैट्स वाइज सर्कल को मैंने डार्क किया नहीं है सर्कल को मैंने डार्क नहीं किया फिर आप कहोगे सर माइनस टू से छोटे नंबर ले लो एक्जाम्पल के लिए सर माइनस चार लेके देख लो माइंड ये तो खैर पॉजिटिव रहना सर इसको मत चेक करो ये तो पॉजिटिव माइनस चार लिखोगे सर नेगेटिव आएगा माइनस चार लिखोगे नेगेटिव माइनस माइनस प्लस यानी इंटरवल करेक्ट है सर माइनस टू से थ्री के बीच का नंबर लेते हो जीरो ले लो एक काम करो जीरो लेके देखोगे ये तो खैर पॉजिटिव रहना है ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा यानी ये गलत है मेरा तीन से पाँच मतलब सर चार लेके देख लो चार लेके देखोगे तो कितना हो जाएगा चार के हिसाब से दैट इज़ ये पॉजिटिव रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा नहीं ये भी करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है और बाकी पाँच से ऊपर छः लेते हो आप है ना सिक्स वगैरह लेते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव ही जाना है ठीक है तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ से माइनस टू से छोटे सारे नंबर और तीन से बड़े सारे नंबर ठीक है तो आंसर क्या बना माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू लेकिन जब आपने यहां लिखा ना थ्री से infinity, जब आपने ओपन ब्रैकेट लगा इंफिनिटी थ्री से इन्फिनिटी बोला ओपन ब्रैकेट लगा के तो ठीक है आपने माइनस टू और तीन को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपने ओपन ब्रैकेट डाल दिया ना क्योंकि आपने ओपन ब्रैकेट डाल दिया तो आपने दिखा दिया कि जी देखो मैं माइनस टू और थ्री को इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ओपन ब्रैकेट डाल दिया लेकिन पांच पांच तो इंक्लूड हो गया ना तो इसलिए माइनस पांच लिखना पड़ेगा ठीक है डन है बात क्लियर सभी बच्चों को हाथ लगा दी नेक्स्ट पे आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं ओके okay, ये ठीक ठाक सा है, बता दो इतना कोई खास भी नहीं है हाउ मैनी हाउ मैनी इंटीग्रल हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन फॉलोविंग द फॉलोविंग रिलेशन रिलेशन होल्ड कितनी वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं ऑप्शन आर मतलब इनिक्वालिटी है क्या एट की पावर ट्वेंटी एट लेस देन एन की पावर ट्वेंटी वन लेस देन फाइव की पावर फोर्टी टू एंड नाउ द ऑप्शन आर फाइव सिक्स सेवन एट फाइव सिक्स सेवन एट क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं यार एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था वो हाँ एक मिनट रुको एक क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था हाँ ये राना हाँ मॉड्यूलस वाली इनिकवालिटी मॉड्यूलस में ही करूंगा यार मिक्सअप नहीं करना चाहता मैं ठीक है पास्ट वाले क्वेश्चन चलो इसका आंसर बताओ यार क्या है आगे आंसर इसका सभी बच्चों का देखो पावर पे फोकस करो पावर पहले तो देखो अगर कोई कॉमन पावर है हटा दो जैसे यहाँ पर ये पावर सेवन आपको क्लियरली मुझे लगता दिख रहा होगा कि एट की पावर फोर की पावर सेवन दिस कैन बी रिटर्न एज एन की पावर थ्री की पावर सेवन दिस कैन बी रिटर्न एज़ फाइव की पावर सिक्स uh, की पावर सेवन तो ये सेवन सेवन हट जाएगा हट जाएगा राइट right. अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास एट की पावर फोर है ना ये गया मैं सोल्यूशन पे फिर एट की पावर फ़ोर एन की पावर थ्री और यहाँ पर फाइव की पावर सिक्स अब जब पावर शिफ्ट करते हो तो जैसे होता है एक्स पावर फाइव है तो जब भी पावर शिफ्ट होती है ना तो एज अ रेसीप्रोकल तो जैसे क्या बनेगा सेवन की पावर फाइव बाय टू जब भी हम पावर को शिफ्ट करते हैं तो पावर जब शिफ्ट करते हैं तो पावर पावर में मल्टीप्लाई होती है लेकिन जो पावर शिफ्ट होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है अब जैसे यहाँ पर पावर थ्री है अब ये थ्री जब यहाँ से यहां जाएगा तो ये चार इंटू में वन बाय थ्री यानी कि फोर बाय थ्री हो जाएगा एंड यहाँ पर एन बचा और ये फाइव की पावर क्या जाएगा? हो जाएगा सिक्स बाय थ्री हो जाएगा ठीक है एट कैन बी रिटर्न एज अच्छा एट की पावर फोर बाय थ्री एट को मैं लिख सकता हूँ टू की पावर थ्री की पावर फोर बाय थ्री तीन से तीन कटेगा कितना आ गया सोलह आ गया तो दिस इज सिक्सटीन तो एन जो है सिक्सटीन से बड़ा है और फाइव की पावर सिक्स बाय थ्री मतलब तीन इसको दो पे काटेगा तो पच्चीस तो एन की वैल्यू सोलह से बड़ी और पच्चीस तक होगी यानी कि सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और चौबीस एक दो तीन चार पांच छः सात आठ ठीक है डने बात क्लियर है सभी बच्चों को अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ वो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है ठीक है एक क्वेश्चन देता हूँ वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बढ़िया सा क्वेश्चन था सोचा था कहाँ गया ये जो मैं लिख के भी लाऊंगा क्वेश्चन तो ठीक है ये रहा वो क्वेश्चन यार इसको ट्राई अच्छा क्वेश्चन है करनाल वैल्यूज एक्स कैन टेक वेयर एक्स इज फ्रॉम टू टू फोर्टी एक्स की वैल्यू दो से चालीस तक है ये दो से चालीस तक है सच दैट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू वगैरह अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू भी है इक्वल टू वो मतलब ये जो लिखा है ना ये जो कंडीशन है ना कंडीशन एक्चुअली ये है ये है टू से ग्रेटर इक्वल टू एक्स ये है ये x है ये मतलब की वैल्यूज़ मतलब एक्स की वैल्यू दो के इक्वल या उससे बड़ी है और चालीस के इक्वल और उससे छोटी है और आपको बताना है कि एक्स की किन वैल्यूज पर ये जो प्रोडक्ट है ना एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डॉट 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 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज नॉट डिविजिबल बाई एक्स ये x से डिवाइड नहीं होगा ठीक है मतलब कि भाई ये इन वैल्यू से तो डिवाइड नहीं होगा ये पॉइंट है मेरा हालांकि इसमें मुझे लग रहा है इन इक्वालिटी का तो इतना कोई रोल है नहीं है ना इन इक्वालिटी का बस ये रोल है कि जो यहां पर थोड़ी सी एक्स की वैल्यू दे रखी इस सेंस में बाकी तो कोई खास रोल है नहीं इसका है ना बाकी कोई खास रोल है नहीं तो इसे इन के क्वेश्चन में कहना थोड़ा सही भी नहीं है पर कोई बात नहीं देखो यहाँ पे जो लिखा ना ये ये लिखा है एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री फिर ऐसे डॉट 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 और ये जो लिखा ना देखो थ्री के बाद मैंने डॉट भी लिखा है थ्री डॉट टू डॉट वन इतनी मुश्किल से मैं टाइप करता हूँ बताओ डॉट लिखा है इग्नोर कर रहे हो सब ठीक है ध्यान दो डॉट है ये थ्री इंटू टू इंटू वन तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री से थ्री टू वन तक है ये क्या है तो मैं इसे बोल सकता हूं x -1 का factorial है, हाँ, या ना? हाँ जी नो yes no? कह सकता हूं मैं कि ये चीज एक्स माइनस वन फैक्टोरियल है राइट right? अच्छा अब एक बात देखो कि एक पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है बढ़िया जी सुजीत बहुत अच्छे अब एक बात समझना देखो अगर मैंने आपके सामने लिखा फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लेते सिक्सटीन फैक्टोरियल है ठीक है सिक्सटीन फैक्टोरियल है अब ये पता है कि जो सिक्सटीन फैक्टोरियल है ना इज नॉट इज नॉट

क्या लगता है ऐसा क्यों ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है दोनों नंबर में क्या खराबी इस बेचारे में कि जो आपका 16 फैक्टोरियल है वो 17 से तो डिवाइड नहीं होगा पक्की बात है लेकिन 17 फैक्टोरियल 18 से डिवाइड नहीं होगा ये ऐसा तो हम नहीं बोल सकते भाई क्या पता हो जाए क्या पता ना हो राइट right. क्योंकि एक बात ध्यान रखनी है एक बात ध्यान रखनी है कि 17 एक प्राइम नंबर है 17 एक प्राइम नंबर है 17 एक प्राइम नंबर है तो सिक्सटीन फैक्टोरियल में पक्की बात है सेवनटीन नहीं आएगा लेकिन अट्ठारह एक प्राइम नंबर नहीं है तो सिक्सटीन सेवनटीन फैक्टोरियल में कुछ नंबर ऐसे आ जाएंगे जो अठारह से वो कर देंगे यार अठारह के फैक्टर क्या होता है? के फैक्टर टू होता है ना के फैक्टर में क्या होता है और आता है तो जब आप 17 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 भी दिख रहा होगा 2 भी दिख रहा होगा कट जाएगा तो यहां पर एक बात मुझे ये ध्यान रखनी है और एक ना बात अभी मैं बोलूंगा वो बहुत अच्छा पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसलिए उसको सुनना लेकिन पहले एक ये बात सुनो तो यहां से एक बात ये क्लियर है कि x माइनस वन फैक्टोरियल इज नॉट डिविजिबल इज नॉट डिविजिबल बाय इज़ नॉट डिविजिबल बाय x व्हेन x इज प्राइम नंबर व्हेन x इज प्राइम नंबर एक्स माइनस वन फैक्टोरियल जो है वो एक्स से डिवाइड नहीं होगा अगर एक्स एक प्राइम नंबर है तो राइट right? लेकिन एक और खास बता है क्या एक और खास बात क्या है वो बड़ा मजेदार पॉइंट है जो मैं बोलने वाला हूं कि एंड एंड फोर एक्स इक्वल टू फोर एज वेल देखो बात को सुनना होता क्या है होता क्या है कि अगर मैंने ये बोला आपसे अगर मैंने आपसे यह बोला जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 16 फैक्टोरियल क्या 17 से डिवाइड होगा आपका जवाब है नहीं सर क्योंकि number है सर ऊपर आएगा नहीं। मैंने पूछा क्या नाइन फैक्टोरियल दस से डिवाइड होगा आपका जवाब है हाँ सर क्योंकि है, नहीं होगा मैंने पूछा, क्या आपका, क्यों क्योंकि सर दस के फैक्टर क्या होते हैं क्योंकि सर दस के ना दो फैक्टर होते हैं पांच और दो जब आप नाइन को ओपन करोगे ना जब आप नाइन को ओपन करोगे तो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तो देखो सर यहां पर यू नो टू भी आ रहा है और फाइव भी आ रहा है तो जब आप दस से डिवाइड करोगे हो जाएगा और भी एग्जाम्पल उठा लो सर ग्यारह फैक्टोरियल क्या बारह से डिवाइड होगा हो जाएगा क्योंकि सर बारह फैक्टोरियल में चार और तीन आता है तो जब आप इलेवन फैक्टोरियल को ओपन करोगे ग्यारह दस नौ आठ सात छह पांच चार तीन दो एक तो उसमें चार और तीन आएगा कट जाएगा बट पता है एक बड़ी खास बात क्या है थ्री फैक्टोरियल क्या चार से डिवाइड होगा क्या थ्री फैक्टोरियल चार से डिवाइड होगा नहीं थ्री फैक्टोरियल चार से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि चार को डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए टू और टू मतलब कि दो दो चाहिए ऐसा कुछ तो अगर आप देखो तो थ्री इंटू टू इंटू वन को आप चार से डिवाइड करोगे नहीं होगा डिवाइड तो ये एक बड़ी ही इंटरव्यू ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये ठीक है ये एक बहुत प्यारा पॉइंट है क्वेश्चन के एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पे गया कहा

तीन लेकिन चार लिखना है यार आपको चार लिखना है बाकी सारे प्राइम दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस ट्वेंटी नाइन थर्टी वन और थर्टी सेवन कितने हो गए कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह तो टोटल थर्टीन सोल्यूशन है इसके समझ गए सभी बच्चे बात को तो इसके कितने सोल्यूशन है टोटल थर्टीन सोल्यूशन है डन है हाँ सिर्फ एक्स इक्वल टू फोर पे होता है ऐसा समझना एक्स इक्वल टू फोर पे ऐसा होता है ठीक है चलो बहुत बढ़िया और आगे बढ़ते हैं यार एक क्वेश्चन यार बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है वो मुझे आपको कराना था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको थोड़ा बहुत ही अच्छा नहीं मतलब ठीक है इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर सच दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉ वाई ठीक है सच uh, दैट के बाद एक्चुअली ये लिखा हुआ था जो मैं लिख देता हूं दैट इज वाई इज लेस देन इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स ठीक है ये चीज है कि वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देर प्लस एट एक्स ठीक है तो इस पर्टिकुलर इन इक्वालिटी के बेसिस पे है ना x और y रियल नंबर है सच दैट ये इन इक्वालिटी एक्जिस्ट कर रही है आपको बताना है y की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है ट्राई करना है सभी बच्चों ने एक बार चैट के थ्रू बताओ करूं मैं एक मिनट का वेट करूं हाँ जी इंटरेस्टेड है सारे बच्चे कि सर एक बार हमें मौका दो ठीक है हम बताते हैं क्या होगा और ऐसे में यार वो आपसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं ठीक है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बस दो क्वेश्चन और दिया फिर खत्म है बस दो क्वेश्चन और सर बट इफ एक्स इक्वल टू एटीन इन प्रीवियस क्वेश्चन ठीक है दो क्वेश्चन और है बस ठीक है हाँ ऑब्वियसली माधव कि जब भी प्रीवियस ईयर मतलब ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में पढ़ाने के भाई एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने असाइनमेंट्स को डिजाइन करता हूं मैं क्या लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं बाकी एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बुक मिल जाएगी वहां से कर लो नहीं तो मैं कराऊंगा के के बाकी चैप्टर्स ठीक है चलो देखें एक बार तो मैं गया सोल्यूशन पे ठीक है और मैंने क्या बोला ध्यान से समझना बात को इसको मैं थोड़ा सा कराता हूं, ध्यान से बात को सुनना है। आपको बताना लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है वाई की थोड़ा सा सॉल्व करते हैं है ना थोड़ा लगाते हैं दिमाग तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है इसकी लीस्ट पॉसिबल देखो ऐसे एक ना परफेक्ट स्क्वायर बना लो मेरे हिसाब से जैसे एक एक्सप्रेशन है ठीक है y क्या है देखो इसमें एक तो y square लिखा है तो इस ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये expression. ये जो particular expression दिख रहा है ना तो इसमें बताना जरा की की अगर मैं y square की बात करूं तो वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी अगर मैं इस एक्सप्रेशन के हिसाब से जाता हूं तो दैट इज नाइन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स क्या लगता है तो याद है मैंने आप सबको बताया था आप सबको याद होगा ये क्वाड्रेटिक है ना यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है अगर आप ध्यान दो तो ये क्या लिखा है मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक का मिनिमम आंसर कब आता है क्वाड्रेटिक का मिनिमम आंसर आता है कब एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है माइनस बी क्या होता है एक्स का कॉफिशेंट विच इज एट अपॉन टू ए टू ए कितना है X, X square का इसका मिनिमम और ये किस चीज का है वाई स्क्वायर ही तो है ये वैल्यू तो इसका मिनिमम आंसर आएगा जब मैं वाई की वैल्यू चार डालूंगा इसमें अगर आप इसमें वाई की वैल्यू चार डाल देते हो, किसमें नाइन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स में अगर आप लेट से x की जगह चार लिखते हो तो कितना होगा नौ माइनस में सोलह प्लस थर्टी टू पच्चीस आ जाएगा कितना आएगा पच्चीस तो जो y स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू है ना y स्क्वायर की निकालोगे ऑब्वियसली पहले आप दैट इज पच्चीस क्या यह बात समझ आई सभी बच्चों को या बात समझ आई माधव वगैरह जो भी बच्चे श्रेया एंड ऑल हां जी ये बात समझ आ गई है अब उसके बाद जब ये आप इस ये क्वाड्रेटिक जैसे मैंने लिखी तो आप इसको यार मेरे हिसाब से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो ठीक है डायरेक्ट भी बड़े आप आराम से बता सकते हो इसको थोड़ा सा मैं बता दूं देखना ऐसे में जब हम वैल्यूज को लिखते हैं तो ये कितना हमारा वाई स्क्वायर माइनस में पच्चीस है ठीक है एंड लेस देन इक्वल टू जीरो मैं आपको दो तरीके बता दूँ कई बच्चे ऐसे बता देते हैं कि सर देखो अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे भाई वाई स्क्वायर माइनस पच्चीस इज मतलब क्या वाई स्क्वास पच्चीस मतलब पांच का स्क्वायर है ना और यू कैन सेवायर इक्वल टू सर अगर पच्चीस है तो वाई की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस पांच आती है तो सर ये अपवर्ड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला उसका एक पॉइंट पांच है और एक पॉइंट क्या है माइनस पाँच है और सर जो इसकी ये जो पैराबोला है क्योंकि सर वो लेस देन जीरो है लेस देन जीरो पूरे पैराबोला का जो आंसर है वो लेस देन जीरो है मतलब ये नेगेटिव वाला पार्ट तो सर ये इसके इसका डोमेन होगा जिसमें कि सबसे छोटी वैल्यू माइनस फाइव है तो सर वाई की वैल्यू माइनस फाइव सबसे छोटी वैल्यू होगी दूसरा आप ये भी कर सकते हो अगर आपको ग्राफ से समझ आए बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप इसी बात को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्या कि सर ये जो वाई स्क्वायर माइनस पच्चीस और लेस देन जीरो है तो सर इसको मैं वाई माइनस पाँच और वाई प्लस पाँच लूँगा ठीक है एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो तो सर दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं एक आएगा पाँच और एक माइनस पाँच आएगा और एक पाँच आएगा तो सर अगर मैं माइनस पांच से छोटे नंबर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैंने माइनस सिक्स लिया तो माइनस सिक्स लेने पे क्या होगा तो सर माइनस सिक्स लेने पर ये ओवरऑल आंसर आएगा मेरा दैट इज पॉजिटिव आएगा बट आंसर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव तो ये इंटरवल गलत ये भी गलत ये वाला इंटरवल सही जाएगा और इंक्लूडिंग द पॉइंट माइनस फाइव एंड फाइव तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि सर क्योंकि y की वैल्यू माइनस पांच से पांच तक जा रही है तो मिनिमम आंसर क्या होगा y का दैट इज माइनस पांच होगा समझ गए सभी बच्चे बातों को डन है आयुष सहेली साहेल कल्पेश वगैरह जो भी बच्चे हैं, आगे बात समझ में राइट ना तो अपने अपने फंडे होता है क्वालिटी से बता दिया ग्राफ से बता दिया कुछ बच्चे वैसे ही ध्यान रखो यार कुछ बच्चे वैसे ही ध्यान रखो क्या चीज कि अगर इट्स लाइक like ना कि कभी आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि वाई इज लेस देन इक्वल टू है ना वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या बोलू मैं जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू छत्तीस अगर सपोज छत्तीस होता तो वाई की वैल्यू क्या होती है आपकी दैट इज माइनस सिक्स से सिक्स तक जाती है ठीक है चलो तो एक मिनट बाकी का देखू अगर कुछ रहता है वैसे रहता तो नहीं है अब कुछ ठीक है बट स्टिल एक मिनट रुक कोई ढंग का क्वेश्चन रह ना जाए ये ये तो इजी सा है ये मैंने करा दिया आप लोगों को ये भी हो गया है एक यार ये क्वेश्चन कर लो जरा एक लास्ट क्वेश्चन ना बस लास्ट के एक दो क्वेश्चन और हैं चलेगा पांच मिनट और मैनेज कर लो आप लोग ठीक है पांच सात मिनट और मैनेज कर लो बस दो तीन क्वेश्चन और देख लो ठीक है क्योंकि फिर वो वन शॉट में खत्म हो जाए ना सारी खानी अब इतना एफर्ट मारा है तो दो मिनट और सुन लो रमन पहले तो टेलीग्राम ग्रुप है फिर दो क्वेश्चन मैं और कराता हूँ बच्चों के में रमन टेलीग्राम ग्रुप है ठीक है आपका अगला ए आई एम टी होने वाला है जाकर के पार्टिसिपेट करना बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो आप भी उसमें करना और रैंक देखना क्या आती है ये ट्वेंटी सेवन ऑफ अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है दैट इज द किक स्टार्ट बैच किट ट्वेंटी थ्री ठीक है इसमें क्वार्स का पोर्शन मैं देख रहा हूँ और एक बड़ा ही यार uh, बड़ा मजेदार सा एक बैच स्टार्ट हो रहा है दैट इज कैट बैच ठीक है जिसमें मैक्सिमम एडुकेटर आपको दिख जाएंगे ठीक है ऑलमोस्ट जिसमें कि मैं भी हूँ ठीक है uh, मेरी पिक मेरे पीछे चली गई होगी क्योंकि ठीक <laughs> है तो मेरी बैक साइड पे मेरी पिक जा चुकी है तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ शायद दिख जाए ठीक है तो ये जो बैच है इसके लास्ट में मैं भी आपको देखने को मिल रहा हूँ तो ये सारे के सारे मैडुकेटर टीम अप करके एक बड़ा स्पेशल <laughs> बैच है जो कि कैट ट्वेंटी का बैच है इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है आप में से आपके नोन में तो आप उसे बता सकते हैं वो आकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकता है ठीक है बैच के हाईलाइट्स यही है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस पूरी रिकॉर्डिंग 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन परफॉर्मेंस इवेलुएशन 100 प्लस मॉक टेस्ट तक की मेंटोरशिप मिलेगी कैट के एक्सपर्ट्स के थ्रू बाय आई एम ग्रेजुएट्स ठीक है तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच में देखने को मिलेंगी ओके okay. बाकी सब्सक्रिप्शन जब ले रहे हो गया प्लस आइकॉनिक दो नाम के आपको सब्सक्रिप्शन दिखेंगे इसमें आपको डिजिटल नोट्स अनलिमिटेड एक्सेस इंटरेक्टिव क्लासेस स्ट्रक्चर वे में कोर्स ओपन हाउस कम्युनिटी सेक्शन और आज का डाउट मुझे है, अपना हैंड रेस करो माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो ठीक है और अगर मैं बात करूँ आइकॉनिक पे तो फिजिकल नोट्स जी डी पे बैट के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा मेंटोरशिप हो गई टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट की गाइडेंस ये सब देखने को मिलेगा ठीक है ये फीस स्ट्रक्चर आपके सामने और जो मेरा रेफरल कोड है मेरे ख्याल पता होना चाहिए आप सब बच्चों को ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ठीक है आर एम एन वन जीरो मेरा नाम रमन है उसी का शॉर्ट फॉर्म है आर एम एन वन ज़ीरो तो इसका यूज़ कर लेना रमन पूरा कंप्लीट मत लिखना प्लीज़ सिर्फ आर एम एन वन जीरो ठीक है ये है हाँ जी सौम्य चलो अब आगे आते हैं एक क्वेश्चन यार बड़ा ही अच्छा सा है ना फटाफट से मैं जो भी दो तीन दो क्वेश्चन करीब है अब जरा फटाफट से करते हैं ठीक है ध्यान से सुनना बात को पहला क्वेश्चन मेरा यह है ठीक है फटाफट से हम ना खत्म करते हैं बात को तो क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि द लीस्ट द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर द लीज पॉजिटिव इंटीजर एन फोर विच एन फोर विच अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो पॉइंट टू इज लेस देवल टू जीरो पॉइंट टू इज ऑप्शन आर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स या ट्वेंटी सेवन आप बताना क्या आंसर होगा अच्छा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है फटाफट से बताना क्या आंसर होना चाहिए आप सबके हिसाब से ठीक है एक बार फटाफट इसका आंसर बताना तो आप सबके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए तो इसका ना मैं प्रॉपर देखो कई होता है कि हम लोग ना हिट एंड ट्राइल मारते हैं कई बार ठीक है कई बार हम लोग क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल मारते हैं और ऑब्वियसली जो मुझे लगता है गलत है यार और मैक्सिमम चांसेस होता है ऐसे क्वेश्चन के टीटा में आने के जैसे अभी मैंने हाल फिलहाल कई मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखा है ठीक है कई मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन देखा और वो टीटा फॉर्म में आया हुआ था और वहां पे क्वेश्चन टीटा फॉर्म में था इसका ध्यान रखें ठीक है हाँ सौम्या मैंने पढ़ा आपका वो जो वाला मैसेज वो बिल्कुल है ठीक है तो कई मैंने क्या बोला जगहों पे टीटा फॉर्म में क्वेश्चन था तो आप इसलिए प्रॉपर मैथड पर फोकस करना ठीक है देखो होता क्या है? अंडर रूट एन प्लस में अंडर रूट एन माइनस वन है। आपको मतलब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो आप क्या कर सकते हो आप स्कवायरिंग बोथ साइड कर सकते हो अब यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे कितना हो जाएगा एन प्लस वन हो जाएगा यहां पर 0.2 का स्क्वायर इज 0.04 प्लस n 1 और फिर माइनस भी तो 2a मतलब 0.4 अंडर रूट एंड -1 ये हो जाएगा ठीक है अब यहां पर क्या होगा अगर आप देखो तो ये वाले n से वाला n कट जाएगा राइट और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 1 और 0.04 है ना 1 के साथ-साथ क्या रहा ये तो 1 में से 0.04 करोगे तो आएगा माइन -1 ही है ना या 2 तो नहीं ना 0.04 n -1 हो गया और ये इतना हो गया ना हाँ ठीक है अच्छा ये, one और one, ये 1 और 1 2 भी तो होगा ये माइनस -1 इधर आके 2 हो गया 2 में जाएगा 1.96 हाँ ठीक है जी 1.96 और ये लेस देन चल रहा है मेरा 0.4 एंड अंडर रूट n -1 अच्छा 0.4 इसको डिवाइड कर देगा है ना अब यहां अगर मैं देखूं तो जीरो पॉइंट फोर से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ या फिर चलो अगर मैं स्क्वायरिंग या कर ही देता हूँ पहले मैं जीरो पॉइंट फोर से ना इसको डिवाइड करूँ वन पॉइंट नाइन सिक्स है जीरो पॉइंट फोर से इसको डिवाइड करते हैं ना तो एक काम करो जीरो लगा के पहले डेसीमल डेसीमल हटाओ चार डल में दस पे गया चार डल में फोर फोर जो सिक्सटीन हो जाएगा फोर नाइन जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना दैट इज फोर पॉइंट नाइन तो ये फोर पॉइंट नाइन हो गया और ये लेस देन क्या हो गया अंडर रूट एन माइनस वन आप फिर दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना आप दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड करना तो 4.9 का स्क्वायर करना है आपने राइट 4.9 का स्क्वायर कर देना तो यहाँ पे 4.9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2401 तो 24.01 लेस देन n माइनस वन माइनस वन इधर आएगा 25.01 और n अब n जो है वो 25.01 से बड़ा होगा और आपको सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर बताना है यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है हो हो सकती है, 27, 28, 29 so on, कुछ भी हो सकती है, है। है? एंड कुछ भी तो तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? That is 26 है. तो इसको ध्यान रखना पूरा yes no? तरीके से कि यार ऐसा आएगा, ये इस तरीके का अपने को दिखेगा हमें करना क्या अंडर रूट माइनस को वहां ले गया स्क्वायरिंग बोथ साइड करा सॉल्व किया मतलब बेसिकली रूट हटाने बेसिकली रूट हटाने ये ध्यान रखो आपको रूट हटाना था तो आप रूट एंड माइनस वन को वहां ले गए आपने स्क्वायर किया रूट हटा एक और रूट बचा फिर स्क्वायर किया आपके पास आ जाएगा रिजल्ट ठीक है तो मेन चीज यह है इस क्वेश्चन में ओके okay? एक हम्म बाकी तो यार ये तो अभी मैंने कराई दिया आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना लीस्ट वैल्यू ये तो मैंने आपको बताई दिया करने को कैसे करना है ठीक है ये इजी था चलो दैट्स इट यार मुबारक हो ठीक है यहां पे कहानी हमारी खत्म होती है ठीक है चलो काफी है तो यार ये इन आज हमने किया लेकिन ध्यान रखना कुछ बच्चे जैसे इधर उधर से कहीं से इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो उन्हें कई बार ये लगता है जैसे कई बार क्या होता है इन पढ़ाते वक्त लोग बाग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाने लग जाते हैं ठीक है उन ऑब्वियसली वो उसका पार्टी है हालांकि तो मैक्सिमा एंड मिनिमा पे चले जाते हैं और एक और मैं आपको बताता हूँ देखो नॉर्मली क्या होता है कई बार जब लोग पढ़ाते हैं या कई बुक्स होती हैं है ना तो हर जगह क्या होता है ना मॉडुलस एंड इनक्वालिटी एक ही चैप्टर होता है मतलब एक ही चैप्टर पे लिखा होगा मॉडुलस एंड मॉड्यक्वालिटी तो आप ऐसे समझ लो कंफ्यूज ना होकर के इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दो एक पकड़ लेते हैं मॉडुलस सॉरी ऐसे मॉडुलस इनइक्वालिटी जैसे चैप्टर होता है ना ताकि हम कंफ्यूज ना हो क्योंकि मेन है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो उसको ऐसे ध्यान रखो एक हो गया इनइक्वालिटी एक हो गया इनइक्वालिटी एक हो गया मॉडुलस और एक हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं तो इनइक्वालिटी डन है मॉडुलस करेंगे और जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है जिसमें एएम जीएम एचएम ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं वो हम लोग करेंगे अलग से मतलब इसको तीन पार्ट में ऐसे रख लेंगे ठीक है डन है प्रणव सर पर शुक्रिया हार्दिक बट सर 26 वैल्यू रखने पर नहीं सहेली वो मैं मेरे को जाना है एक्चुअली शाम को कहीं थोड़ा प्लान फिक्स नहीं था पहले से अभी अचानक बना है और वो थोड़ा अर्जेंट है अदरवाइज़ मैं नहीं जाता तो वो नहीं ले पाऊंगा मैं शाम वाली वो मैं कल रख दूंगा ओके okay, आपने क्या बोला ट्वेंटी सिक्स पर वैल्यूज़ क्यों नहीं ट्रू आ रहा है भाई ट्वेंटी सिक्स लिया आपने यहाँ पे ना यार रूट में अजीब से आएगा एक बार चेक कर लेना कैलकुलेटर से चेक कर लो ठीक है तो अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स लोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका ट्वेंटी सिक्स बोला ना मैंने एन की वैल्यू तो ट्वेंटी सिक्स प्लस वन कर लो राइट <coughs> इसमें जीरो पॉइंट फोर के आगे नेगेटिव का साइन रह गया अच्छा हाँ अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकना जरा कुछ गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन वगैरह में एक बार रुक जाओ चेक कर लेते यार एक मिनट रुको तो रुक जाओ शायद कुछ गड़बड़ है इसमें एक मिनट यहां तक तो ठीक था ना क्वेश्चन एन जीरो पॉइंट जीरो टू तो यहाँ पे क्या है मेरा जब मैंने स्क्वायरिंग किया तो एन प्लस वन आया यहाँ पे मैंने जीरो पॉइंट जीर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस टू ए बी तो ऑब्वियसली सही है ये ठीक है अब उसके बाद क्या है मेरा जैसे माइनस था ना तो मैंने यहाँ पर अच्छा मैंने डिवाइड कर अच्छा फिर डिवाइड मत करो फिर डिवाइड की ज़रूरत नहीं है इसे ना माइनस पे यहीं छोड़ दो फिर यहाँ पे काटो मत ये माइनस है ना आप यहीं पर ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो फिर ये माइनस था ना फिर आप यहीं पर ही दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड करो नहीं तो इन क्वालिटी का साइन वाइन चेंज करने वाली बात आ जाती है तो आप यहीं पर ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो दोबारा ठीक है ताकि ये पॉजिटिव नेगेटिव की दिक्कत खत्म हो जाए तो थ्री पॉइंट एट फोर वन सिक्स हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा दैट इज जीरो पॉइंट वन सिक्स और ये एन माइनस वन तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हो दैट इज की एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ये अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ एक मिनट अपना कितना आया था हमारा डिवाइड करने में फोर पॉइंट नाइन आया था ना तो फोर पॉइंट नाइन और मैंने क्योंकि माइनस से क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा और यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा अंडर रूट एन माइनस वन चल रहा है और फोर पॉइंट नाइन पर क्या आंसर बनेगा मेरा अगर मैं फ़ोर पॉइंट नाइन लेता हूँ तो टू फोर ज़ीरो वन हो गया ना? 2, है ना टू फोर हाँ डिवाइड किया मैंने तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट ज़ीरो वन हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन हो जाएगा और क्योंकि स्कवायरिंग बोथ साइड करूँगा और फिर उसके बाद ये लेस देन में मेरा एन भी चल रहा होगा तो एन विल बी लेस देन ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो वन राइट एन विल बी लेस देन ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो वन और ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो वन से छोटा जैसे अगर मैं चौबीस लेता हूँ चौबीस और एक पच्चीस से पाँच आ जाएगा और चौबीस में से एक गया तो ये कितना हो जाएगा मेरा अंडर वो ट्वेंटी थ्री हो जाएगा तो मेरा आंसर तो यार पाँच बल्कि ज़्यादा ही आ रहा है बट वो लेस देन जीरो पॉइंट टू से तो कोई बन नहीं रही बात इंस्टॉलमेंट मैंने भेज तो दिया यार हम्म क्योंकि पॉजिटिव है ना तो फिर हाँ पच्चीस हाँ सॉरी पच्चीस भी अगर मैं लेता हूँ ईशान तो पच्चीस अगर मैं लेता हूँ तो पच्चीस और एक छब्बीस हो जाएगा अंडर रू ट्वेंटी सिक्स कितना होगा मतलब ऑब्वियसली समथिंग तो होता ही है और ये भी फोर पॉइंट्स या तो बीच में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है या तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए या तो क्योंकि प्लस से तो ये नहीं बन रही बात <coughs> मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना माइनस होना चाहिए अगर माइनस होता ना तो बढ़िया क्वेश्चन है फिर ये ये मुझे लग रहा है स्टेटमेंट थोड़ी अजीब है एक मिनट रुको चेक कर ले जरा टेलीग्राम मेरा अन हाँ मिडल में माइनस होना चाहिए वन तब तो कुछ बढ़िया भी बनेगा जैसे अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन एंड दैट शुड बी लेस देन जीरो पॉइंट टू तो अगर मैं यहाँ पर ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे मैं आ गया सोल्यूशन पे और एन प्लस वन है ठीक है एन प्लस वन और इसको मैं जीरो पॉइंट टू प्लस अंडर रूट एन माइनस वन करता हूँ तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड में करूँगा तो ये हो जाएगा एन प्लस वन और ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर हो जाएगा प्लस एन माइनस वन और प्लस में टू ए बी यानी कि जीरो पॉइंट फोर और अंडर रूट एन माइनस वन ओके एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरा वन पॉइंट नाइन सिक्स ही होगा और यहाँ पर आएगा मेरा जीरो पॉइंट फोर अंडर रूट एन माइनस वन अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा ठीक है तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट नाइन और ये हो गया मेरा अंडर रूट एन माइनस वन फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो 24.01 और प्लस वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रहा हूँ मैं ग्रेटर देन एन यानी एन शुड बी ग्रेटर देन 25.01 तो एन की वैल्यू यहाँ पर 26 लेना अब ठीक है 26 एक बार कैलकुलेटर से देखें ऐसे अगर मैं 26 लेता हूँ 26 ठीक है तो 20 एक बार ऐसे क्रॉस चेक करने के लिए देख लेते हैं अगर मैं 26 लेता तो 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 में under root 26, 26 है ना ना तो ये 25 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा is, uh, 5 हो 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 जाएगा 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 आपका गया ना, exact, काफी ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा ठीक है काफी accuracy पे देखना पड़ेगा, हाँ देख रो इसकी वैल्यू फाइव पॉइंट वन नाइन होती है अंडर रूट ट्वेंटी सेवन की वैल्यू फाइव पॉइंट वन नाइन होती है तो आंसर कितना आएगा मेरा दैट इज 0.19 आएगा हाँ ये ठीक है माइनस होना चाहिए समझ गए सभी बच्चे है ना, ना? माइनस पे सही है यहाँ माइनस होना चाहिए तो एक सेंस बना क्वेश्चन का क्यों देख रहे हो अगर मैं अंडर रूट ट्वेंटी सेवन बहुत ज्यादा क्लोज वन पॉइंट यानी यहाँ पे बात बनेगी बताया ना सहेली मैंने अभी वहीं तो बताया था कि आज मेरे को कहीं जाना है तो नहीं हो पाएगी क्लास ठीक है तो आई होप ये अब आपको इन क्वालिटी अच्छे से समझ आ जाए ठीक है बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यार और प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन राइट वे बिकॉज ऑफ सच सच रीजन ठीक है एंड अन अकेडमी इंटरसोर टेलीग्राम ग्रुप है आर एम मेरा रेफरल कोड है इसका यूज़ कर लेना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ठीक है और शुक्रिया आप सभी बच्चों के वीडियो पसंद आए लाइक कर देना शेयर दोस्तों के साथ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा देना ठीक है चलो ओके बाय टेक केयर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में ठीक है बाय